मसीह यसु के कादर और पुरफजल नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। उन तमाम अजीज़ों को आज एक बार फिर हम गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च के इस लाइव पेज पर खुश आमदीद कहते हैं और मेरी गुजारिश है कि जितने लोग वक्त के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे, आपसे ये गुजारिश है कि आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें और आप अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी, नीचे नंबर मौजूद है पास्टर आर्थर डैनियल साहब का, आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और आप अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। और मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से, बहन भाइयों से जो अपने फेसबुक पे लाइव वॉच पार्टी जो अरेंज करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें, आप जो लिंक है उसे दूसरों तक सेंड करें ताकि वो अपने अपने वॉल पे उसे लाइव देख सकें। अरेंज पार्टी जो वॉच पार्टी है उसे आप अरेंज ना करें, बल्कि उसके जो लिंक्स हैं आप दूसरों को सेंड करें ताकि और ज़्यादा लोग उसके साथ उसे देख सकें और हमारे साथ इसमें शामिल हो सकें। और एक बार फिर उन तमाम अजीज़ों को खुशामदीद कहते हैं जिन्होंने अभी अभी हमें लाइव ज्वाइन किया है और मसीह यसु के नाम में आपकी सलामती चाहते हैं और दुआ करके खुदावंद आप सबों को हमेशा इस तरह अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में, अपनी सलामती में रखे और हमेशा खुदावंद का दाना हाथ आप पर बड़ा रहे। और आज इस वक्त में आपको थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ कोरोना वायरस से मुतल्लिक भी कि इस वक्त पूरी दुनिया में 36,000 लोग इसका शिकार हो चुके हैं, मौत के मुँह में जा चुके हैं और 7 लाख के करीब पूरी दुनिया में लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं या मर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रिकवर किया है और उन्होंने सेहत पाई है, तंदुरुस्ती पाई है। वो तकरीबन पादी साहब 1.5 लाख के करीब जो सेहत याब हो गए। और पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पर बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 1600 के करीब जो टोटल मरीज मौजूद हैं जो इन्फेक्टेड हैं, और इसमें मरने वालों की तादाद 17 हो गई है और जो सेहत पा गए हैं, जो सेहत याब हो गए हैं उनकी तादाद 18 है। ताहम फिर भी खुदावंद का शुक्र है कि मुल्क पाकिस्तान में अभी इस तरह से उसका जोर नहीं है और उस तरह से इसने वार नहीं किया और लोग हुकूमत पाकिस्तान की बताई हुई तदाबीर पर अमल कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर को अपना रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे और लॉकडाउन का उन्होंने खैर मकदम भी किया है। बेशक ये मुश्किल बात है लेकिन वो इस बात को मान रहे हैं और तस्लीम कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बहुत कम है। इसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं और हुकूमत के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिन्होंने बरवक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, और आवाम के लिए, लोगों के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, उनका भी लाभ यहाँ पर थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हुकूमत के इन ऑर्डर्स को माना है और इस पर वो अमल पैरा है और इसी वजह से मुल्क पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर है। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट आपके सामने ये रखी जाती है कि पूरी दुनिया में रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है और रोज़ बरोज़ मरने वालों की तादाद और इन्फेक्टेड होने वालों की तादाद बढ़ रही है। आपसे गुजारिश है कि आप जहां कहीं भी हैं, अपने घरों में हैं, फैमिलीज़ के साथ हैं, मुल्क के किसी भी कोने गोशे गांव में हैं, ज़रूर आप इस मकसद के लिए रोज़ा भी रखें और दुआ भी करें कि आइंदा आने वाले अय्याम में जल्द से जल्द इस वबा से, इस इलाके से हम सबको महफूज और बहाली पूरी दुनिया में लौट आए। इससे पहले कि हम अपने इस लाइव गुफ्तगू का आगाज़ करें और बातचीत करें, हम खुदावंद के पाक कलाम की तलावत को सुनेंगे। तलावत कलाम खुदा से हम इस सारी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और खुदावंद के पाक कलाम में से, जबूर की किताब में से, जबूर नंबर 71 उसकी तलावत की जाएगी। जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप अपने घरों पर मौजूद हैं मेरे साथ निकालिए जबूर की किताब में से, जबूर नंबर 71 इंग्लिश 71, साम 71 उसकी तिलावत की जाएगी। ए खुदावंद तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत में मुझे रहाई दे और छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। तू मेरे लिए सुकूनत की चट्टान हो जहाँ मैं बराबर जा सकूँ, तूने मेरे बचाने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा कला तू ही है। ए मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नारास्त और बेदर्द आदमी के हाथ से छुड़ा, क्योंकि ए खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ पर है, तू पैदाइशी से मुझे संभालता आया है, तू मेरी माँ के बतन ही रफीक रहा है, सो मैं सदा तेरी सिताइश करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए हैरत का बायस हूँ,
लेकिन तू मेरी मोहकम पनागा है, मेरा मुंह तेरी सिताइश है और तेरी ताजीम से दिन भरपूर रहेगा। बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क न कर, मेरी ज़ईफ़ी में मुझे छोड़ न दे, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें करते हैं और जो मेरी जान की घात में हैं वो आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है, उसका पीछा करो और पकड़ लो, क्योंकि छुड़ाने वाला कोई नहीं। ऐ खुदा मुझसे दूर न रह, ऐ मेरे खुदा मेरी मदद के लिए जल्दी कर, मेरी जान के मुखालिफ शर्मिंदा और फना हो जाए, मेरा नुकसान चाहने वाले मलामत और रुसवाई से मुलब्बस हों, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ और भी ज़्यादा किया करूंगा। मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा, क्योंकि मुझे उनका शुमार मालूम नहीं। मैं खुदावंद खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा, मैं सिर्फ तेरी ही सदाकत का जिक्र करूंगा। तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूँ। ऐ खुदा जब मैं बूढ़ा और सरसफेद हो जाऊँ तो मुझे तर्क न करना, जब तक कि मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर ना कर दूँ। ऐ खुदा तेरी सदाकत भी बहुत बुलंद है, ऐ खुदा तेरी मानिंद कौन है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं? तू जिसने हमको बहुत और सख्त तकलीफें दिखाई हैं फिर हमको जिंदा करेगा और ज़मीन के असफल से हमें फिर ऊपर ले आएगा। तू मेरी अजमत को बढ़ा और फिर कर मुझे तसल्ली दे। ऐ मेरे खुदा मैं बरबत पर और तेरी हाँ तेरी सच्चाई की हम करूँगा। ऐ इसराइल के कुदूस मैं सितार के साथ तेरी मदा सराई करूँगा। जब मैं तेरी मदा सराई करूँगा तो मेरे होंठ नहायत शादमान होंगे और मेरी जान भी जिसका तूने फिदिया दिया है, और मेरी ज़ुबान दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी, क्योंकि मेरा नुकसान चाहने वाले शर्मिंदा और पशेमान हुए हैं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। जितने इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं आपसे भी गुजारिश है कि अपने सरों को झुकाइए और हमारे शामिल हो, मुतफिक हो, और मेरी गुजारिश है पास्टर आर्थर डैनियल साहब से कि वो इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। ऐ ज़मीन और आसमान के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि ऐ खुदावंद आज फिर तूने हमें ये मौका बख्शा कि ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम की बातों को लेकर और ऐ खुदावंद तेरी मर्जी को लेकर तेरे लोगों के पास आ सकें, और ना सिर्फ ऐ खुदावंद तेरा कलाम बल्कि ऐ बाप ऐ खुदावंद उनकी बेहतरी के लिए तेरे खादिम होते हुए काम कर सकें हम शुक्रगुजार हैं। ऐ बाप अपने लिए और इन तमाम जिंदगियों के लिए जो है खुदावंद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ऐ बाप तो इन तमाम जिंदगियों को बड़ी बरकत देना। ऐ बाप इस वक्त तेरे बंदा पास्टर पीटर के लिए, पास्टर अजम के लिए और अपने लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद जब हम इस जगह कर तेरे कलाम की बातें ऐ बाप तेरे लोगों तक पहुँचाते हैं तो ऐ बाप तू हमारे साथ होना। ऐ बाप इस सारे इंतजाम के लिए शुक्रगुजार हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद लाइट को, इंटरनेट को ऐ बाप बहाल रखना, ताकि ऐ खुदावंद तेरी आवाज़ और तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचता रहे। और अहबाब जितने भी हमारे साथ अहबाब इस वक्त लाइव मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जो आने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि ऐ खुदावन तो उनको भी ऐ खुदावन जब हमारे साथ शामिल करता है तो ऐ खुदावन आज की गुफ्तगू के वसीला से वो बरकत पाएँ। अहबाब इस सारे वक्त में दुआ करते हैं जब अहबाब पूरी दुनिया में और बिलखसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा ऐ खुदावन खतरा है, लोग परेशानी में हैं, तो दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद तमाम तेरे लोग जब ऐ बाप पूरी दुनिया में दुआ कर रहे हैं तो ऐ खुदावंद वो तमाम लोग ऐ बाप इस खतरे से ऐ बाप ये खतरा इस दुनिया से टल जाए। और ऐ बाप हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें, ये सब बातें तेरे बेटे यीशु मसीह के आने के निशान के तौर पर हैं। तो ऐ बाप मिन्नत करते हैं कि ऐ बाप जब तेरा बेटा यीशु हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया पर आए तो ऐ बाप हम जितने भी ईमानदार हैं ऐ खुदावंद तेरे साथ चलते हैं, ऐ खुदावंद हम हमें उड़कर अपने निजात दहिंदा के इस्तकबाल करने वाले और उसके साथ शामिल होने वाले हों। दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद तू हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार कर, ताकि ऐ खुदावंद हम उन लोगों की मानिंद न हों जो ऐ खुदावंद इन आफतों और इन वबाओं में ऐ खुदावंद गुमराह हो जाएं, बल्कि ऐ खुदावंद हमारी ईमान हमारी ज़िंदगी में कायम रहें। ऐ बाप ये तौफीक बख्शना कि हमारा कलाम करना, हमारा बोलचाल ऐ खुदावंद तेरे लोगों के लिए जो सुनते और देखते हैं उनके लिए बरकत का बायस हो। एक दफ़ा फिर आज की सारी गुफ्तगू के लिए ऐ बाप तेरी मदद और रहनुमाई को मांगते और मिन्नत करते हैं। खुदावंद इस सारी गुफ्तगू में हमारे साथ होना, मसीह यीशु के नाम से मांगते और हमेशा पा लेते हैं, आमीन। जी इस वक्त खुशामदीद कहते हैं अपने तमाम
देखने वालों को, जो व्यूअर्स हमारे साथ हैं, हमारे साथ शरुण डैनियल मौजूद हैं, हमारे प्यारे भाई शौकत मसीह संधू मौजूद हैं। शौकत भाई थैंक यू, आप हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने मैसेज किया है, प्रेज द लॉर्ड, हैलेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। शौकत भाई शुक्रिया, भाई अदीम असलम और उनका ख़ानदान वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जैसे अभी शुरू में पादी साहब ने बताया कि वॉच पार्टी को अपने फेसबुक में जब आप लगाते हैं, वॉच पार्टी आप अरेंज करते हैं अपने फेसबुक में, तो उसमें बहुत से लोग कमेंट करते हैं, तो उनके कमेंट हम तक नहीं पहुंचते, लेकिन बाद में वो स्क्रीनशॉट बनाकर हमें भेजते हैं या कॉल करके कहते हैं कि जी आपने हमारा नाम नहीं लिया। और बहुत से लोगों ने बस अब ये कहा भी है, जिला भी किया है कि हम कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, लेकिन आप वॉच पार्टी पे देख रहे हो, ये है कि आप इसको शेयर करें अपने पास, और सिर्फ शेयर करें, वॉच पार्टी को ना अरेंज करें, क्योंकि वॉच पार्टी लगाने से वो आपकी वॉल के लोग ही आते हैं, दूसरे लोग हमें नज़र नहीं आते। तो मैं खुशामदीद कहता हूं आप सबको भी, और इसी तरह यूएसए से जो लोग हमें देख रहे हैं, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से हमें जो देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका से जो लोग हमें देख रहे हैं, और पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, आप सबको खुशामदीद और खुदामद आपके साथ हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गुफ्तगू को, इस लाइव जो ट्रांसमिशन है, इसे आप अपने मैसेंजर के ज़रिए से इसके लिंक को और इसको आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, आप अपने व्हाट्सएप के ज़रिए से इसके लिंक को लोगों को भेज सकते हैं ताकि वो भी इस गुफ्तगू में शामिल हो सकें। आइए हम सब खुदावंत की तारीफ में, रूह की खुशी गीत की किताब में से गीत नंबर 200 है, रूह की खुशी गीत की किताब में गीत नंबर 200 है, वो मिलकर गाएंगे। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है, आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। और यकीनन इस गीत के बोल ने जब आपने सुने होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये गीत किससे मुतालिक है और इस गीत का मतलब और मकसद क्या है। जैसे पादरी साहब ने अभी दुआ में भी जिक्र किया कि खुदा यीशु मसीह की आमद करीब है और हम सबों को बेदार रहना है, अपनी मशलों को जलाए रखना है, ईमान की शम्मा को रोशन रखना है, ताकि जब यीशु हमें इस दुनिया में लेने के लिए आए तो हम भी हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले बन सकें। जी पादरी आर्थर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो इस गीत को गाने में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है, आके उठाए रखना, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है, बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी, बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी, दूजे को बतलाना यीशु आने वाला है, को बतलाना यीशु आने वाला है, आके उठाए रखना, यीशु आने वाला है, आके उठाए रखना, यीशु आने वाला है, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है, पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी, ठंडी पड़ रही है मोहब्बतें सभी, रही है मोहब्बतें सभी, किए वादे तोड़ निभाना
यीशु आने वाला है, ये वादे तोड़ निभाना, यीशु आने वाला है, आके उठाए रखना, यीशु आने वाला है, आके उठाए रखना, यीशु आने वाला है, जलाए रखना, यीशु आने वाला है, सुला के पहने जूते और जाओ दुनिया में, सुला के पहनो जूते और जाओ दुनिया में, यीशु आ रहा है विचार दुनिया में, दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है, दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है, समझे जलाए रखना, यीशु आने वाला है, जलाए रखना, यीशु आने वाला है। हालेलुया, खुदावंत का शुक्र हो, खुदावंत के नाम की तारीफ हो जो हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम इन हालात में भी खुदावंत के पास आ सकते हैं और हम दो सताइश और अपने होंठों का नजराना खुदावंत के हजूर में पेश कर सकते हैं। खुदावंत से दुआ हूँ कि खुदावंत हम दो सताइश के इस नजराने को अपने हजूर कबूल फरमाए और उसके वसीले से हमें बरकत दे, और वो तमाम अजीज जो हमारे साथ खुदावंत की हम दो सताइश में शरीक होते हैं, आप तमाम जिंदगियों के लिए खुदावंत का शुक्र अदा करते और खुदावंत से दुआ गो हैं कि खुदावंत आप सबों को बरकत दे। अभी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उन तमाम जिंदगियों को खुशामदीद कहते हैं, और एक बार फिर ये गुजारिश है कि जब आप हमें ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़रूर आप अपनी राय हमें इसके मुतालिक दें और अपने कीमती बातें हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर वो प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें भेज सकते हैं ताकि हम यहाँ पर खुदावंत के खादम मिलकर उनके लिए दुआ करें। जी पादरी साहब जी, इस वक्त हमारे साथ फहीम विलियम संधू साहब मौजूद हैं। फहीम भाई, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शौकत मसीह संधू साहब हमारे प्यारे भाई, उन्होंने मैसेज किया प्रेज द लॉर्ड जब हम खुदावंत की प्रेसिश कर रहे थे। बिशप अब्राहम डैनियल साहब हमारे साथ यूएसए से मौजूद हैं, और हमारे बिशप साहब हैं सर, थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और आपने मैसेज किया है कि गॉड ब्लेस ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स, ऑल वी कैन से इज लॉर्ड जीसस कम सून एंड टेक अस विद यू। बिशप साहब ने क्या कहा, ये बात अब कहें क्या, खुदावन यीशु मसीह जल्द आ और हमें अपने साथ लेकर जा। आबिद सोत्रा साहब, उन्होंने मैसेज किया है मे गॉड ब्लेस एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस, और खुदावंद हमारे साथ आप सबके साथ हो। फरहान अनूस हमारे साथ सुनजाबाद से मौजूद हैं। भाई फरहान, आपसे थोड़ी देर के बाद हम आपके साथ कॉल पर बात भी करेंगे जब हम अपने मौजू की तरफ आएंगे, तो भाई फरहान अपने फैमिली के साथ सुनजाबाद पाकिस्तान से 135 शख्स हमें देख रहे हैं। फरहान अनूस वो सेमिनरी स्टूडेंट भी हैं बाइबल बैप्टिस्ट सेमिनरी से, वो खुदाम के कलाम को सीखने के बाद अब खुदाम के कलाम में आगे बढ़ रहे हैं, एमडिव कर रहे हैं। हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं, खुदाम आपको बरकत दे। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, हम सब खुदा के खादिम होते हुए, कि आप गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च बिशप हाउस साहिवाल के पेज को लाइक करें, और नोटिफिकेशन के लिए जब आप वीडियो को देखते हैं तो इसके ऊपर जब आप वीडियो को खोलते हैं तो इसकी स्क्रीन के नीचे कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं, और इसमें आ रहा था कि आप इसके नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो हम हर रोज़ इन अयाम में आपके साथ मौजूद होते हैं, तो इन नोटिफिकेशन को अपने पास हासिल करने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पेज को लाइक करें और इसको फॉलो करें और इसके नोटिफिकेशन जो है वो अपने पास ऑन करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन हो तो आप तक ये पैगाम पहुंच सके, ताकि आप देख सकें। तो इसी तरह हमारे साथ यूके से जो बहन भाई मौजूद हैं उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आप हमें मैसेज ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं, और आप अपने शहर या मुल्क का नाम भी बता सकते हैं। आप हमें सजेशन या कमेंट भी कर सकते हैं किसी तरह से भी। और इसी तरह हमारे साथ जो कनाडा से जिंदगियाँ मौजूद हैं, हमारी बहन हैं, हमारे भाई हैं, हम आप सबको भी इस वक्त में खुश आमदीद कहते हैं। जी पारी साहब, यहाँ पर एक बात मैं सब नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि
कुछ दिनों से सूरत हाल बहुत परेशान कुन है, हर तरफ एक ज़हनी टेंशन परेशानी बनी हुई है और सब लोग अपने घरों पर मौजूद हैं और हर रोज़ मुख्तलिफ फवाहें मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं, आज इतने हलाक हो गए, आज इतने इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन आज सुबह सुन रहा था, वो इस तरह से बता रहे थे कि एक कह लें कि थोड़ी सी इसमें बेहतरी कुछ इस तरह से आई है कि इन 21 मार्च के बाद से 21 मार्च के बाद से लेकर आज तक यानी 7-8 दिनों में जो शराब बात है उसमें थोड़ी कमी देखने में आ रही है। हमारे साथ पादी नईम पशाद साहब मौजूद हैं जो हमें इस वक्त लाहौर से देख रहे हैं। पादी साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपके पैगाम भी हम आपके फेसबुक पेज पे सुनते रहते हैं, आपकी लाइव ट्रांसमिशन भी। खुदामद आपको बरकत दे जी पादी साहब। तो पादी साहब वो कह रहे थे कि शराह अमवात में कुछ कमी हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि चले बहुत ज़्यादा ना सही, कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है और खुदावंद के फजल से ये जो शरह है ये ज़ीरो तक आने वाले दिनों में पहुंच जाएगी और खुदावंद हर एक को इस वबा से महफूज रखेगा। जी पादी पीटर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बात के मतलब क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज मैंने सुबह न्यूज़ में सुना और अभी इस बात को शेयर किया कि हर रोज़ सुन रहे थे आज 1000 के करीब वहाँ पर लोग इसका शिकार हो गए, 900 वहाँ पर हो गए, लेकिन कहा जा रहा है कि 21 मार्च के बाद से लेकर इन अयाम यानी 7-8 दिनों में जो शराब मौत है उसमें कमी आना शुरू हो गई है। जी बहुत ही मेरे अजीज़ों, ये दुनिया इस वक्त दुख तकलीफ़ और कर्ब की हालत में है, लेकिन अभी जैसा आप मा रहे थे कि अब इसका ज़ोर जो है वो टूटता जा रहा है। आप तमाम अजीज जो कलाम मुकद्दस को बड़े अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं, तो आप सब कलाम मुकद्दस के मुताबिक इस बात को जानते भी हैं और हमें इस बात का इल्म भी है कि दुनिया में जितनी भी मुसीबतें परेशानियाँ शुरू हुई हैं, तूफ़ान नूह से बड़ी परेशानी और मुसीबत आज तक दुनिया में नहीं आई। सदूम और उमूरा पे खुदा ने अपना अजाब नाजल किया, लेकिन हर एक चीज़ पादरी साहब जो शुरू होती है बिलाखर वो ख़त्म हो जाती है, उसे ख़त्म होना पड़ता है। और ये कोरोना वायरस भी जब ये शुरू हुआ तभी से ईमानदार खुदा के खादमीन वो कलीसिया को, कलीसिया पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के ईमानदारों को ये पैगाम दे रहे थे कि इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मुसीबत शुरू हुई है तो ये पूरी दुनिया को हलाक और ख़त्म नहीं कर सकती, बिल आखिर इसे खुद ख़त्म होना पड़ेगा। और अब जो है ये बीमारी जो कोरोना वायरस है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और बिल आखिर ये बिल्कुल दम तोड़ देगा। और दुनिया में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था कि जब सिर्फ 8 जाने बची थी और बाकी पूरी और वो भी लॉकडाउन में थे, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कभी कोई ऐसी बड़ी बात। पादरी साहब उसमें खुदावंद का एक वादा भी था, और मिसेस मार्गरेट जोसेफ हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जो अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, खुदावंद आपको बरकत दे। जिस बात के बाबत पादरी पीटर साहब बात कर रहे थे, खुदावंद यीशु खुदावंद खुदा को उस वक्त में वादा भी था, और अब तो क्योंकि हम फजल में हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम पर फजल हुआ है और खुदावंद बार बार ये मौके देता है, और इस वक्त में भी इस वायरस की सूरत में भी खुदावंद ने ईमानदारों को ये मौका दिया कि वो अपने घरों में बैठें, वो खुदावंद का नाम लें, यहाँ तक कि इससे पहले भी खुदावंद ये मौका देता रहा, लेकिन उस वक्त को या उस मौके को जो है वो तूफान नूह के दौर में जो तूफान आया था उसमें भी देखे, जब कश्ती बनना शुरू हुई तो खुदावंद ने ये मौका दिया था उन लोगों को। और परसब 120 साल ये थोड़ा वक्त नहीं है, बड़ा लंबा एक वक्त है, 120 साल तक वो कश्ती बनाने में लगा रहा। जी बिल्कुल, हमारे साथ भाई इलियास मौजूद हैं, हमारे प्यारे भाई हैं, चर्च मेंबर हैं और उस वक्त वो बैरून मुल्क से हमें सुन रहे हैं, और उन्होंने कहा है ग्रीटिंग्स टू ऑल ब्रदर्स, हमारी तरफ से भी आपको सलाम, खुदावंद आपको बरकत दे। और पादी साहब जब कश्ती बन रही थी तो ये इस बात का इशारा था, ये उन लोगों के लिए जो गुनाह में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे थे उनके लिए ये इशारा था कि वो इसको देख कर तब्दील हों। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और जो दूसरी कुतब जब हम उनको देखते हैं, इन तफासीर को पढ़ते हैं जो उस वाक्य के बारे में है, तो ये जिक्र मिलता है, खुदा के खादम बताते हैं, खुदा का कलाम इसके बारे में बताता है कि लोगों ने उस वक्त में भी उस खुदावंद के बंदा को, उसके ख़ानदान को मजाक का निशाना बनाया। तो इस वक्त में भी कोरोना वायरस की सूरत में भी खुदा ने देख कर खुदावंद ने मौका दिया है कि वो लोग जो ईमान में थोड़े कम हैं वो अपने लेवल को थोड़ा ऊपर ले आएं, और जिनका बिल्कुल भी नहीं वो इसमें चलना और बढ़ना शुरू कर दें, और ये खुदावंद ने मौका दिया है। और मेरे ख्याल से जो सब सुनने वाले और देखने वाले हैं, अगर आपके खानदानों में, आपके घरों में, गली मोहल्ले में आप किसी के साथ शेयरिंग कर सकते हैं तो ज़रूर करें, उन्हें बताएं कि उन्हें तब्दील होने की ज़रूरत है। और अभी बिशप साहब, बिशप अब्राहम डैनियल ने भी मैसेज किया, और बिल्कुल हमारा ये ईमान है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और यीशु मसीह जब आने वाला है तो फिर ईमानदार तो जो हैं वो आसमान पर चले जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा, लेकिन जिनका ईमान नहीं
वो इन बीमारियों में इन परेशानियों ही में रह जाएंगे। पर सब आपकी बात में मैं इसी तरह ये चीज़ ऐड करूँगा इसमें कि जैसे आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बिल्कुल ये खुदावंद ने मौका दिया है, तो अगर सारे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर देखें, दुनियावी हालात देखें, इस वक्त हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर खड़े हैं, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जब हम किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें, तो आप भी मेरे साथ इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि शायद उस वक्त के आने से पहले ये आखिरी मौका है। बिल्कुल जी पादरी पीटर साहब, आप इसके मतलब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल पादरी साहब, खुदा हमेशा मुसीबत के शुरू होने से पहले ये हमेशा ही वक्त देता है, मौका देता है। जी तूफान नूह में भी देखें कि जब कश्ती तैयार हो रही थी, 120 साल का वक्त मिला, में लिखा है कि 120 साल तक जब कश्ती बनती रही, नूह और उसका खानदान उस कश्ती को बनाते रहे, तो दुनिया के लिए वो मौका था, मौका था, वो कश्ती भी एक गवाही थी और नूह और उसका खानदान भी एक गवाही था कि कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बनाया जा रहा है। और खुदावंद के पाक कलाम खुदा तहम्मल करके ठहरा रहा और अब भी खुदा तहम्मल करके ठहरा हुआ है। वक्त खुदावंद खुदा ने हमें ये कीमती दे दिया है, ये अचानक नागहान मौत हम पर नहीं आन पड़ी, बल्कि खुदावंद खुदा ने हमें ये वक्त दिया है। जी और इससे पहले कि ये कोरोना खुदा की तरफ से जो मुश्किल परेशानी या अजाब है, इससे पेशतर कि ये हम पर आए, हमें नागहान हलाक करे, हमारे पास ये वक्त है कि हम अपने आप को पाक और साफ कर सकते हैं, हम अपना अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं। और पर सब ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि शायद इंसानी तारीख में अगर देखा जाए तो ये ना समझा जाए इसको, या इंसान देखकर ये समझे कि शायद ऐसा पहली बार हुआ है हमारी जिंदगी में, शायद पहली बार है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की रोशनी में जब देखें, तारीख का मुताला करें, तो बारहा बारहा खुदावंद ने ऐसी वबाओं को भेजा जिसमें 30-30, 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार के करीब लोग एक ही दिन में, अभी तो मेरे ख्याल आज ये इसको एक माह हो गए, एक माह बल्कि नहीं, नवंबर से ये शुरू हुआ और दिसंबर में, चीन में तो नवंबर से शुरू हुआ, पाकिस्तान में तकरीबन एक महीना कह सकते हैं, अब तक इसके 35-36 हज़ार लोग इसका शिकार बन चुके हैं इतने दिनों में। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि एक ही दिन में 60-70 हज़ार लोग बीमारी से, वबा से और मरी से मर जाते थे। पादरी साहब अभी हम गीत गा रहे थे बड़ा अच्छा, शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है, तो उसमें हमने एक आयत भी गाई, पूरी हो रही हैं नबूतें सभी, नबूतें सभी। इस वक्त खुदावंद के कलाम की जो बातें हैं, जो नबूतें हैं, वो भी पूरी हो रही हैं। और मेरे ख्याल से मैं सब देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दुनिया के हालात से सिर्फ कोरोना से बाखबर ना रहें, बल्कि इसके अलावा जो दुनिया में ओवरऑल हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है और दुनिया के दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है, हमारी आंखें और हमारे कान खुले होने चाहिए और हमें ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि नबूतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। अंबर आर्थर डैनियल वो हमें वॉच कर रही हैं साहिवाल से, अकील चौधरी वो हमें देख रहे हैं और 74 चक से साहिवाल से, खुदावंद ने बरकत दे। अयूब एंड्रू डैनियल, एल्डर अयूब डैनियल वो हमें साहिवाल से देख रहे हैं। भाई लियास, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं उन ब्लेसिंग्स के लिए, उन दुआओं के लिए जो आप दे रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस लाइव फेसबुक को शेयर करें, 1-2 मिनट का वक्त लगेगा कि आप अपने मैसेंजर के ज़रिए से ये मैसेज दूसरों को भेजें कि वो इसको देखें, तो ज़रूर है कि जो हमें देखेंगे वो इन बातों की वसीला से बरकत पाएंगे। पादरी साहब अभी आप नबूतों की बात कर रहे थे कि नबूतें पेशनगोइयां वो पूरी हो रही हैं, और मैं चाहूँगा कि ज़रूर हम थोड़ा सा वक्त इस पर गुजारें कि नबूत क्या है, पेशनगोई क्या है, और मुकद्दस में जब इन बातों को हम देखते हैं तो कौन कौन सी कुतुब जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ आने वाले वक्त से मुतल्लिक की गई हैं। भाई साहब आज हमने लिखा भी है, बताया भी कैप्शन में, वो नीचे लिखा कैप्शन में भी आप देख रहे होंगे कि बुक ऑफ रेवलेशन जो मुकाशफा की किताब है, उसके पहले दो हाँ जी बिल्कुल दो चैप्टर्स की बाबत हम बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वेलकम भी हम साथ साथ करते रहेंगे, भाई साहब हम ना मुकाशवा की किताब जो है इसको खोलेंगे। और मुकाशवा की किताब ऐसा जब हम इसको देखते हैं तो ज़ुबैरिया शारून, उन्होंने भी मैसेज किया है कि वो वॉच कर रही हैं। ज़ुबैरिया शारून, खुदावंद आपको आपके ख़ानदान को बरकत दे। अरोनो सी गैबलियन एक मुफसर हैं, उनका ये कहना है कि जब हम नबूत के ये अल्फाज जो मुकाशवा की किताब में लिखे हैं पढ़ते हैं, तो हम उस फजल को याद करते हैं जिसने हमें इस ज़माने पर वारिद होने वाली तमाम बातों से बचा लिया, तो हमारे दिल यकीनन हमदो सताए से झलक उठते हैं। एक और
बरकत आखिरी फतह और जलाल का यकीन हमें खुदावन यीशु मसीह में होते हुए हासिल होता है। मुकाशवा की किताब बड़ी अहम किताब है और पादरी साहब मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से हलकों में इस किताब को पढ़ा नहीं जाता और इस किताब को पढ़ने से मना किया जाता है और वो कहते हैं कि जी अगर हम इस किताब को बच्चों को नौजवानों को बड़ा डराया जाता था ये जी आपको डर लगेगा ऐसा ही है। तो ये बड़ा अहम है कि हम इस किताब को पढ़ें और आज जब हम इस किताब की बाबत गुफ्तगू करेंगे बात करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले हैं जो देखने वाले हैं वो ज़रूर इन बातों के वसीला से बरकत पाएंगे। और पादरी साहब इसकी जो बड़ी वजह जब हम देखते हैं क्यों अक्सर घरानों में जिंदगियों में ये तालीम दी जाती है कहा जाता है कि आप इसको ना पढ़ें या हमारे मुआशरे में एक आम ये बात पाई जाती है कि इसको ना पढ़ें इसको पढ़ने से आप पागल हो जाएंगे आपका दिमाग हिल जाएगा डर लगेगा हिल जाएगा। इसकी वजह यह है क्योंकि इब्लीस ऐसे ख्यालात ऐसी सोचें ऐसी बातें हमारे जहनों में हमारे दिलों में डालता है और इस बात के लिए भी उकसाता है तैयार करता है कि हम दूसरों को भी यही सिखाएं कि आप इसको ना पढ़ें पढ़ने से ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और खुदावंद के खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने कहा कि इब्लीस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसमें उसका अंजाम लिखा हुआ है और वो नहीं चाहता कि मेरे फॉलोअर्स मेरे मानने वाले मेरे पीछे चलने वाले मेरे उस अंजाम को देखें इसलिए वो डराने धमकाने की कोशिश करता है कि आप इसको ना पढ़ें। जी पादरी साहब आप इसमें और क्या यही बात है पादरी साहब जो आपने कही है कि बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि ये किताब पढ़ने में बहुत मुश्किल है ये किताब समझने में बहुत मुश्किल है इसकी समझ नहीं आ सकती लेकिन यकीन जाने कि अगर आप इसको दुआ करके खुदा के पाक रू की हदायत और रहनुमाई लेकर फिर अगर आप इसको तलावत करेंगे आप इसको पढ़ेंगे तो खुदावंद का कलाम तो खुद आपको हदायत और रहनुमाई देता है हमारी हदायत और रहनुमाई करता है जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे आपको इसकी समझ आती जाएगी। और पादरी साहब इसमें एक और बात कि जब ये बात कही जाती है कि इसको ना पढ़ें तो बहुत दफ़ा ऐसे लोग भी ऐसी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो जादू टूना जादूगरी चिल्ला काटना और बहुत सारे ऐसे और आपने देखा होगा कि जिस मुआशरे में या जिस हिस्सा में हम मौजूद हैं यहाँ पर बहुत से लोग जो है इसको इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पादरी साहब आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई खिदमत के आगाज़ में जब मैंने खुदा खिदमत को करना शुरू किया सेमिनरी के बाद तो मैं एक छोटी सी बस्ती थी वहाँ पर जाया करता था खुदा का कलाम सिखाने के लिए तो वहाँ पर तकरीबन 10 से 12 लोग ख़ानदान जो हैं मसीह ख़ानदान वो रहते थे तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे मुझे खैर शुरू में तो नहीं पता चला उनके बारे में कि वो ऐसे हैं या उनकी ज़िंदगी ऐसी है लेकिन ज़ाहिर है खुदा उनका खादिम होने के नाते से मैं उनके घर में जाता था तो उन्होंने जब भी मैंने जाना अनपढ़ थे वो तो जब भी मैंने जाना तो उन्होंने मुझे ये कहना पादरी साहब आप ना मुझे मुकाशवा की किताब ज़ुबानी याद करवाना शुरू करें तो मैंने खैर बिल्कुल इस बात क्योंकि बचपन से हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं था कि ऐसा कुछ होता है तो जब भी मैंने जाना तो उन्होंने कहा जी मैं कलाम पढ़ना चाहना हुआ तो मैंने ना ज़बानी तैयार करना सुनाना शुरू करूँ तो बाइबल मुकदस जो शायद बहुत से घरों में होगी जो नया नाम है ना जी जिसमें अनाजील से लेकर मुकाशवा की तो वो उनके पास जील थी तो उन्होंने मुझे कहना यहाँ से मुझे इसको ना आप ज़ुबानी सिखाना शुरू करें। अच्छा। तो मैंने कहा जी मत्ती से शुरू करें उन्होंने कहा जी मुकाशवा चले मैंने इस बात को बिल्कुल लाइट लिया तो मैंने कहा चले ठीक है मैंने मुकाशवा की किताब पहली तीनों याद करवाई वापस आया तो उन्होंने फर मुझे सुनाई फिर अगली दफ़ा जब मैं गया तो मैंने उनसे कहा जी सुनाई उन्होंने सुनाई फिर मुझे कहा जी आज मैंने 6 दे के जानी है तो खुदावंद के रूह की हदायत से मैंने जब इस बात को देखा तो मैंने जब मैं वहाँ से वापस आया दूसरे तीसरे दिन के बाद संडे के बाद तो मैंने ये देखा कि ये शख्स मुकाशवा पे ही एम्फसाइज क्यों ज़्यादा करता है तो फिर मैंने इससे पहले कि मैं उनके घर में जाता मैंने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया कि ये शख्स कैसा है मतलब बुजुर्ग थे उन्होंने बाल भी रखे हुए थे तो बाद में ये पता चला कि ये कोई जादू टूने के लिए इस्तेमाल करते तो मैंने उनको मना किया तो उन्होंने कहा नहीं तुसी मैंने यही पढ़ाना है मैंने कहा जी आप इस पे क्यों ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बाइबल की दूसरी किताबें भी शक हो गया तो मुझे शक हो गया तो जब मैंने उनको मना किया तो वो बहुत ज्यादा खफा हुए मुझे और इवन कि उन्होंने मना भी कर दी जी तुसी कलाम जे मैंने ये नहीं सिखाना तो साढ़े घर नहीं आना तो मैंने उनके लिए दुआ की 2-3 दफा कि खुदा मैं चाहता हूँ लेकिन बाद में खुदा उनकी मर्जी हुई कि फिर मैं उसके बाद फिर उनके यहाँ टूने के लिए भी मुकाशवा की किताब को इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे हमारे कल्चर में जब लोग इसको कहते हैं कहते हैं पुट्ठा मुकाशवा उल्टा पढ़ते हैं तो उल्टे से मतलब हरगिज भी ये नहीं कि 22वें बाब से पढ़ते हैं उल्टे से मतलब ये है कि पढ़ना कलाम है लेकिन समझना इसको कैसे है कि इसको हमने वो ये समझते हैं कि हमने इसको जादू टूने के लिए इस्तेमाल करना है। जी पादरी साहब जी तो
आज हम थोड़ा ये मेरे जीजो अभी जैसा पादरी सबान आपसे बात कर रहे थे कि लोग इसको गलत कामों के लिए भी या अपने मकासद हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन जहां पर ये सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन एक ईमानदार इसे अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग बहुत कम होंगे जो इसको गलत तरीकों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो दुनिया की हर एक किताब को हर एक अमल को अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और शायद कर सकते हैं, लेकिन हम जो खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने सुनने सीखने समझने वाले हैं, हम मुकाशफा की इस किताब को अपने लिए मशले राह के तौर पर देखते हैं, और ये किताब हमें ये बताती है कि आगे आने वाली दुनिया में, आगे आने वाले जमानों में क्या कुछ होने वाला है, दुनिया के साथ क्या होने वाला है, अबलीस के साथ क्या होने वाला है, ईमानदारों के साथ क्या होने वाला है, आसमान पर क्या होगा, जमीन पर क्या होगा, सारी निशानियां, सारे हकायक, सब कुछ हमें जो है ये मुकाशफा की किताब में मिलता है। और पारसाब आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जैसे आपने कहा कि सब कुछ हमें कहां पर मिलता है, मुकाशफा की किताब में, और एक खुदावंद के खादम हैं, उन्होंने विली मैकडोनल्ड बड़ी अच्छी उन्होंने इसके मतलब बात बयान की, उन्होंने कहा कि जो मुकाशफा की किताब है ये बाइबल मुकद्दस की बाकी 65 कुतब को जोड़ती है अपने साथ, और खास बात जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस किताब को उन्होंने कहा कि ये बाइबल के अजीम मरकजी स्टेशन का नाम बाइबल मुकद्दस को दिया गया है, बिल्कुल मुकाशफा की किताब को, कि बाइबल मुकद्दस में जो मुकाशफा की किताब है इसको अजीम जो स्टेशन है जी उसका नाम दिया गया, क्योंकि हर एक जो ट्रेन है जो पुराने अहदनामा से चलती आकर वो कहां पर रुकती है, मंजिल पर आ जाती है। और उसमें उन्होंने बताया कि जिसमें फिदिया है, कफारा है, निजात है, और लाल डोरी है, क्लीसिया है, मुखालफ मसीह है, और बहुत सारी बातें, जितनी ट्रेनें चलती हुई आकर कहां पर रुकती हैं, वो स्टेशन पर आती है, स्टेशन पर आकर रुकती है। तो इसलिए मुकाशफा की किताब बहुत अहम है, इसको पढ़ना बेहद जरूरी है, और इसको जो लिखने के दो बड़े मकसद हम खुदावंद के पाक कलाम को जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने आते हैं कि मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात का इंकशाफ, और दूसरी बात कि खुदावंद यीशु मसीह की जलाली शख्सियत और उसकी आमद का बयान इसमें है। ये दो मकासद जो खास तौर पर इसमें रखे गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि पादरी साहब आप लफ्ज़ जो मुकाशफा है इस पर आप जरूर थोड़ा सा वक्त हमें दें, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि लफ्ज़ मुकाशफा का मतलब क्या है, और नाज़रीन को भी जरूर बताएं। लफ्ज़ मुकाशफा के पादरी साहब, क्योंकि जब हम किसी भी किताब का जो टाइटल है, अनवान है, उसको देखते हैं तो ये उर्दू ज़बान में मुकाशफा लिखा गया है, और इंग्लिश में जब देखें तो वो रेवलेशन है। जब रेवलेशन का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं या वो हमारी आंखों के सामने आता है तो इसके मतलब और मानी काफ़ी वाजे हो जाते हैं जी। और पाजी साहब ये जो आप बात कर रहे थे, जब हम इसको उर्दू में देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि बेनकाब करना, किसी चीज पर और भेद की बात को खोलना। और इस पे बड़ा अच्छा उन्होंने बयान किया कि जो यूनानी जुबान के जो जो लफ्ज़ है इसके लिए वो एपोक्लिप्सिस है जी, बिल्कुल जी। और इसमें दो अल्फाज का ये मुरक्कब है, एपो से मुराद है हटाना और क्लिप्टो से मुराद है छुपाना, इसलिए मुकाशफा का मतलब है इंकशाफ करना, यानी किसी राज या भेद या मख्फी बात को जो छुपी हुई है उसको खोल कर बयान कर देना। तो जब हम मुकाशफा की किताब को पादरी साहब पढ़ते हैं और जब इसके राइटर की हम बात करते हैं तो बहुत से उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसको लिखने वाला खुदावंद यीशु मसीह का उन 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द यूहन्ना रसूल था। जी पादरी साहब आप इसके मतलब जी बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है कि मुकाशफा की ये किताब बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब, ये लिखने वाला जो है, इसका जो राइटर है, जो इसका लिखारी है, वो यसूअल मसीह के 12 शागिर्दों में से जो शागिर्द यूहन्ना रसूल है उसी ने इसको तहरीर किया है, और जो वो पितमस के जजीरा पर कैद में डाला गया अजासानी के उस दौर में, जब बाकी तमाम जो शागिर्द थे यसूअल मसीह के उनको कत्ल किया जा रहा था, शहीद किया जा रहा था, सख्त इजारसानी का सामना था कलीसिया को, इब्तदाई कलीसिया को, तो तब यूहन्ना रसूल जो था इसको सजा के तौर पर पितमस के जजीरा पर जाकर कैद कर दिया। और जब हम उस जजीरे के मतलब थोड़ा सा मुताला करते हैं तो वो जजीरा दुनिया से हटकर समंदर के दरमियान में था, और मौजूदा जो शहर तुर्की है, तुर्की उसके करीब वो मौजूद था, और क्योंकि जो यूहन्ना रसूल था ये इफिसस में थे, और कहा जाता है कि इफिसस से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर अंदर समंदर के अंदर कौन सा बादशाह था वो जिसने इसको दो मतियान बादशाह था उस वक्त, जो बड़ा जाबिर किस्म का बादशाह था, दो मतियान बादशाह, उसी बादशाह ने
योना रसूल को उस पतमस के जजीरे पर कैद कर दिया था। और ये योना रसूल पास साहब, इसके मतलब हम जून नाजरिन को बताएं कि ये जो रिश्तेदार था खुदावंद यीशु मसीह का, हाँ जी, और कहा जाता है कि ये रिश्ते में खुदावंद यीशु मसीह का खालाजाद खालाजाद मुकद्दसा मरियम की जो बहन थी, हाँ जी, बिल्कुल, ये मुकद्दसा मरियम की, पादरी साहब जब हम लाइफ को देखते हैं तो मुकद्दसा मरियम अलिशबा उसकी रिश्तेदार है, और ये सलोमी जो इसकी वालिदा है, सलोमी है जो यकूब और यूहन्ना की माँ है, और इनको गर्ज के बेटे भी, इनके वालिद का नाम चूंकि जबदी था, और ये यीशु मसीह के करीबी रिश्तेदारों में से थे। और पास साहब एक बड़ी एक जबरदस्त इस खानदान के मुतालिक बात है कि ये बेशक ये माहीगीर थे, मछलियां पकड़ते थे, लेकिन रुपए पैसे के लिहाज से ये बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। और हम देखते हैं परसब जब यीशु मसीह को पकड़ कर वो सदर अदालत में पेश करते हैं, और उसके बाद पिलातुस की अदालत में पेश करते हैं, साथ ले गया आगे तक, और ये यूहन्ना रसूल ही था, इसकी उस वक्त भी उस वक्त की गवर्नमेंट में जो रूमी हुकूमत थी उसमें इतनी इसकी पहुंच थी, और ना सिर्फ सियासी एतबार से इसकी पहुंच बड़ी स्ट्रांग थी बल्कि मजहबी एतबार पर भी सरदार काहनों में भी इसका जो इज्जत थी या रुतबा था वो उनकी नजर में काफी बुलंद था, इसीलिए ये पतरस को अपने साथ अंदर तक ले गया। और हालांकि पादरी साहब ये गलील का पैदाशी है जी, और ग्रिल के मुताबिक तो वो पहले कहते हैं कि वो वहां से अच्छी चीज निकल ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक छोटी सी जगह से निकल कर एक बड़े मुकाम तक पहुंचना और इस तरह से अपना हासिल करना। और पादी साहब जैसे भी बात कर रहे थे कि ये इसकी अच्छी पहुंच थी या इसकी एक अच्छी लोगों तक जाने का की वजह ही थी कि खुदावन यीशु मसीह के सलीब के पास भी मौजूद था, वरना सारे शागिर्द डर के मारे वहां पर आ नहीं रहे थे, उसको आने नहीं दिया जा रहा था, आने नहीं दिया जा रहा था हंगामा। और खुदावन यीशु मसीह ने जब इससे ये कहा कि ये अपनी माँ के बारे में कि तेरी माँ ये है और माँ से कि तेरा बेटा ये है, ये इसके पास होने की वजह से ही था, और इसकी रिश्तेदारी भी थी खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्योंकि ये मसीह यीशु का खालाजाद भाई भी था। और अक्सर यूहन्ना रसूल को और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो नबी है यूहन्ना नबी उसको बड़ा गड़बड़ कर दिया जाता, लोग ये समझते कि ये वो भी रिश्तेदार है खालाजाद है, तो शायद ये दोनों एक ही। ये ज़िक्रिया काहिन जो है जो अलिशबा का शौहर है और ये असल में उसके रिश्तेदार यूहन्ना जो है बागी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये असल में ये सारे रिश्तेदार हैं आपस में। बिल्कुल भाई साहब, एक और बड़ी अहम बात है जब हम आगे बढ़ने से पहले कि जब हम उर्दू बाइबल में इसको देखते हैं, हाँ जी, तो इसके ऊपर लिखा है जी यूहन्ना का मुकाशफा, लेकिन जब हम तारीख में इसके बारे में पढ़ते हैं तो चौथी सदी में गलती से इसे यूहन्ना का मुकाशफा कह दिया गया, लिखते गया। पर से मेरे ख्याल से हमारे पास किंग जेम्स वर्जन मौजूद है। हाँ जी, अभी पादरी साहब भी इसी बात को बयान कर रहे थे कि अंग्रेजी में पढ़े तो वहां पर रेवोल्यूशन लिखा, द रेवोल्यूशन ऑफ, लेकिन उर्दू में इसको लिखा गया यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। और हालांकि ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा भी नहीं है, ये दरअसल यीशु मसीह का मुकाशफा। पहली आयत अगर आप मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत, बिल्कुल मैं इसी तरफ ही आ रहा था, तो आपको इसका तजाद जो है वो मालूम हो जाएगा और इसका असल नाम भी मालूम हो जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक और छोटी सी बात यहाँ पर शेयर करते चलें, पर से मैं चाहूंगा कि आप जरूर जो इसके मुतालिक बताएं कि ये किस सन में इसको लिखा गया था। पर साहब इसके बारे में जब हम इसको खुदावंद के कलाम में देखते हैं इस किताब के बारे में, तो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के कितने सालों बाद इसको तहरीर किया गया था मुकाशफा। भाई साहब ये जब अभी आप उस बादशाह की दोमितियान की बात कर रहे थे, खुदावंद के कलाम में जब हम इसको देखते हैं तो जब आपने बड़ी अच्छी बातें की कि ये 65 किताबों को जोड़ने वाली किताब है, और उसके साथ ये किताब जो है ये उन बातों को भी बयान करती है जो पुराने अदामा के अंदर मौजूद हैं। 96 AD में खुदावंद का कलाम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका था, और 96 AD से पहले इसे खुदावंद के बंदा ने खुदा रूल कुदस की हिदायत से तहरीर कर दिया था, लेकिन चूंकि इसको एक जिल्द की सूरत में बाद में लाया गया है तो उससे पहले मुकाशफा की किताब जो है उससे लिखा जा चुका था। इस वक्त सॉरी मैं भाई साहब इंटरप्ट करना चाहूँगा, इस वक्त अशकनाज खोकर ने उन्होंने हमें मैसेज किया है कि प्लीज़ इनकरेज एवरीवन टू हेल्प डिजर्विंग फैमिलीज एट दिस क्रूरल टाइम, योर नेबर एंड रिलेटिव्स आर इन नीडेड। और मिसेज मार्गरेट जोसेफ ने लिखा है गॉड ब्लेस यू ऑल। अशकनाज खोकर वो हमें देख रहे हैं, आप सबका शुक्रिया, आप जो हमें देख रहे हैं खुदावंद आपको बरकत दे, और इसी तरह आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें और हमारे साथ इन बातों को जो खुदा के कलाम में लिखी है उनको जानते रहें। जी बहुत ही खूबसूरत मैसेज अभी भाई अशकनाज जो साहिवाल से हैं और अमातो कॉलोनी से उनका ताल्लुक है और कैथोलिक चर्च रोमन कैथोलिक चर्च से वो बिलोंग करते हैं और वहाँ की एक्टिव यूथ में वहाँ पर वो
انجام دے رہے ہیں. بڑا اچھا میسج انہوں نے یہ کنوے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور اس بات پہ انکریج کریں کہ جو اس مشکل کی گھڑی میں جو مخیر حضرات ہیں, جو صاحب استطاعت ہیں, جو جن کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کے لیے خداوند نے ان کو بہت بلیس کیا ہے, برکت دی ہے, وہ ضرور ایک دوسرے کے ساتھ ان ایام میں شیئر کریں. اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی وافر اشیاء ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے آپ روپے پیسے کے وسیلہ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں, کھانے کے وسیلہ سے, کپڑوں کے وسیلہ سے, اور جس طرح سے بھی آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ ضرور اس مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ بنیں اور ایک دوسرے کی مدد کیجیے. اور بار ہم نے اس حوالے کو کوٹ کیا ہے کہ سراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا, اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور اس کی برکت خداوند آپ کو ضرور عطا کرے گا. گورنمنٹ پاکستان تو بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن جہاں تک ہم کچھ کر سکتے ہیں, جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے, ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. جی پادری صاحب, آپ اس کے یہاں پر بھائی اشکناز نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا, گو کہ اس میں پادری صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں, اور ہمیں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی مدد اس لیے بھی کرنا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے بائبل مقدس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. لیکن میں جیسا دیکھتا ہوں انٹرنیٹ پر, مختلف واٹس ایپ گروپ پر بھی لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں, جی پادریوں نے سال ہا سال سے لوگوں کو لوٹا ہے, ان کے ہدیے کھا لیے ہیں, اور اب جب مشکل کا وقت آیا تو وہ غریب عوام کی مدد نہیں کر پا رہے. حالانکہ جتنے بھی لوگ چرچ سے ریلیٹڈ رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کا خادم چرچ میں صرف کلام سنانے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہدیہ جات لینا, ہدیہ جات اکٹھے کرنا یہ چرچ کمیٹی کا کام ہوتا ہے. خدا کے لیے یہ الزام تراشی کرنا ہمیں اب بند کرنا ہوگی اور اپنا ہاتھ بڑھانا ہوگا. ہم خود تو کسی کی مدد کچھ کر نہیں رہے, اور جو لوگ کوئی خدمت کر بھی رہے سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں دل ہو جاتے ہیں اس طرح سے ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا, حالانکہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا اس وقت. جو لوگ دکھا دکھا کے کر رہے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے, اور جو لوگ چھپ کر یا سمجھ لیں شو آف نہیں کر رہے تو وہ بھی مدد تو کر رہی ہے, مدد سب کی ہو رہی ہے, اور مدد تو میرے عزیزو جب تک خدا نہ کرے انسان انسان کی مدد کر سکتا ہے. لیکن تو بھی خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے نا کہ اگر تیرے پاس دو کرتے ہیں تو ایک اسے دے دے جس کو اس کی ضرورت ہے. تو لوگ مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, برائے مہربانی اتنے سخت اور مشکل وقت میں اتنی زیادہ تنقید خدا کے گھر پر اور خدا کے خادموں پر, خدا را اس سے گریز کیجئے, اس سے بچیے, اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے نرم دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں. جی بالکل بھائی الیاس پادی صاحب, انہوں نے ابھی پادی اعظم صاحب نے پوچھا تھا سنے جو اس کا رائٹنگ کا ٹائم ہے وہ کیا ہے, تو اس کا جواب بھی ابھی دینا باقی ہے, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بڑا اہم سوال کیا ہے. بھائی الیاس ہم ابھی اس کی جانب بھی آئیں گے. بک آف ڈینیل, دانیل نبی کی کتاب, اس کے بارہویں باب کی گیارہویں آیت, انہوں نے کہا جی اس کو پلیز ایکسپلین کریں, تو ابھی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. لیکن پاسٹر اعظم کا سوال تھا کہ یہ جو کتاب ہے مکاشفہ کی کتاب, اس کو کس سن میں تحریر کیا گیا؟ تو یہ 50 سے 60 عیسوی کا جو وقت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اسے تحریر کیا گیا. اور جب ہم اس کی ان سالوں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ سال ہیں جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے, اور یوحنا عارف جو ہے یہ پتمس کے جزیرے میں قید ہے. تو اس کو جو اس کا رائٹنگ کا ٹائم پیریڈ ہے اس کو 50 سے 60 عیسوی کا وقت, یعنی مسیح کا جو وقت ہے, تو یہ 96 AD بنتا ہے. ہاں جی بالکل, 96 AD جو ہے وہ بنتا ہے. الیاس نے میسج کیا ہے, ٹیموتھی ارنسٹ جسٹن ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, خداوند آپ کے ساتھ. پر صاحب دانیل کی کتاب اور اس کے بارہویں باب کی گیارہویں آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہا گیا ہے, تو پلیز میری درخواست ہے پادری پیٹر صاحب سے کہ وہ ضرور اس کو کھولیں اور اس کے بارے میں بیان کریں کہ خداوند کا کلام دانیل کی کتاب میں خداوند اپنے کلام میں کس وقت کے بارے میں یہ اپنے بندہ کی معرفت نبوت کا کلام, جو نبوتی کلام جو لوگوں تک پہنچا رہا ہے, اور یہ آیت کیا بیان کرتی. میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہے دانیل نبی کی کتاب, بک آف دانیل چیپٹر 12 verse 11, گیارہویں آیت, بارہویں باب کی گیارہویں آیت, پلیز وہ ضرور ہمارے ساتھ نکالیں. تو میں چاہوں گا کہ میں اس آیت کو پڑھ دوں خدا ان کے کلام, پھر اس کے بعد ہم مکاشفہ کی کتاب کی جانب بھی آئیں گے. بارہویں باب کی, اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکرو چیز نصب کی جائے گی,
1290 दिन होंगे। आमीन आमीन। हाँ जी, भाई ने बड़ी अच्छी ये हमें एक रेफरेंस भेजा है कि दानियल नबी का सहीफा उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत जिसमें लिखा है, और जिस वक़्त से, ये उस वक़्त की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसका मतलब है कि किसी ख़ास वक्त की तरफ हमें देखना है कि वो वक्त कौन सा है। ठीक है, जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मक़ूफ़ की जाएगी और उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ नसब की जाएगी। भाई इलियास के साथ साथ जितने भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, दायमी कुर्बानी से मुराद वो है, वो कुर्बानी जो चली आ रही है जी, जो चली आ रही थी कौम बनी इसराइल में, जिसका खुदावंद खुदा ने हुक्म दिया, उसवी शरीयत में हुक्म दिया था कि तुम कुर्बानी किया करना। और उस कुर्बानी के लिए हम देखते हैं खरूज की किताब में, जब मुल्के मिस्र में से कौम बनी इसराइल को निकलना था और खुदावंद खुदा ने उस रात उनको निकालना था, तो उस रात खुदावंद खुदा ने कौम बनी इसराइल को अपने बंदा मूसा के ज़रिए से ये पैगाम दिया कि तुम क्या करना कि इसी महीने की पहली तारीख को तुम क्या, तारीख तो कोई भी होगी क्योंकि उस वक्त वो मिस्री कैलेंडर में थे, मिस्री कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन खुदावंद खुदा ने वहां से कौम बनी इसराइल का कैलेंडर नया शुरू किया कि तुम इसे यकम मान लेना और 10वें दिन तुमने बर्रा लेना है और 14वें दिन उस बर्रे को ज़िबा करना है, और बाद में आकर उसे ईद फसा का नाम दिया गया और उसी बर्रे का खून यह कहा गया कि उसे बर्तन में जमा करके दरवाजे की चौखट पर और ऊपर की जानब लगा देना ताकि मौत का फरिश्ता जब मुल्क मिस्र में से होकर गुजरे तो वो मिस्रियों को, उनके इकलौतों को तो हलाक करे, लेकिन जो है इसराइली हैं उनको वो छोड़ता जाएगा। पास ओवर का मतलब है छोड़ देना, ऊपर से गुजर जाना। और जब इस कुर्बानी के मतलब हम आते हैं, आज की दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी है कि दीवारे गिरिया जो हैकल की आखिरी दीवार है, कौम बनी इसराइल ने चंद हफ्ते पहले वहाँ पर फिर दोबारा 2000 साल के बाद उन्होंने मजबा रख दिया है, उसकी प्रैक्टिस भी उन्होंने कर ली है। और अब जब जिस शाम को हम शायरबानी करते हैं, कलीसिया जो पूरी दुनिया में मौजूद है, खुदावंद की दुल्हन, मसीह की दुल्हन जो मौजूद है, जब वो शायरबानी करते हैं तो उसी वक्त जो यहूदी हैं वो पास ओवर भी करते हैं, यानी ईद फसा भी मनाते हैं। और इस साल 2000 सालों के बाद वो ऐसा मुमकिन करने जा रहे हैं कि शायद मैं ये लफ्ज़ शायद का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दुनिया में कोरोना वायरस है और लॉकडाउन है, या शायद इसी की एक कड़ी है कि लॉकडाउन किया गया है, या पता नहीं क्या किया गया है और क्यों किया गया है। लेकिन बात देखने और समझने की यह है कि 2000 साल के बाद जब 70 एडी में जनरल टाइटस ने मसीह यसू के आसमान पर जाने के 70 साल बाद जब हैकल को तबाह और बर्बाद पेशन गोई पूरी कर दी गई और 70 एडी में जब जनरल टाइटस ने हैकल को तबाह कर दिया, तब से लेकर आज तक यहूदी जो हैं वो हैकल के अंदर कुर्बानी नहीं कर सके। और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि वो कहीं बाहर हैकल के अलावा कहीं और कुर्बानी कर भी नहीं सकते थे। और अब 2000 सालों के बाद ऐसा मुमकिन किया जा रहा है, इसके लिए कोशिश की जा रही है, इसके लिए तमाम इंतजाम भी कर लिए गए हैं, प्रैक्टिस भी कर ली गई है कि अब वो इस कुर्बानी को वो ईद फसा के मौका पर वो ज़रूर करेंगे। और उसकी जो डेट होगी वो 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक की होगी। पादरी साहब, इसमें सुबह मैं देख रहा था एक वीडियो क्लिप, और उसमें पाकिस्तानी एक डॉक्टर हैं और बड़े वो मशहूर हैं, उन्होंने बताया एक रबी का जिक्र किया है, और वो रबी ये बयान कर रहे थे कि कोरोना वायरस जो है वो जब ये कुर्बानी होगी, अब जब वो डेट आप बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा उनके रबी ने जो वज़ीर आज़म के, इसराइली वज़ीर आज़म के बड़े नज़दीक हैं, खास मशीर हैं, मशीर भी है वो रबी, और उन्होंने ये कहा कि जब ये कुर्बानी होगी तो तब ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा। ये बड़ा एक अहम है नुक्ता जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। जी, हम भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि जिस दिन, देखें असल में फसा का मतलब ये है कि ग़ुलामी से निकलना जी, जी। और खुदावंद खुदा ने जिस रात मुल्क मिस्र में से अपनी कौम बनी इसराइल को निकाला, वो रात छुटकारे की रात थी, वो रात ग़ुलामी से निकलने की रात थी, और वो रात फिराउन के जुल्म और जबर की भी आखिरी रात जी, बिल्कुल। और जब हम इस कुर्बानी को आगे देखते हैं तो ये
कुर्बानी उनके पिलोटों को बचाने वाली भी है, और उसके साथ साथ ये जी भाई इलियास ने मैसेज किया उजाड़ने वाली मकरूह चीज कौन सी। जी जी हम उसी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद लिखा है कि जब ये कुर्बानी मकूफ की जाएगी, जब ये कुर्बानी ही खत्म कर दी जाएगी। हम जानते हैं कि ये अब सारा जो इंतजाम किए जा रहे थे दुनिया में, हम तो काफी सालों से इस पर बहस कर रहे थे, पैगाम सुना रहे थे कि ये सारी जो राह है ये मुखालफ मसीह की तैयार की जा रही है, एंटी क्राइस्ट के लिए ये सारे रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज, जब उजाड़ने वाली मकरू चीज नसब की जाए तो 1290 दिन होंगे। मुबारक है वो आदमी जो 1333 रोज तक इंतजार करता है। उजाड़ने वाली मकरू चीज, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुखालफ मसीह है। और कल भी, कल की जब हम अगर इंटरनेशनल मीडिया से जुड़ जाएं तो अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो मुखालफ मसीह है अब वो तकरीबन ही आ चुका है, और शायद किसी रोज भी अचानक वो जैसे पर्दे से बाहर उसने आना है, और उसी के मतलब ये उजाड़ने वाली जो मकरू चीज़ है उसी को कहा गया है। और जब मुखालफ मसीह का हम जिक्र बाइबल मुकदस में पढ़ते हैं तो मुकाशवा की किताब में जब इस उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को, का मतलब है कि ये कोई चीज है, बिल्कुल। और कलाम खुदा में ये लिखा है कि जो मुखालफ मसीह होगा वो एक बुत नसब, उसे इतना भी इख्तियार होगा कि जो मुखालफ मसीह है उस बुत में बोलने की रूह फूंके। और कल पादरी साहब मैं देख रहा था कि चाइना ने जो उसकी कंपनी है जिस जो मोबाइल कंपनी थी जिसको बंद किया गया था गूगल ने, हवावे कंपनी ने एक ऐसा रिबोट लॉन्च कर दिया है जो बोलता है चलता है, आने वालों से आने जाने वालों से वो बातचीत कर रहा है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा कि अभी ऐसा ही उन्होंने एक ड्रोन भी बनाया है, और ड्रोन भी ऐसा है कि जब वो किसी भी घर के ऊपर से गुजरेगा तो अगर घर में कोई इन्फेक्टेड शख्स है, कोई ऐसा कोई शख्स है, तो वो फौरन उसे पता लग जाएगा और वो रिपोर्ट कर देगा कि इस जगह पर, इस घर में वो ऐसा शख्स मौजूद है। जी जी बिल्कुल। ये पादरी साहब अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में और मुल्क पाकिस्तान में भी पहले जियो टैगिंग उसका नाम दिया गया, जगह जगह की टैगिंग की गई है, फिर अदारों के लोगों के नाम लिखे गए हैं, आपकी फैमिलीज के नाम लिखे गए हैं, बायोमेट्रिक आपका लिया गया है, हाथों के निशानात लिए गए हैं, आईडी कार्ड को दोबारा से रिव्यू उसका किया गया है, अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया है। जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, आपने ये देखा होगा कि बैंक अकाउंट होल्डर्स को भी बैंकों में बुला कर उनको कहा गया है कि अपने अंगूठे का निशान दीजिए, अपने निशान दे दीजिए। तो मैं ये समझता हूं कि हम सब ने अपने अंगूठों के निशान तो दे दिए। बिल्कुल। अब जब मुखालफ मसीह का अदद आएगा तो अगर मान लें कि पूरी दुनिया में 1000 लोग हैं और शायद उसमें से 90,000 लोग अगर मुखालफ मसीह का अदद ले लेंगे, और जो 10 लोग नहीं लेंगे या 1000 लोग नहीं लेंगे तो वो जल्दी से पहचान लेंगे जी कौन कौन लोग हैं जिन्होंने निशान नहीं लिए, तो वो जल्दी से हमें ट्रेस कर लेंगे और पकड़ भी सकते हैं। उजाड़ने वाली मकरू चीज जिसका जिक्र किया गया है, इसका मतलब है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये कोई चीज है, और वो चीज कंप्यूटराइज्ड कोई ऐसा निजाम और इंतजाम भी हो सकता है, कोई खुदकार इंतजाम और निजाम भी हो सकता है, दुनिया को संभालने वाला या दुनिया के रुपए पैसे को संभालने वाला इंतजाम और निजाम भी हो सकता है। और पादरी साहब आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी सिर्फ एक दिन वो न्यूज चली है वर्चुअल मनी की, कि अब रुपए पैसे को दुनिया से खत्म किया जा रहा है। रुपए पैसे से मुराद मेरी ये है कि जो नोट हैं, जो कागज के नोट हैं या प्लास्टिक के नोट हैं या जो सिक्के हैं, इनको खत्म कर दिया जाएगा और सिर्फ आपके पास आपकी जो आमदन है वो डिजिट्स की सूरत में होगी, वो आपकी मोबाइल एप्स में होगी, आपके कंप्यूटर्स में होगी, और वहीं से आप लेन-देन कर सकेंगे। और जो कोई ये नहीं लेगा वो मजबूरन अब लेना पड़ेगा सबको, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई उस अदद को नहीं लेगा वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। तो बहुत ही अब दुनिया को मजबूर किया जाएगा उस निजाम। उजाड़ने वाली मकरू चीज है, ये इतनी मकरू है कि इसका अहाता करना कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं, इट्स वेरी ह्यूज। और सॉरी की झील देखे तो वहां पर भी इसका जिक्र है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो तो पढ़ने वाला समझ ले, और वहां पर ये लिखा भी है कि जैसा दानियल की किताब में
लिखा और लिखा कि तू तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का सबाब लेने को नीचे ना उतरे, और लिखा है जो खेत में वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। कब? जब ये मकरू चीज। बिल्कुल, मैं इसी जानब आने वाला था कि खुदावंद के पाक कलाम में से हमने ये तो देख लिया कि उजाड़ने वाली कोई मकरू चीज है, कोई इंतजाम है, कोई निजाम है, या कोई बुत हो सकता है, या वो बोलने वाला बुत हो सकता है, या जो मुखालफ मसीह का इंतजाम है, जब उसे लॉन्च कर दिया जाएगा। असल बात यह है कि जो उजाड़ने वाली मकरू चीज है जब उसे लॉन्च कर दिया जाएगा, तब हमें ईमानदार होते हुए क्या करना है। मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में लिखा है कि उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की किताब में किया गया है, जब मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देख लो। तो परसब अब मुकद्दस मकाम तो उन्होंने बना लिया है जी, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत मज़बा उन्होंने दीवारे गिरिया के पास रख दिया है, मुकद्दस मकाम की इब्तिदा हो चुकी है, सारे कामों की वो तैयारी है। लेकिन परसब उससे पहले भी एक बड़ा जबरदस्त वाकया रूनमा होगा, और वो हम सब जानते हैं कि कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना है। जब मुकद्दस मकाम में उस मकरू चीज को लॉन्च कर दिया जाएगा, खड़ा देख लें, तो लिखा है कि जो खेत में हो वो कपड़ा लेने वापस ना जाए, और जो छत पर हो वो अपना असबाब लेने नीचे ना उतरे, नीचे ना उतरे। वहीं से कलीसिया, अब देखें मुखालफ मसीह और हमारा जिंदा निजात दहिंदा यसु मसीह, ये एक ही साथ में होगा जी। बिल्कुल, ये एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही जैसा कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, उस तरह से उसका निजाम मुतारफ हो जाएगा। लेकिन उस निजाम की इंतजाम की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, और जैसा खुदावंत के पाक कलाम में भी अभी लिखा है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो। और पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन सारी बातों को हमारे सामने रखा और उनसे आगाह किया है, और मुझे उम्मीद है कि भाई इलियास ने जो सवाल किया होगा उन तक ये जवाब पहुंच चुका होगा। तमाम अगर फिर भी कोई ऐसी बात हो तो आप फिर उसके बाद भी मजीद आने वाले दिनों में भी हम मुकाशफा की किताब पर गौर व खौस करेंगे, इसको सीखेंगे, तो फिर भी आप कोई सवाल कोई बात पूछ सकते हैं। तो जी वापस अपने उस टॉपिक की तरफ आएंगे कि हम जी मैंने कोशिश की है भाई इलियास जो मस्कत से ओमान से हमारे साथ अबू धाबी से सॉरी हमारे साथ फेसबुक पर ऑनलाइन मौजूद हैं, भाई मैंने कोशिश की है कि जितना भी मुझे थोड़ा बहुत इल्म था या मालूम था, जितनी भी मालूमात थी मुझे, मैंने कोशिश की है कि उसका दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करूं। तो भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप और भी पूछ सकते हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश कर सकूं जी। तो अभी वो लोग जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उन तमाम अजीज़ों को खुश आमदीद कहते हैं, और मसीह यसू के नाम में आपकी सलामती चाहते हैं, और इसके साथ साथ आपसे ये गुजारिश है कि जब आप पेज पर आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जैसे पादरी साहब ने पहले बताया था कि जब आप लाइव आते हैं तो जो वॉच पार्टी है आप उसे अरेंज मत करें, बल्कि जो लिंक है आप पर्सनली अपने फ्रेंड्स को दोस्तों को सेंड कीजिए। इलियास भाई आपका थैंक्स हम तक पहुंच चुका है, आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें लाइव लिया, ज्वाइन किया और अपना सवाल हम तक पहुँचाया, आपके लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। तो बात हम कर रहे थे मुकाशफा की किताब पर, उसके सन तसनीफ के मुतालिक हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे जी, वहां पर पहुंचे 96 AD 96 में खुदावंद यीशु मसीह के तकरीबन आसमान पर जाने के तकरीबन 60 साल बाद। 96 का पार्सल थोड़ा सा बताएं कि 96 क्या है, यीशु मसीह की पैदाइश जब हुई तो उसे ये तकरीबन खतना किया गया तो वहां से डेट रखी गई। ये खुदावंद जब खुदावंद के पाकलाम में हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं तो 96 AD जिसका जिक्र अभी यहाँ पर किया गया कि उस तारीख में खुदावंत के बंदा यूहन्ना को पतमस के जजीरा पर जब जिलावतन किया गया तो वहां पर बैठकर उन्होंने इस बात को खुदावंत के कलाम को जो उसके हुक्म के मुताबिक तहरीर हुक्म के मुताबिक तहरीर किया, और तकरीबन 60 साल के बाद फिर उसे खुदावंद यीशु मसीह का दीदार हासिल हुआ। जब वो कहता है कि मैं मुर्दा सा उसके कदमों पर गिर पड़ा, तो 60 साल के बाद तकरीबन इतना अगर हम अदाद शुमार को देखें, टाइम को देखें, डेट्स को देखें, तकरीबन 60 साल का अरसा बनता है, तो 60 साल के बाद उसे जाकर खुदावंद यीशु मसीह का दीदार हासिल हुआ। जैसे आप कह रहे हैं जी, हमारे साथ हमारे भाई फरहान अनूस मौजूद हैं। जी फरहान भाई, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं इस लाइव ट्रांसमिशन में जो आप गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च बिशप हाउस साहिवाल के पेज से सुन रहे थे। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वक्त में मदु किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबों का खुदावंद की इस बख्शिश के लिए जो वो हमें बख्शता है कि हम मिलकर उसके कलाम को सीख सकें, और मैं भी आप सबों का थैंक्स करना चाहता हूँ। जी फरहान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया और हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं बताना चाहता हूँ भाई फरहान अनूस वो बाइबल बैप्टिस्ट सेमरी से फारगुल तहसील हैं, BTH उन्होंने वहाँ से किया, और इन दिनों में वो MDiv कर रहे हैं,
और उसके साथ एमए कर रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। फरहान भाई, आज हम जो बात कर रहे हैं वो मुकाशफा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, हम इसके बारे में खुदावंद के कलाम में से जो बात है वो कर रहे हैं। तो हमने बहुत सी बातें की, आप हमें लाइव भी देख रहे थे कि बहुत से लोग मुकाशफा की किताब को जब पढ़ते हैं तो इसकी बहुत सी इसकी नजर आती हैं खुदा के कलाम के मुताबिक। मुकाशफा की किताब, आप क्या समझते हैं कि मुकाशफा की किताब में ईमानदारों को जोश देती है, जो ईमानदारों के अंदर एक और फतह जो है वो पैदा कर देती है, ऐसी कौन सी बात है मुकाशफा की किताब के अंदर, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और हम मुकाशफा की किताब के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने अभी सुनी भी बहुत बाबरकत बातें जो आपने अभी शेयर भी की, और मैं भी इसके ताल्लुक से कुछ बयान करना चाहता हूँ। और अभी जो आपने बात की कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो ईमानदारों को पुरजोश करती, इनकरेज करती है ताकि हम और ज्यादा ईमान में मजबूत हों, तो इसमें जो पहली बात है जो मैं समझता हूँ वो ये बात है कि ये जो किताब है इसके बारे में लिखा है, जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है, जो इस पर अमल करता है, वो मुबारक है। और ये जो है हमारी इनकरेजमेंट के लिए जो लफ्ज है वो गेट हैप्पीनेस है, अब खुशी को हासिल करते हैं, अब जॉय को हासिल करते हैं खुदा के कलाम को पढ़ने से। लेकिन अगर आप इसके बरक से इस किताब को पढ़ें तो इसमें एक खौफ सा नजर आता है, यहाँ पर ऐसे हलाकत है, वहां पर खुदा का गजब नाजिल हो रहा है, फलां नरसिंगा जो है वो फूंका जा रहा है, फलां खुदा के गजब का प्याला उंडेला जा रहा है, तो इसमें बजाहिर आपको जॉय नजर नहीं आ रही, लेकिन एक ईमानदार के लिए कैसे जॉय है, खौफ है। लेकिन देखिए एक ईमानदार के लिए कैसे जो है, ये कैसे ब्लेसिंग जो है, क्योंकि जब आप इसके एंड की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप उस खौफ से निकलकर ईमान में दाखिल होते चले जा रहे हैं, आप शिकस्त से निकलकर फतेहयाबी में दाखिल हो रहे हैं, आप विन कर रहे हैं। कैसे विन कर रहे हैं? जैसे आपके नजात हिंदा ने विन किया है, वो जीता है, इसके बरक्स शैतान क्या हुआ है, वो हारा है, स्लीप पर उसे शिकस्त हुई है। बिल्कुल इसी तरह मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं तो इसमें भी हमें मुखालफ मसीह का, इबलीस का, शैतान का हमें इख्तिताम होता हुआ नजर आ रहा है, वो हारता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बरक्स कलीसिया जीतती हुई नजर आ रही है, वो दुल्हन की मानद आरास्ता होती हुई नजर आ रही है। तो ये हमारे लिए एक जॉय है, एक इत्मीनान का बायस है। इस वजह से ये किताब जो है वो ईमानदारों के लिए इंकरेजमेंट है, इसको हम पढ़ के जो है वो खुशी को हासिल करते हैं, जॉय को हासिल करते हैं। और एक बात और आप कह रहे थे कि आज का चर्च इससे खौफजदा है, वो इसे पढ़ना नहीं चाहता जी। और शुरू में मैं अभी बात सुन रहा था, मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि असल में चर्च का मसला नहीं है, चर्च वो फॉलो करता है जो उसका लीडर उसे कहता है। तो अगर आप अर्ली चर्च फादर्स को पढ़ें तो मार्टिन लूथर इस किताब के हक में नहीं था, जॉन कैल्विन भी नहीं पढ़ना चाहते थे, वो चूंकि लीडर्स ने जो कहना है कलीसिया तो वही फॉलो करती है। अगर आप मरकज के जेल में देखें तो आप बार बार देखेंगे कि यीशु आगे चल रहा है और शागिर्द पीछे चल रहा है, लीडर आगे चलता है, शागिर्द पीछे चलता है, वो उसे फॉलो करेगा। अब जो लीडर कहेगा वही चर्च जो है वो उसे फॉलो करता है। और हम जानते हैं कि मार्टिन लूथर अर्ली चर्च फादर में से एक बड़ा नाम है, जॉन कैल्विन एक बड़ा नाम है, तो उनका नाम जो है बताना नहीं पड़ता किसी को, सबको पता है, चर्च को बच्चे पैदा होते ही पता चलना शुरू हो जाता है कि मार्टिन लूथर कोई नाम है, एक बड़ा नाम है। अब चूंकि जब हम मार्टिन लूथर के बारे में बात करते हैं तो वो इसके बारे में वो कहते हैं कि मैं पजल हूं, मैं समझ नहीं सकता इस किताब को, कि खुदा ने कहीं पर भी नहीं सिखाया कि मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे जाने, मुझे परखे, खुदा हमें ऐसा नहीं सिखाता। लेकिन इसके जवाब में स्कॉलर डिस्पेंसेशनस ज्यादातर स्कॉलर कहते हैं कि वो खुदा जो रिफॉर्मेशन का बता सकता है वो रेवलेशन का क्यों नहीं बता सकता, बिल्कुल बिल्कुल वो मुकाशफा अपना क्यों नहीं बता सकता, वो क्यों नहीं पहले से आगाह कर सकता। और हम देखते हैं कि यूहन्ना ने भी इसे कहा है कि खुदा ने यीशु मसीह के जरिए से मुझ पर ये अपना मुकाशफा जाहिर किया, ये यीशु मसीह का मुकाशफा है, कोई मेरी अपनी बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से इसे बयान नहीं कर रहा, बल्कि यीशु ने ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। और उस वक्त जब वो खौफ ज्यादा था और जब वो पतमस के जजीरे पर जहाँ पर इर्द गिर्द पानी है, वो भाग नहीं सकते कहीं पर, और इतनी सख्त जो है वो सजा है, कैद है, और भाई अनुज यहाँ पर मैं पतमस के जजीरे के लिए ये भी ऐड करना चाहूंगा,
ये मशहूर था कि वहाँ के जो सांप और बिच्छू हैं बड़े खतरनाक हैं, जहरीले थे, सांपों का जजीरा था और सांप जानबूझकर वहाँ पर छोड़े गए थे ताकि वहाँ पर जो कैदी हैं वो खुद ही मर जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है और वो भागने का कोई रास्ता नहीं है वहां पर, तो खौफ की क्या इंतहा है। और लेकिन उस वो फिर भी इत्मीनान में है। अब देखिए यूहन्ना रसूल, वो इत्मीनान में है और वो किस वजह से इत्मीनान में है, वो इस वजह से इत्मीनान में है कि वो किसी गलत किसी जराइम की वजह से कैद में नहीं है बल्कि यीशु मसीह की गवाही की वजह से कैद में है। और वो फिर भी इत्मीनान में है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर आप इसकी 9-10 आयत में पढ़े जी बिल्कुल, तो वो कह रहे हैं कि मैं ये होना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाद उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। इनकरेजमेंट देखा उसके अंदर, यीशु मसीह की गवाही का फोकस है और वो इससे घबराया नहीं है इस कैद में भी। और देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं और लॉकडाउन है, हम अपने घरों में बंद हैं, लेकिन देखें वो कह रहा है कि मैं इस कैद में भी खुदावंद में शादमान हूं और मैं फखर महसूस कर रहा हूं कि मैं यीशु की गवाही की वजह से कैद हूं और मुझे जी। और भैया अनुज इसमें ये भी देखें कि जब जैसे अभी आपने बातों को शेयर किया है कि तन्हाई में कैदोबंद में और हमने पतमस के जजीरे का भी सारा कुछ देखा, तो जब खुदावंद इससे वहाँ पर मुखातिब हुए, जब खुदावंद ने अपना मुकाशवा इन्हें दिया, तो तब ये इस सारी जिलावतनी के राज को समझे हैं कि जिलावतन इन्हें करने का वहाँ पर मकसद क्या था। क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात यह कि खुदा हजूम में नहीं बल्कि तन्हाई और लैदगी में अपना मुकाशवा, रोया और गहरे भेद अपने लोगों पर जाहिर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आज लॉकडाउन है तो आज लोगों को ये समझ, और मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा वक्त हम खुदा के साथ गुजारेंगे तो यकीनन खुदावंद अपना कलाम और अपनी गहरी बातों को जरूर हम पर आशकारा करेगा। जैसे खुदावंद ने अपने बंदा यूहन्ना पर इस बात को जाहिर किया कि शायद हुआ, लेकिन जब खुदावंद उससे हम कलाम हुए तो फिर वो समझा कि उसको तन्हाई में इस जगह पर लाने का मकसद क्या था। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वहां पर भी जो है वो शोर है पानी का, और देखें कि सोना भी कितना मुश्किल है। इवन जब वो कहता है कि मैंने उसकी आवाज सुनी तो ऐसे लग रहा है जैसे पानी का शोर है, वही आवाज उसके कानों में, कानों में वही आवाज मौजूद है और उसको वही लग रहा है जी, वही मौजूद है। लेकिन वहीं पर जो है वो फिर जब वो तन्हाई में, जैसे आपने अभी बात की, और फिर जो है वो खुदा से हम कलाम होता है, तो मैं समझता हूँ आज अगर चर्च के दरवाजे जो है वो बंद हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार जाकर प्रीचिंग की तरफ फोकस करें, बल्कि इसका एक मकसद ये भी है कि हमें अब दुआ की तरफ आने की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हम तन्हाई में बैठकर दुआ करें और फिर खुदा जो है वो जरूर अपने कलाम से, नए राज तो नहीं लेकिन अपने कलाम से, हम हर एक बात को उसके कलाम पर नापते और तोलते हैं। तो यकीनन इन दिनों में आपने बहुत सारे ऐसी बातें भी सुनी होंगी जो खुदा के कलाम से हटकर लोग बयान कर रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं बल्कि खुदा अपने कलाम में से ही अपने मुकाशवा जो है वो हमें बताता है, क्योंकि कंप्लीट है, कामिल किताब है। और इसमें जो यूहन्ना पर जो है वो बातें आया हुई बड़ी खास बातें हैं, और उसमें जो एक खास बात है वो ये है कि उसे भेद मिला है कि कलीसिया चिरागदान है, ये कलाम की रोशनी है, यहाँ से कलाम की रोशनी मिलती है। अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया तारीकी के इख्तियार में है, वहां पे डार्कनेस है, लेकिन चर्च जो है यहाँ पर लाइट है, ये चिरागदान है, यहाँ पर रोशनी जलती है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी सीखने वाली बात है, नौजवानों के लिए भी, खासतौर पर वालदैन जितने भी सुन रहे हैं मेरी बात को, अपने बच्चों को चर्च के साथ कनेक्ट करना सीखे। और मैं एक और भी बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि आजकल लोग बड़ा मिथ कर रहे हैं कि नहीं जी चर्च बिल्डिंग का नाम नहीं है, चर्च तो जमात कलीसिया का नाम है, लोगों का नाम है, तो आप घर पे लगाएं या जहां पर मस्जिद है। बेशक इन दिनों में हमें मना किया गया है तो हमें घर पे ही, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनको मिक्स ना करें। देखें चर्च में जो पास्टोरल एनॉइंटिंग है वो आपके घर में नहीं है, जो पासबानी बरकत और खिदमत है, एक लीडरशिप की क्वालिटी, एक खुदा ने एक लीडर जो मुकर्रर किया है, वो सब घर में तो नहीं है ना। तो हमें चर्च की अहमियत को भी समझना है कि ये सिर्फ कलीसिया का नाम नहीं है बल्कि एक बाबरकत जगह जहां पर ईमानदार इकट्ठे होते हैं। अगली चर्च में हम देखते हैं माल की किताब में भी, अगर घर में करनी थी तो सारे अपने घर में करते नहीं, वो एक घर में जमा होते थे, एक जगह पर जहां पर
कोई उन्हें लीड कर सके, पास्टोरल ब्लेसिंग जो उनके पास है, अनॉइंटिंग हो, और फिर जो है वो उसको देखते थे। तो लिहाजा हमें अपने बच्चों को चर्च के साथ कनेक्ट करना है। हम ये मानते हैं कि जल्द ये हालात ठीक होंगे और चर्च वापस से बाहर होंगे, तो ये एक लाइट की जगह है, ये यहाँ पर चिराग दान है। और देखिए यीशु मसीह अब कहाँ पर है, बाप की दाहिनी तरफ, लेकिन यहाँ पर वो बताते हैं कि वो इन कलीसियों में फेर रहा है, बिल्कुल उसकी प्रेजेंस है। वो फिरते हैं इफिसस की कलीसिया में, अगर आप पढ़े तो सोने के सातों चरागदान लिए फिरता है, वो कलीसिया में है, उसकी प्रेजेंस है वहां पर, और चरागदानों का जो तेल है वो खुदावन का पाक रूह है। बिल्कुल, तो हमें चर्च के साथ कनेक्ट रहने की खुद भी जरूरत है। यही वो लाइट की जगह है जहां से हम लाइट को लेते हैं, अपनी कुपियां भरते हैं और फिर तारीकी का मुकाबला करते हैं दुनिया में जाके। बहुत ही खूबसूरत बातें भाई फरान से आप सुन रहे हैं, जो स्टुंजाबाद 135-16L से मियां चन्नू से हमारे साथ खुदावंत के खादम हैं। सेमिनरी उन्होंने मुकम्मल कर ली और अब BTH करने के बाद MDiv कर रहे हैं। आप उनकी ये खूबसूरत बातें सुन रहे हैं जैसा वो आपको सिखा और बता रहे हैं कि गो के आज हम अपने अपने घरों में लॉक हैं, और कहा यह जा रहा है कि हर घर ही चर्च है, क्योंकि चर्च का मतलब ही कलीसिया है, और जहां पर कलीसिया मौजूद होगी वहीं पर वो चर्च मौजूद है। लेकिन चर्च होना और चर्च बिल्डिंग का होना, जैसे उन्होंने तशरीह की है, बड़ी खूबसूरत की है कि चर्च बिल्डिंग का मतलब यह है कि जिस जगह को खुदा की इबादत के लिए मखसूस किया गया जगह है। और इब्तदाई कलीसिया ने भी, वो भी भाई फरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया कि लोग तब भी पादरी साहब अपने अपने घरों में कर सकते थे, लेकिन क्यों उन्होंने एक जगह को मखसूस किया और सब लोग एक जगह पर जमा होते थे, उसकी वजह यह थी कि जब वो रोटी तोड़ते थे तो सब मिलकर एक ही जगह पर रोटी तोड़ते थे। शायर बानी और क्लिसिया पर सब है ही नाम, ईमानदारों की जमात का नाम है, एक अकेला शख्स जमात नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी, सब अपने अपने घर में फैमिली भी जमात का हिस्सा तो हैं, लेकिन वहां पर तारीफ भी बड़ी खूबसूरत की जाती है कि क्लिसिया ईमानदार की वो जमात है जो रजाकराना तौर पर इकट्ठा होना जरूरी है। जी फरान भाई जी, ईमानदारों की रफाकत के ताल्लुक से बहुत जरूरी है कि बने से बंदी रहे। खुदा चाहता है कि जब मेरे नाम से जमा होंगे, जो भी फैसले करेंगे चर्च में, मैं भी वहां पर मौजूद हूंगा। तो इसलिए जरूरी है कि जो चर्च देती है पासबानी खिदमत का भी लीडर और फिर शागिर्द का होना, ये बाइबल हमें ये पैगाम देती है कि हमें शागिर्द भी बनाने। जो मुखालफे मसीह की तस्वीर है ना, ये वो उसका काम तो तब से ही वो बड़ी तेजी के साथ करते हैं, तो ये काम भी उसका है कि अब जब कलीसिया खुदा के घर से दूर है तो उनके दिलों में ये ख्याल डाल दे कि चले हुण इत्थे भी ठीक है, यहाँ पर भी जहाँ पर भी हैं वो भी ठीक ही है जगह, वो भी काम ठीक ही है, अगर खुदा का घर बंद है तो ये भी ठीक ही है, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर ये काम कर सकते हैं। मुकाशवा की किताब उसके 3:11 में लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह ताकि कोई तेरा जी। और ये भी लिखा है कि जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदिस में एक सतून बनाऊंगा, फिर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा यानी उस सतून पर, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और उसके बाद 15 में यह भी लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। खुदावंत खुदा हमारे हर एक काम को, हर एक फेल को जानता है। अगर हम आज ये सोच रहे हैं कि ठीक है हम जहाँ कहीं पर भी हैं वहीं पर ठीक हैं, और अब चूंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, फरहान भाई दुनिया आज ये समझ रही है कि शायद ये एक बीमारी है और जल्द ये बीमारी जो है वो हट जाएगी, टल जाएगी, वो इसको इस तनाजल में नहीं ले रहे कि ये खुदा के कलाम की निशानियां पूरी हो रही हैं है, या वार्निंग हो गई है या कोई अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है या मखालफे मसीह की आमद की जो निशानियां हैं वो पूरी हो रही हैं, बल्कि उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि ये एक बीमारी है जो अचानक दुनिया में आ गई है और दुनिया में फैल गई है, और अब जब इसकी दवाई जब तक दरियाफ्त नहीं होती तब तक हम अपने घरों में खामोशी से बैठे रहें, और अचानक से एक दिन बीमारी जो है वो चली जाएगी, दरियाफ्त हो जाएगी या उसकी दवाई दरियाफ्त हो जाएगी तो हम सब फिर बहाल हो जाएंगे। उनका कलाम की तरफ ध्यान ही नहीं है कि कलाम मुकद्दस की ये कौन कौन सी निशानियाँ हैं जो पूरी हो रही हैं। मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा आप सबके लिए, मुकाशवा की किताब उसका 3:15 से, इसीलिए खुदावंद खुदा ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म,
काश के तू सरद या गर्म होता, बस चूंकि तू ना के नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से कहने को हूं, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा, और वो मेरे साथ जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया हूँ। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। भाई फरहान, हम देखते हैं कि दुनिया ने जाहिर है हर इंसान अपनी इस्तेताद के मुताबिक अपनी आमदन के मुताबिक चीज़ें जमा कर लेता है, सोना खरीदता है, चांदी खरीदता है, कपड़े खरीदता है, रुपया पैसा जमा करता है, लेकिन आप ये देखें कि क्या आज दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया का रुपया पैसा अपने लिए इलाज खरीद पा रहा है या नहीं? बिल्कुल, आज जो इसके बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पर एक ऑफर हमें यीशु मसीह की तरफ से मिलती है कि मुझसे तपाया हुआ सोना खरीद ले। इसका मतलब एक ये भी है कि खुदा चाहता है कि तुम्हारा लेन देन मेरे साथ होना चाहिए। हम जानते हैं पतरस के खत में भी हमें क्लियर है कि सोने के बारे में किसको तस्बीह दी गई है, ईमान के बारे में बात की गई है, सोने से भी बेशकीमत है, ये सारी बातें। लेकिन जो इससे बेशतर आपने पहले भी बात की, मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि वायरस के बारे में आप कह रहे हैं कि सिर्फ लोग इसे एक बीमारी देख रहे हैं और वो इस बात पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करे कि कलाम की बातें भी हैं और हम एंड टाइम की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हबकूक की किताब में हमें जो हबकूक है वो खुदा से कंप्लेन करता हुआ नजर आ रहा है। खुदा हम तो क्यों नगाह नहीं करता, क्यों नहीं देख रहा, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जो बदकार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, साधक मरते चले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं देख रहा, तो क्यों नहीं सुन रहा, तो क्यों। तो मैं समझता हूँ हबकूक की कंप्लेन जो है एक नबी होने के नाते से वो समझ अगर हम पढ़े तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे वो हमारे दिल की बात कर रहा है। आज भी लोग यही कह रहे हैं खुदावंद तू क्यों नहीं जाना, क्या खुदावंद तुझे नहीं पता चला कि तू क्यों नहीं, वो कह रहे हैं तेरा इंसाफ कहां गया है, इंसाफ क्यों नहीं आ रहा। खुदा से गिला कर रहे हैं ना, गिला करने वाली जो गिला कर। लेकिन देखिए खुदा का कैसा जवाब है, खुदा उसे एक ही जवाब देता है, और खुदा कहता है कि जो मुतकब्बर और ऐसे बदकार लोग हैं ये अपने गुनाह में मरेंगे, लेकिन रासबाज बंदा अपने ईमान से जीता रहेगा। हालात कैसे भी हों, मुसीबतें परेशानियां, एक ही बात है, एक ही से भी बेशकीमत है, वो हमारा ईमान है, वही हमें बचा सकता है इस वक्त में। और कलाम में भी लिखा है रासबाज बंदा अपने ईमान से जीता रहेगा। तो रासबाज शख्स वो नहीं है जो अगर आप कलाम में भी देखें कि जो अपने कामों के बायस रासबाज है, बल्कि इब्राहिम के बारे में लिखा वो खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके हक में रासबाजी गिना गया। जो खुदा के नाम पर ईमान लेकर आता है, इस वक्त में हम किन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, हमारा ईमान खुदा में कितना मजबूत है, हम खुदा पर कितना रिलाय करें, कितना डिपेंड करें। इस वक्त में चर्च को यह बात जानने की जरूरत है कि खुदा जानता है, और अगर चर्च के दरवाजे बंद हुए तो ये भी खुदा जानता है। और इसका मतलब हमें मलाकी में भी और ये साया में भी पता चला है, कब खुदा अपनी इबादत नहीं करने देता लोगों को, जब लोग नियत के साथ उसकी इबादत नहीं करते। और देखें वहां पर लिखा तुम हदिये नाकस ला रहे हो, तुम्हारे हदिये मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारी इबादत मुझे पसंद नहीं है। मलाकी किताब में वो कह रहे हैं मुझे ठगते हो तुम। तो जब आपका रवैया इबादत कैसे हो, फिर खुदा कैसे आपको अलाउ करेगा कि आप उसकी इबादत करें। तो इसके साथ साथ जहां पर मुकाशवा की किताब में सातों कलीसियों की कांड छाट की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि तुम खवार हो, नंगे हो, तुम दुनियावी दौलत के पीछे भाग रहे हो, ये वो चीजें, यहाँ पर हमारे लिए भी सबक है और हमने भी सीखना है क्या हमारी इबादतों में हमारे रवैये दुरुस्त थे। जो हम आज खुदा से कंप्लेन करें कि चर्च के दरवाजे बंद हो गए, क्या हमारे हदिये दुरुस्त थे, क्या हमारा एटीट्यूड दुरुस्त था, जब चर्च लगता
होता था हमारे पास टाइम ही नहीं होता था, हम चर्च चले जाएं, और आज बंद है तो हम कह रहे हैं कि जी चर्च नहीं लग रहा। सॉरी फरहान भाई, मैं यहां पर आपको रोक रहा हूं, कल पादरी आखर साहब ने भी खुदावंद के हजूर मांगी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात दुआ के दौरान खुदावंद के आगे रखी, और ये लोगों की नसीहत के लिए है। मैंने भाई फरहान को यहाँ पर रोका है इसलिए कि खुदावंद के खादम कल पादरी आथर साहब दुआ में मांग रहे थे कि आए खुदा, हमने तो तेरे घर को नाचीज जाना और तेरे घर की इबादत अपने अपने कामों में, अपनी अपनी खरीदारी में लगे रहे, ब्याह शादी करने में लगे रहे, और तेरे घर के दिए गए ठहराए गए उस वक्त की कदर नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है, और चूंकि वही बात है कि रूह में एक ही बात है, हम चूंकि इसे फेल कर रहे हैं खुदा उनके कदम होने के नाते से भी, और बाइबल भी हमें बताती है कि जब जब भी लोगों ने ऐसे रवैये के साथ खुदा के सामने आया, तो फिर खुदा ने कहा इसे बेहतर है कि तुम ना लाओ ऐसा, तुम ना करो मेरी इबादत। अगर तुम्हारा रवैया दुरुस्त नहीं है तो मैं तुम्हारे हदीये मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। और फिर खुदा कहता है कि लोग घूंटों से तो मेरी तजीम करते हैं मगर इनके दिल मुझसे। तो ये जो रवैया है, जब हम लॉकडाउन है, घरों में बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दुआ क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सख्त हदायत हैं कि आप दूसरों के घरों में ना जाएं, और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हमें बात भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक मानना जरूरी है, और जब हम लोगों को ये कहते हैं कि दूसरों की तरफ ना जाएं, और अगर पादरी साहब खुद ही बाइबल उठा के दूसरों के घरों में जाएंगे तो वो फिर हमसे क्या सबक सीखेंगे। और हमारा ये मतलब ये कि हम ऑनलाइन बैठकर उनको ये बता सकें कि खुदावंद खुदा ने ये तौबा के लिए हमें ये वक्त दे दिया है। और फरहान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्रीचिंग से ज्यादा इस वक्त जो फोकस है वो दुआ पे करने की जरूरत है, क्योंकि ये तमाम चीजें इस बात का पेशकश है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो करीब है, और बड़ी प्रीचिंग हुई, अच्छी बात। हम अभी भी बैठे अभी भी यही काम कर रहे हैं, अपना जायजा अपने आप को खुदावंद और अपने खादमों को भी अपना जायजा लेने, इसमें हम ये भी कहेंगे सिर्फ कलीसिया नहीं बल्कि खादमीन भी जायजा लें। पर मैं बिशप अब्राहम डैनियल साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने 3-4 दिन पहले हमारे साथ शेयर की कि बात हम समझते हैं कि हम डाली हैं और उस रक्त में पेवस्त हमारे लिए यही काफी है। हाँ जी, डाली होना ही काफी नहीं, पेवस्त होना भी बल्कि काफी, उस पर फल होना बहुत जरूरी है। बाज अवकात शायद हम सूखी डाली पर ही खुश रहते हैं कि शायद बस पेवस्त है तो यही बहुत है। मैं एक आयत भाई फरहान, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए पढ़ना चाहूंगा हबकूक नबी का सहीफा और उसका तीसरा बाब, और तीसरे बाब की जो 17वीं आयत है उसके दरमियान में से मैं पढ़ूंगा। और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हों, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। जी भाई फरहान, सॉरी आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमें सुंबल सैमसन वो देख रही है, उन्होंने कहा कि उनके भाई के लिए जो लाहौर में उनके लिए दुआ करें। इसी तरह शारून डैनियल हमें देख रहे हैं, शौकत संधू हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने कहा है कि उनके लिए और उनके खानदान के लिए दुआ की जाए। अयूब एंड्रू डैनियल वो हमें देख रहे हैं। जी पाली साहब, आप बात कर रहे जी, हम थोड़ी देर के लिए दुआ मांगेंगे इन जिंदगियों के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जब भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट करता है तो इस इंतजार में होता है कि अब उसके लिए दुआ की जाए। सो मैं पादरी आजम साहब आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे बहुत ही प्यारे भाई असिस्टेंट कमिश्नर शौकत संधू साहब हैं, उनके लिए उनकी फैमिली के लिए प्रेयर करें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि उनके दो बेटे हैं और दोनों ही बेटे एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक अमेरिका में है, और वहाँ पर लॉकडाउन है, और भाई की फैमिली जो है वो लाहौर में है, और भाई अवाम की खिदमत के लिए, साहिवाल के लोगों की खिदमत के लिए, भलाई के लिए साहिवाल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट किसकी थी? सुंबल सैमसन। जी सुंबल सैमसन के लिए, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। जितने इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप इस हमारे दुआ में हमारे साथ शरीक हों और मुतफिक हों। कादर मतलिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही बुजुर्गी स्ताइश इज्जत और तमजीद के लायक है। खुदावंद शुक्रगुजार हैं तेरी दी हुई तमाम तर नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उस बड़े फजल के लिए जो तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से किया, उसके लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त खुदावंद इन जिंदगियों के लिए तेरे पास आते हैं जिन्होंने बड़े यकीन ईमान और भरोसे के साथ अपनी दुआया दरख्वास्त खुदावंद तेरे खादमों तक पहुँचाई है, ताकि हम मिलकर खुदावंद
उन तमाम जिंदगियों के लिए तेरे पास आएँ और उनके लिए दुआ करें इस वक्त, अपने प्यारे भाई शौकत संधु उनके बेटों के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए खुदावन तेरे हुज़ूर में दुआ गुज़ार हैं जो बैरून मुल्क में हैं, खुदावन वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों को तेरे पाक हाथों में मेहनत करते हैं कि खुदावंद उनके साथ होना, उनकी मुहाफ़ज़त निगेबानी करना और इस वायरस के खुदावंद मुज़र असरात उनको महफूज रखना। और भाई के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो शब रोज़ खुदावंद इस वक्त खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं, बाहर अंदर आ जा रहे हैं। खुदावंद तू अपने बंदा की सारी आमद हाफिज और निगेबान होना खुदावंद, तो उसके साथ होना और अपने बंदा को खुदावंद इस खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, उनके सारे घराना के लिए खुदावंद तेरे हुज़ूर में बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। इस तरह बहन सुंबल के लिए खुदावंद, जिन्होंने अपने भाई के लिए दरख्वास्त की है कि वो लाहौर में है, खुदावंद भाई अरसलान को इस वक्त तेरे पाक हाथों में देते हैं, खुदावंद तो उसके साथ होना, उसकी भी निगेबानी करना, हिफाजत करना और इस वायरस से खुदावंद तू उसे महफूज रखना और सलामती के साथ फिर उसे उसके घराना में लुटा लाना ताकि वो अपने घराना में पहुँचे और तेरे नाम का शुक्र अदा कर सके, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। भाई फरहान बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, खुदावंद आपको बरकत दे। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी रखें और गाय बगाए आइंदा आने वाले दिनों में भी हम आपसे बात करेंगे। बातें खुदावंद के कलाम की ऐसी बातें हैं, खुदावंद के कलाम की बातें जो आप बयान कर रहे हैं कि अगर हम उनको करते रहें तो दिल तो नहीं चाहता कि रोका जाए, लेकिन चूँकि और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके साथ हम कॉल पर बात करना चाहेंगे, तो बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, खुदावंद आपके साथ हो जी, खुदा हाफिज जी। भाई फरहान अनूस हमारे साथ स्टुंजाबाद 135 चक मियाँ चनू से मौजूद थे और बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि इस वक्त में चर्च को, कलीसिया को ये सोचने की ज़रूरत है कि खुदावंद के घर के दरवाजे बंद हो गए। बहुत से लोग ये भी बात करें कि जी घर पर भी कोई बात है, खुदा उठे भी यही है, लोग तो पहले ये चाहते हैं कि बस ना ही आया जाए, घर पे ही कर ले तो वही सारा कुछ सारी बातें ठीक है। बहुत सारे लोगों को हम शख्सियत पर्सनली आप भी जानते हो जो कहते हैं कि पर सब गिरजे दुआ कर लो, घर दुआ कर लो, एक कोई गल है, लेकिन ये हालांकि खुदावंद का बंदा दाऊद बड़ी खूबसूरत बात कहता है, मैं खुश होया जब मैंने आखने लगे आओ क्या खुदावंद दे कर चलिए, कर चलिए, बड़ी कर चलिए, अच्छी बात है। और ये भी लिखा है कि मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। और खुदावंद के असल में पादी साहब जो बात कर रहे कि अब्लीस रोज बरोज सख्त से सख्त करता जा रहा है, वो ये नहीं सोचने में मजबूर हो रहे कि खुदा का घर बंद हो गया, बल्कि वो ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, खुदा यहाँ पर भी है और वहां पर भी, बेशक ऐसा है। पर सब देखें मुकाशवा की किताब में अभी जो मैंने आयत पढ़ी थी कि तू ना सर्द है ना गर्म है बल्कि तू क्या हो गया, नीम गर्म हो गया। और कलाम खुदा में ये भी लिखा है, ये भी आखिरत की एक निशानी है कि बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, और ऐसा हो गया है। और नीम गर्म जो कंडीशन है वो बड़ी खतरनाक कंडीशन है। और कलाम में लिखा है खुदा में कहता है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। और अभी वो लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उन तमाम अजीज़ों को हम खुश आमदीद भी कहते हैं और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आपको बरकत बख्शे, क्योंकि इस वक्त में हम यहाँ पर जब मौजूद हैं तो ख़ास बात या जिस बात को लेकर हमने इस सारे काम को शुरू किया था वो कोरोना वायरस से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर, उसके मुतल्लिक बातें थी कि एक ईमानदार का किरदार क्या होना चाहिए जब वो घर पर है, वो कैसे वक्त गुजारे, और जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन का शिकार थे और बहुत ही गंभीर सूरत हाल थी, तो उसमें भी हमने बहुत सारी बातें लोगों के सामने रखी, लाइव कॉल्स भी लीं कि वो लोगों को क्या मुफीद मशवरा जा दे सकते हैं, कि वो अपने आप को कैसे कूल एंड काम और रिलैक्स रख सकते हैं। तो बहुत सी बातों को हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया और ताज़ा तीन जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पूरी दुनिया में इस 36,000 लोग मर चुके हैं और 7 लाख के करीब लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और 1.5 लाख के करीब लोग इससे सेहतयाब हो चुके हैं। और अपने मुल्क पाकिस्तान की जब सूरत हाल आपके सामने रखूं तो पाकिस्तान में इस वक्त 1600 के करीब लोग जो हैं इन्फेक्टेड हैं, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, और 18 लोग सेहतयाब हो चुके हैं, मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, जो वापस अपने घरों में जा चुके हैं, और 17 लोग इसका शिकार हो चुके हैं जो हलाक हो चुके हैं। और एक और जो सुबह मैंने आपके सामने एक बात शेयर की थी कि इसमें एक थोड़ी सी रिलीफ इस तरह से भी आई है हमारे लिए, ये कुछ बेहतर न्यूज़ ये भी है कि 21 मार्च से लेकर अब तक जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस उनमें थोड़ी कमी आना शुरू हुई है, और जो शरह अमवात है वो कम हो रहे हैं। और आप ये देखेंगे
जब यकम अप्रैल होगा जी, तो उसके बाद ये केसेस और ज्यादा कम होने शुरू हो जाएंगे। आमीन, ऐसा ही और जैसे और... जैसे ईद क़यामत अल मसीह के करीब हम पहुंचेंगे, जैसे ही हम शायरबानी की इबादत और खजूरी इतवार की इबादत में, गो के हम चर्च में तो शायद ना जमा हो सकें, लेकिन जैसे जैसे ये दिन करीब आते जाएंगे ये बीमारी हमसे दूर होती जाएगी। एक आयत में आप तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा, आप बराए मेहरबानी इस आयत को ध्यान से देखिए, सुनिए। मकाशवा की किताब उसका 8वां बाब और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत, 5वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मकाशवा की किताब उसका 8वां बाब पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक मैं आपके लिए तलावत करूंगा। बराए मेहरबानी आप इसको लफज ब लफज, हरफ ब हरफ ध्यान के साथ सुनिएगा कि कलाम खुदा इस वक्त से क्या फरमाता है। कलाम खुदा में लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और आधे घंटे तक जब 7वें फरिश्ते ने अपनी जो मोहर, 7वीं मोहर जब खोली गई है तो आधे घंटे तक आसमान में क्या रही है, खामोशी। और आज आप इस खामोशी को गौर से महसूस कर सकते हैं जी। हमारी प्यारी मोहतरम, हमारी मैडम, मैडम साइमा आशर, वो हमें देख रही हैं। मैडम, हम आपको वेलकम कहते हैं इस ट्रांसमिशन में जो आप देख रहे हैं, और हम आपके लिए भी शुक्रगुजार हैं, आपकी फैमिली के लिए, अपने सर के लिए और बच्चों के लिए। खुदावंद आपके साथ हो जी। मैडम साइमा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हमारा दिल बड़ी खुशी से मेरा इस वक्त भर गया है, हमारा सबका, कि आपने भी हमें देखा, देखना शुरू किया है। सो मैं आप तमाम नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि जिस सेमिनरी से हम तीनों खुदावंद के खादम तालीम याफ्ता हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब आली जनाब आशर शहजाद साहब और हमारी प्यारी बहन मिसेज साइमा आशर, इन्होंने बच्चों को, जितने भी हम वहाँ पर स्टूडेंट्स थे, सिर्फ इन्होंने पढ़ाया ही नहीं बल्कि माँ बाप की तरह इन्होंने हमारी तरबियत की, और माँ बाप की तरह हमें इन्होंने पाला है, और बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है। जी जी बिल्कुल भाई साहब जी। और हम बात कर रहे थे मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब उसकी पहली आयत पर, कि जब 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और इस खामोशी को आज आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दुनिया के बेशुमार लोग, पादरी साहब ये बात कर रहे हैं कि देखें, दुनिया में बेशुमार मजाहब हैं और हर मजहब का अपना अपना माबूद है, अपना अपना खुदा है, अपना अपना रब है, तो क्या किसी एक सकता है, तो क्या आसमान के सारे खुदा उससे नाराज हो गए? स्पेन की परसों एक वीडियो कल परसों मैंने देखी है, जिस पर बार बार इस बात पर तस्करा किया जा रहा, दिखाया जा रहा था कि रोड पर लोग जो है सजदे में गिरे हुए, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स उस वक्त वो उस रोड पर मौजूद था, और सबके सब सजदे में गिरे हुए थे, और वो खुदा के हुजूर में ये फरियाद कर रहे थे कि खुदा। और ऐसा नहीं लग रहा कि अब वो खामोशी का जो दौर है ना, ये वो नजर आ रहा है, वैसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वही है, लेकिन ये सेम वैसा ही है कि आधे घंटे तक जब आसमान में खामोशी छाई रही है, छाई रहेगी। और उसके बाद दूसरी आयत में लिखा है, मकाशो की किताब उसका 8वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर तीसरी आयत में लिखा है, फिर एक और फरिश्ता, उन 7 फरिश्तों के ये अलावा है जो फरिश्ता है, फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मकदसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है, और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदावंद के सामने पहुंच गया। अब जितनी भी हम दुआएं कर रहे हैं पादरी साहब, जितनी भी खुदावंद के हजूर दुआ करते हैं, सब ईमानदार खुदावंद को पुकार रहे हैं, सब ईमानदार जो मसीह यस्सू पर ईमान रखते हैं, मसीह यस्सू का वास्ता देकर खुदावंद के हजूर दुआ करें, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं जी। ये सारी दुआएं जब खुदावंद के हजूर पेश की जाएंगी, पेश की जाती हैं, खुदावंद के हजूर सुनी जाती हैं, तो खुदावंद खुदा हमें बहाल करता है। और ये वक्त है कि हम घरों में हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलकर दुआ में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। और ज़बूर की किताबें भी लिखा है कि खुदावंद कहते हैं कि तेरे आंसुओं को मैंने अपने मशकीज़ों में भर लिया। तो ये जब आहों और आंसुओं के साथ खुदावंद की उसमें दुआ करते हैं, तो एक भी दुआ
रायगढ़ नहीं जाएंगे वापस, फिर हम काशफा के पहले बाप की तरफ आएंगे जहां से हमने इसको शुरू किया था, हमने इसका सन तस्नीफ और मुसन्नफ के मुताबिक देखा जी वहां पर। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत से जो देखने वाले हैं उनका ये मैसेज आ रहा है कि वीडियो जो है बीच में उनको शो नहीं हो रही, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त फेसबुक सर्वर जो है पूरी दुनिया में वो डाउन है, इस वक्त वीडियो नहीं पहुंच पा रही। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल को ऑन करें और उसे रीबूट करें या रीस्टार्ट करें, जब आप रीस्टार्ट होकर दोबारा वापस आएंगे तो ये वीडियो आप। हमारे भाई हैं अदीम असलम, उन्होंने ये मैसेज करके बताया कि फेसबुक सर्वर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में डाउन है क्योंकि बहुत से लोग जो है उसको देख रहे हैं। जी भाई साहब आप बात कर रहे थे। अब हम जैसे कैप्शन में भी आप देख सकते हैं कि हमने वहां पर लिखा है कि जो रेवोल्यूशन के पहले दो चैप्टर्स हैं हम उनको जरूर देखेंगे, स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने बड़ी तफसील के साथ देखा और भाई फरहान अनूस भी हमारे साथ थे, बड़ी खूबसूरत बातें उनके साथ शेयर की गई। तो अब हम इसको पहले बाप को अब देखते जाएंगे और साथ जैसे कमेंट्स आते जाएंगे हमारे साथ रेस्ट आती जाएंगी उनको भी हम साथ साथ लेते जाएंगे, लेकिन हम इसको बकायदा थोड़ा सा वेट कर लें अगर के ये जी ठीक हो गया जो जी, सर्वर ठीक हो गया बेटर हो जाए मैसेज आ गया ठीक है। तो इसके टोटल 22 अबवाब हैं और इसमें जो कुल आयात वो 404 हैं मुकाशफा की किताब में, और इसकी जो पहली आयत है उसको यहाँ पर मैं यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाएं जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। और दूसरी आयत जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत थी। और तीसरी आयत भी यहाँ पर पढ़ता जाऊँगा, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं क्योंकि वक्त नज़दीक है। जी पादी साहब जी ये खुदावंद का पाक कलाम है, इसमें जैसा हमने ऊपर लिखा कि टाइटल जो है वो यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा है, लेकिन दर हकीकत ये यीशु मसीह का मुकाशवा है जैसा इस किताब के पहले बाब की पहली आयत में भी। और पादरी साहब इसमें ये बता रहे थे कि चौथी सदी ईस्वी में इस बात का ये शुरू हो गया, पहले इसका नाम अकेला मुकाशवा ही मुकाशवा था और यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा कहा जाने लगा क्योंकि रसूल ने इस किताब को तहरीर किया है। और यूहन्ना जो है यूहन्ना और याकूब ये दोनों भाई हैं और इनके वालिद का नाम जबदी और इनकी माँ का नाम सलोमी है, और सलोमी मसीह यसु की जो माँ मरियम है ये उसकी बहन है, और अलिशबा इनकी बहन है, ये तीनों बहनें हैं। और अलिशबा के शौहर का नाम जिक्रिया है जो जिक्रिया काहिन भी है, और इनका जो बेटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और मरियम हम सब जानते हैं कि वो यसु मसीह की माँ है। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशवा जो खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और ये वही बातें हैं जिनका जल्द होना जरूर है जो खुदावंद ने फरिश्ता की मार्फत खुदावंद ने एक फरिश्ते की मार्फत यूहन्ना तक पहुंचाई ताकि वो इन बातों को कलमबंद करे, तहरीर करे। अभी भाई फरहान के साथ हम मौजूद थे और इस बात पर हम देख रहे थे कि जिस जगह पर खुदावंद का बंदा कैद था बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी, वो पतमस का जजीरा बड़ा खतरनाक जजीरा था और कैदियों को वहां पर भेज दिया जाता था ताकि वो डर खौफ उससे बच जाएंगे, तो किसी जंगली हयात से किसी सांप के काटने से किसी बिच्छू के काटने से। अब पाशा मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि चूंकि ये लोग एक जजीरे पर एक टापू पर ये कैद किए जाते थे जो बड़े ही जिनको संगीन सज़ा देना होती थी, पितमस का जजीरा जो है वहाँ पर इनको कैद किया जाता था, और उस जगह को सांपों का घर भी कहा जाता था, बिच्छुओं का घर भी कहा जाता था, मौत का घर भी कहा जाता था, और वहाँ पर इन लोगों को कैद किया जाता था। अब देखने की बात या समझने की बात यह है कि अगर यूहन्ना आरफ वहाँ पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा है तो अपनी राइटिंग्स किस तरह दुनिया में भेज रहा है, ये वहाँ पर कोई किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी बिल्कुल नहीं। और वहाँ पर भी रोमी जो फौज थी वो तैनात रहती थी कि कोई वहाँ पर आ जा ना सके, और उस जजीरे की तरफ जो रास्ता जाता था वहाँ पर भी जो फौज थी वो तैनात रहती थी कि कोई कश्ती भी उस तरफ को जा ना सके कि कहीं से उनको बचा ना ले और कहीं से वो उनको कोई भगा ना ले जाए। लेकिन जो कश्तियाँ और कैदियों को लेकर वहाँ पर जाया करती थी उनके ज़रिए से ये राइटिंग्स जो हैं ये बाहर आई जी।
और उनके जरिए से लोग एक दूसरे का हाल दरियाफ्त करते थे और बताते थे कि मेरे घर वालों तक ये खबर पहुंचा देना कि अभी तक मैं जिंदा हूं, या वहां से वो खबर ली जाती थी कि फलां शख्स मर गया है और उसके घर को अतला दे दी जाती थी या उसकी लाश उसके हवाले कर दी जाती थी। और पाजी साहब, इस बात का इसलिए भी होना ये जरूर था क्योंकि दानियल नबी के सीफा में जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा था कि इस किताब को सरबा मोहर कर दे, बंद कर दे, बंद कर अखीर जमाना तक। और हम देखते हैं कि ये किताब फिर जब मुकाशफा का वक्त आया, जब ये लिखी जानी, तब इन सारी बातों को वहां पर खोल कर बयान दानियल की किताब में पाजी साहब जब हम पढ़ते हैं तो खुदावन के बंदे ने कहा कि दानिश अफजू होगी जी, और वो अकल जो है वो बढ़ेगी। और योना जो है योना आरिफ वो जब इन बातों को बयान कर रहा है तो वो मसीह यसु के साथ रहा है, और मसीह यसु शायद अगर वो मसीह यसु के साथ रहा ना होता तो वो मसीह यसु को कभी समझ ही ना पाता। और लिखा कि जब उसने देखा तो वो मुर्दा सा होकर उसके कदमों में फरिश्ता जो उसको खुदावन के कलाम में जब हम इसको पढ़ते हैं, अभी जो आयत आपने बयान की खास तौर पर मैं चाहूंगा कि तीसरी आयत ठीक है कि इस नबूत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। अब दानिश अफजू जब होगी तो फिर उसमें अफजू होने का ये मतलब नहीं कि धड़ाधड़ किताबें लिखी जाएंगी, बल्कि कलाम में ये भी लिखा है कि उसके पढ़ने वाले, सुनने वाले और तीसरी बात की उस पर अमल करने वाले वो मुबारक है। तो ये वो शख्स है जिसने खुदावन यसु मसीह को अपनी आंखों से देखा था। तो दानिश अफजू इसलिए भी हुई कि ये यसु मसीह की शख्सियत से वाकिफ है, ये यसु मसीह से वाकिफ है, वरना शायद उस टापू में जहाँ पर ये अकेला था, उस जजीरे में जहाँ पर ये अकेला था, शायद वहाँ पर अकेला जब इंसान को छोड़ा जाता था तो वो ज़हनी अज़ियत में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो अज़ियत में सोच सोच कर ही मर जाता था। तो जब खुदावन ने इससे कलाम करना शुरू किया तो ये चूंकि खुदावन यसु मसीह के साथ रहा, इन बातों से वाकिफ था, दानिश हिकमत और अकल इसमें थी, तो इन बातों से परेशान नहीं हुआ बल्कि इसने इन बातों को खोलना शुरू किया जो उस वक्त दानियल की किताब में बंद कर दी गई जी। और पार्षद देखें पहली आयत के जो आखिरी हिस्सा में देखें, वहां पे लिखा है कि ये बातें अपने बंदों को बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, जल्द होना जरूर है क्योंकि वक्त नजदीक है। और यकीनन अगर आज इन सारी बातों को हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में देखें, जैसे हम गुज़श्ता दिनों से बात करते आ रहे हैं, ये बातें वक्त के साथ साथ किस तरह तेजी के साथ पूरी होती हुई नजर आ रही है। पास्टर साहब, आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? हाँ जी, पादरी साहब, जल्द होना जरूर है। और खुदावंद के पाक कलाम में तो मैं पहले भी ये बात बता रहा था कि अगर खुदा किसी जगह पर देर करता है तो वो हमेशा तहम्मल के लिए और इंसानों की भलाई के लिए देर होती है जी। और हम नूह की कश्ती के मतलब भी नए अहदनामा में पढ़ते हैं कि जब खुदा तहम्मल करके ठहरा रहा, खुदा तो मेरे जी जो सब्र करता है, खुदा तो तहम्मल करता है इसलिए कि वो हमें वक्त देता है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, हम अपना जो खुदा के साथ ताल्लुक है उसको खूबसूरत बना लें, उसको मजबूत बना लें, उसको बेहतर बना लें। तो ये इसकी तरफ इशारा है जी। और अब हम आगे बढ़ेंगे चौथी आयत की तरफ कि यूहन्ना की जानिब से उन सात कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन सात रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। अब यहाँ पर पादरी साहब चौथी आयत में हम देखते हैं कि उन सात कलीसियाओं का नाम लिया गया है जो कहाँ पर हैं, आसिया में है, एशिया। और जब आसिया या इसको हम जैसे पादरी साहब अभी बात कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको हम जुग्राफिया लिहाज से देखते हैं तो ये एशिया, एशिया कोचक भी जिसे कहा जाता है, तो ये वो इलाका बनता है। और उस वक्त में कहा जाता है कि जब खुदावंद ने ये बातें अपने बंदा योहन्ना को बताई, दिखाई और सिखाई, उस वक्त ये सात कलीसियाएं रोए जमीन पर मौजूद थी और ये सात चर्च उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, वहां एग्जिस्ट करती थी और कायम हो चुकी थी, और इन कलीसियाओं में वहां पर खिदमत का काम जारी था। इसलिए तो हम आगे जाकर देखते हैं कि बड़ी तफसील के साथ इफिसस, स्मरना, पर्गमन, थवातीरा, सर्दीस, फिलदिल्फिया और लुदिकिया जो कलीसियां हैं, इन कलीसियाओं के मुतालिक तफसील के साथ एक एक बात बयान की गई है, बताई गई है। इसका मतलब है कि उस वक्त ये चर्च, ये कलीसियाएं मौजूद थी और जो बातें उनमें मौजूद थी उन बातों की निशानदही की गई है। तो एशिया में, जैसे आज बड़े आजम एशिया है, उस वक्त एशिया में ये सात कलीसियाएं मौजूद थी। और मौजूदा दौर के लिहाज से अगर ये इलाका देखा जाए तो ये तुर्की का जी, तुर्की का इलाका बनता है जो आधा भी यूरोप में और आधा पाजी साहब यहाँ पर ये भी बात हमारे नाजरीन को मैं बताना चाहूंगा कि
एशिया और अब का एशिया, जी जी दोनों में फर्क है। अब आज का जो एशिया है इसमें तुर्की इस एशिया का हिस्सा नहीं है बल्कि वो यूरोप का हिस्सा है, और तुर्की आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है, और तब लेकिन ये पूरा ही एशिया में था, और ऐसी जगह थी या ऐसा बरे आजम था जहाँ पर लोग आबाद थे। ये बाकी जितने भी बरे आजम जी ये सारे यहीं से एशिया से ही लोग ही गए और उन्होंने दूसरे जगहों पर जाकर ये दूसरे। परसों आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि लेकिन जब यहाँ मुकाशवा की किताब में देखते तो यहाँ आसिया से मुराद सारा बरे आजम एशिया नहीं है, जैसे आज हम देखते हैं बरे आजम एशिया तो बहुत बड़ा जी जी बरे आजम है, बल्कि एक सूबा है जो एशिया कुछ के मगरब में था जिसका मौजूदा नाम तुर्की है, तब एक मतलब ये एक सूबा था मौजूदा इसका नाम, जैसे गलील कौम बनी इसराइल में गलील सूबा भी है और गलील एक शहर भी है। और भाई साहब ये बड़ा अहम है जो अभी आपने जिस आयत के बारे में बताया, चौथी आयत और पांचवी आयत, खुदावंद का बंदा ये बयान करता है, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। सात कलीसियाओं को जब हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में, कलीसिया में बहुत से ऐसी कलीसियाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उस वक्त में खुदावंद की फजल की जरूरत है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसार इसानियों को जो मुसीबतों को यीशु के नाम पर बर्दाश्त कर रहे हैं उन्हें उस वक्त में इत्मीनान की भी जरूरत है। और खुदावंद का मतलब बड़ी अच्छी बात कहता है कि तुम्हें फजल भी मिले और इत्मीनान भी मिले, ये दोनों चीजें इसके बारे में बताता है। पर सब इस यहाँ पर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब आपने सात कलीसियाओं को जिक्र किया है तो तवारीख के एतबार से जब कुतुब को पढ़ते हैं और माजी में हम जब झांकते हैं तो बताया जाता है कि सिर्फ सात कलीसियाएं वहां पर मौजूद नहीं थी, और भी कलीसियाएं वहां पर मुखातिब भी नहीं किया गया, मुखातिब सिर्फ इन कलीसियाओं को किया गया है, और ये बताया जाता है कि वहां पर और भी कलीसियाएं वहां पर मौजूद थी। अब मैं चाहूंगा कि पादरी साहब थोड़ा सा वक्त जो है हम इस बात पर सर्व करें लफ्ज सात पर, जी पादरी पीटर साहब आप इसके मतलब क्या कहना चाहते हैं? पादरी साहब जब हम अदाद को देखते हैं, नंबरोलॉजी को देखते हैं, तो सात का अदद कामलियत का अदद है। मैं बाकी तमाम अदाद की तशरीह में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त महदूद होता है, लेकिन वो आप जरूर बताएं कि किसी रोज हम जरूर जी किसी रोज हम जरूर उस पर ये सीखेंगे कि अदद जो एक अदद है उसका खुदावंद की बाइबल में खुदावंद के पाक कलाम में, और दो तीन चार पाँच छः, लेकिन जो सात का अदद है ये कामलियत का अदद है। सात का अदद इसलिए भी कामलियत का अदद है क्योंकि जो दिनों जमानों का इम्तियाज है वो खुदावंद का पाक कलाम ही हमें सिखाता है, और ये एक से लेकर सात तक की जो गिनती है पादरी साहब ये सबसे पहले पैदाइश की किताब में हमें नजर आती है, जब खुदावंद खुदा ने पहले दिन बनाया, दूसरे दिन बनाया, तीसरे दिन तखलीक की, चौथे दिन की, और फिर सातवें दिन को उसने बरकत दी और आराम किया। इसलिए भी सात का अदद जो है ये कामलियत का अदद, और सात का अदद जो सातवां दिन है वो खुदा का है, वो के यीशु मसीह ने आकर कहा कि इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। और परसों मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मुकाशवा की किताब में सिर्फ जो लफ्ज सात है ये 54 times ये मुकाशवा की किताब में इस्तेमाल हुआ, और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस हिंसे की अहमियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और मुकाशवा की किताब में आप देखें कि सात कलीसियाएं, सात चिरागदान, सात सितारे, सात मोरें, सात नरसिंगे, सात गर्जे, सात प्याले, सात आपने, सात फरिश्ते, और ये सात रूहें ये खुदा के जो तख्त के सामने है। तो सात का जो अदद है वो जैसे आप बता रहे हैं कि बड़ा अहमियत परफेक्ट होना, आखिरी किताब में मुकाशवा की किताब में ये लफ्ज तकरीबन 54 times आया है, और जैसे पादरी साहब आप बता रहे थे कि ये लफ्ज जो है खुदावंद के कलाम में पैदाइश की किताब में भी सात जो सातवां सात का जो अदद है बड़ा अहम है क्योंकि खुदा ने सातवें दिन सब कामों को मुकम्मल कर लिया, तो ये अदद कामलियत का अदद है। और उसके साथ साथ जब हम पिछले छः दिनों पर गौर करते तो खुदा ने वहाँ पर काम किया और सातवें दिन खुदा ने आराम किया, और उसके बाद जब हम खरूज की किताब में देखते हैं तो शरीयत में खुदा ने उसको पाक या सब्बत कर दिया है, वो भी भाई साहब यहाँ पर सात रूहों का जिक्र है। यशाया, मैं चाहूंगा कि पादरी साहब आप जरूर इस हवाला को नाज़रीन के सामने पढ़ें, यशाया 11वां बाप और पहली तीन आयात में जहाँ पर वो सात दोबारा जरा एक दफा बता दें, यशाया नबी का सहीफा 11वां बाप जी जी और उसकी पहली तीन आयात, हाँ जी यशाया नबी का सहीफा मेरे साथ जरूर निकालिए जो तमाम सुनने वाले हैं ताकि हम इन सात रूहों को जान सकें, ये जो सात रूहें खुदावंद के हजूर खड़ी रहती हैं। ये कौन सी यशाया नबी का सहीफा और उसका 11वां बाप उसकी पहली तीन आयत, 11वें बाप की पहली तीन आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और
इन पर गौर करेंगे। कलाम में लिखा है, हवाला हम सबका जाना पहचाना है, और यसी के तने से एक कौम्पल निकलेगी, उसकी जड़ों से एक बाराबर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा और अपनी ज़मीन के अपनी ज़ुबान के असासे ज़मीन को मारेगा। तो पहली तीन आयत के अंदर हमें इन सात रूहों का जिक्र मिलता है, और मुकाशवा की किताब में पैसा जब हम इसको पढ़ते हैं कि जिसके हाथ में जिसके पास सात रूह हैं, तो ये बड़ा अहम है। और ये यसी की तरह से जो कॉम्पल निकलेगी ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा गया, और यसी हम दाऊद बादशाह के वालिद का नाम है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो पैसा सात रूहें मसीह यीशु के लिए पहले जिक्र था, और यहाँ पर आकर दोबारा फिर वो यूहन्ना आरफ जाहिर करता है उसके हाथ में सात। मैं इनको गिने देता हूँ ताकि हमारे जो सुनने वाले नाज़रीन हैं, पादरी साहब ने जो हवाला यसाया नबी का सीफा उसके 11वें बाब में से इन सात रूहों के मतलब पढ़ा है, जिनका जिक्र मकाशवा की किताब पहले बाब में किया गया है कि सात रूहें हैं जो खुदा के तख्त के सामने खड़ी रहती हैं, और पादरी आर्थर साहब ने इस आयत को तलावत किया कि वो सात रूहें कौन सी हैं। तो मैं उन सात को भी आपके सामने गिनवाना चाहता हूं ताकि हम इसको गिन भी सकें कि वो पूरी हैं। यसाया नबी का सीफा 11वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, ये दो हैं, हिकमत और खिर्द, और खिर्द दो हो गई, और मसलहत और कुदरत की रूह चार हो गई, और मार्फत की रूह पांचवी है, और खुदा के खौफ की रूह छठी है, और लिखा है कि वो अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, ये सातवीं रूह है। जी हिकमत, खिर्द, मसलहत, कुदरत, मार्फत, खौफ और इंसाफ। जी ये सात अरवाज जिनका यहाँ पर जिक्र है, और ये खुदावंद यीशु मसीह पर ठहरेंगी, और ये ताल्लुक़ रखती हैं अब जब दोबारा खुदावंद यीशु मसीह फिर इस दुनिया में आएंगे, हुकूमत करेंगे, और उसी ताल्लुक से। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को, जो इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि ये हम कोई हमारी अपनी तशरीह नहीं है। क्यों पादरी साहब? जी बिल्कुल, हम दुनिया के बेशुमार जो आलमीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं जो कलाम मुकद्दस की बातें हम आपको बता रहे हैं। ये कोई हम तीनों यहाँ पर बैठकर कोई अपना नुकता नज़र नहीं पेश कर रहे हैं, अपनी कोई नई बात, बल्कि ये वही बातें हैं जो किताबों में भी लिखी गई हैं, जो उल्मा से हमने सीखी हैं, सुनी हैं, अपने उसातज़ा से सीखी हैं, ये वही बातें। और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि जब यीशु वापस इस ज़मीन पर हुकूमत करने आएंगे तो खुदावंद की रूह उन पर ठहरेगी, यानी मसा करेगी। और इसका जिक्र यहाँ सात गुना है, खुदावंद की रूह, हिकमत की और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा के खौफ की रूह। तो ये सात अरबा जिनका जिक्र हमने यहाँ पर देखा। पादरी साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि जब हम सुलेमान के बारे में देखते हैं, जब सारी रात उसने जबून में कुर्बानियाँ की, कुरान में लिखा खुदावंद आया, खुदावंद से पूछा कि तू मांग मुझसे क्या मांगता है, तो उसने एक चीज़ मांगी कि खुदावंद मुझे हिकमत दे दे ताकि मैं इस कौम का इंसाफ करूँ, और उसकी हिकमत के का जो इकरार है वो यहूदी भी इस मजहब इस्लाम के मानने वाले, सभा की मलका उसने भी किया, और आज के दौर तक सब लोग करते हैं कि उसमें इतनी हिकमत थी, उसका एतराफ करते हैं। और आप ये अंदाज़ा करें कि जहाँ पर सात एक रूह है, एक खूबी है उस रूह की कि हिकमत उसको बख्शी गई है, जहाँ पर ये सात होंगी वो क्या चीज़ या वो क्या बात होगी, कितनी अहम बात है जिसके पास सात रूह हैं। तो ये सात रूहें हिकमत, खिर्द, मेरे ख्याल से ये खुदावंद यीशु मसीह के पास जो रूह हैं, इसके बायस ही खुदावंद इन कलीसियाओं से और जो उसके बाद कलीसियाएं कायम हुई, जब से बात की खुदावंद हिकमत से, खिर्द से, मसलहत से, खौफ, खुदा के खौफ की रूह, कुदरत, इंसाफ से, खुदावंद इन सब चीज़ों को पहले से जानता है। और खुदावंद के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो उसका कलाम जो है वो हमारे दिल पर जब असरअंदाज होता है, तो उसके असरअंदाज होने से ही हमें खुदावंद ये जान जाता है, खुदावंद ये पहचान जाता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। और ये सात रूहें मेरे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं, ये सात रूहें बनी नो इंसान के लिए हैं, उनकी उसकी भलाई के लिए बिल्कुल,
वरना खुदा को क्या जरूरत है सात सात रूहें आठ आठ रूहें या तीन रूहें। और भाई साहब मैं इसमें इस बात को भी बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें इंसान को समझाने के लिए हैं। यहाँ पे खुदावंद सिर्फ यही अगर कलाम में लिख देता कि जो सब कुछ जानता है तो खुदावंद ने सात जो एट्रीब्यूट्स हैं या सात खसूसियात बताई हैं। मतलब ये है उन सात रूहों का, सात रूहों का मतलब ये है कि इंसान समझ सके। और पर सब ये अलामती जुबान है इंसान को इंसान की जुबान में समझाने के लिए कि ये सात रूह, ये सात रूह हैं। तो इस तरह से जैसे हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि देख मैं दरवाजा हूँ और उसका कान भारी नहीं हो गया, दरख्त में ये सारी चीजें हो गया और बहुत सारी ऐसी चीजें खुदावंद ने यूज की ताकि इंसान को इंसान की जुबान में और ऐसी चीजों के साथ मिसाल देकर समझाया जा सके ताकि उन बातों को समझ सके और जान सके। और अगली आयत में वहां पर जो यसु मसीह के लिए अलकाबात है लिखा है कि पहली सच्चा गवाह मुर्दों में पहला फल या पहलोठा और तीसरी दुनिया के बादशाहों पर हाकिम। सच्चा गवाह, दूसरा मुर्दों में पहला फल या पहलोठा और तीसरी बात यहां पर लिखा है कि दुनिया के बादशाहों पर हाकिम। पादरी साहब मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस पर थोड़ी रोशनी डालें, मुर्दों में पहला फल या पहलोठा इसका मतलब क्या है? देखिए पादरी साहब, दुनिया में जो सबसे बड़ा मौजजा हुआ जी वो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है। हालांकि कौम बनी इसराइल के नज़दीक मुर्दों में से जी उठना, जब यीशु मसीह ने भी मुर्दों को जिंदा किया तो वो बहुत ज्यादा हैरान नहीं होते थे। बिल्कुल यीशु मसीह के मुर्दों में से किसी को जिंदा कर देते थे तो वो बहुत ज्यादा हैरान नहीं होते थे, क्योंकि कौम बनी इसराइल तो पहले भी इन मौजजात से वाकिफ थी। उस कौम बनी इसराइल में तो पहले भी ऐसे मौजजात होते थे। आप नाज़रीन को बताएं किस किस नबी ने मुर्दों को जिंदा किया। जी खुदावंद यीशु मसीह से पहले भी अलीशा ने और फिर उसके बाद नए अहदनामा में हमें पौलुस रसूल के लिए हम देख सकते हैं जी जिन्होंने आगे जाके जिंदा किया है। जब मैं इमाल की किताब में, भी किताब में तो बताने का मतलब यह है कि जब यीशु मसीह किसी मुर्दे को जिंदा कर देते थे, लाजर को जिंदा किया है, एक लड़के को जिंदा किया है, यायर की बेटी को जिंदा किया है, तो वो इतने हैरान नहीं होते थे। ये तो सिर्फ चंद एक जिक्र है जो कलाम मुकद्दस में बेशुमार लोगों को मसीह यसू ने जिंदा किया होगा या शिफा याब किया होगा, सेहतमंद किया होगा, तो ये चंद एक ही उसका जिक्र मिलता है। लेकिन वो इतने हैरान नहीं होते थे क्योंकि वो तो पहले भी इस बात को जानते थे कि खुदा की कुदरत और कुव्वत जब किसी नबी के पास होती है, किसी शख्स के पास वो बरकत या नेमत होती है, तो अगर वो मुर्दे को भी छू दे तो वो भी जिंदा हो सकता है। लेकिन यसु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, जो पहलौठा जो टाइटल यीशु मसीह को दिया जाता है या मिलता है या होता है, वो इसलिए है कि यीशु मसीह को किसी ने जिंदा नहीं किया ना, बिल्कुल किसी नबी ने जिंदा नहीं किया। अब किसी ने जाकर उसे जगाया नहीं, किसी ने जाकर उसे उठाया नहीं, बल्कि वो खुद ही तीसरे दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा कुदरत के साथ, कुवत के साथ, जैसे कलाम मुकद्दस हमें बताता है। रसूलों के कीदा में भी हम ये अक्सर दोहराते हैं कि आसमान पर चढ़ गया, उठाया नहीं गया। और क्रंथियों के क्रंथियों के खत में भी पौलुस रसूल कहता है कि हालांकि हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, हालांकि नहीं जलाया। अब देखें कि वो डिफरेंस लग रहा है कि हम कहते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है और पौलुस रसूल ये लिख रहा है कि हालांकि खुदा ने मुर्दों में से यीशु मसीह को जिंदा नहीं किया। उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह तो मेरे जीजो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस एक ही खुदा है जी। और यीशु मसीह तो खुद ही अपनी कुदरत के साथ जी और सबब से इसमें पहलौठा होना, जब हम खुदावंद के कलाम में इसको देखते हैं तो बहुत मुर्दे जो है हमें पुराने अदामों में जिंदा होते हुए मिलते हैं, अलीशा ने और एक नबी जो उसकी हड्डियों के साथ भी तो वो और यहाँ तक के जब खुदावंद यीशु मसीह ने स्लीपर जान दी तो उस वक्त भी कलाम में लिखा कि बहुत से मुर्दे जब भूचाल आ गई और वो लोगों ने मुकद्दस शहर में दाखिल होते हुए नजर आए। मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा है और पहला फल है पहलौठा है। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर जो लिखा है कि पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, ये वो है जो उसके बाद मरा नहीं, जितने भी जिंदा हुए हैं। ये भी खूबसूरत बात है, वो इंसानी वो जितने भी जिंदा हुए हैं, वो यायर की बेटी थी, वो लाजर भी चार दिन के बाद सब लोग मरे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो है जो जिंदा उस वक्त अपनी कुदरत से हुए और उसके बाद आज तक वो जिंदा है। और हमारा ये ईमान है कि वो बाप के दाहिनी तरफ जिंदा मौजूद है जी। और यहाँ पर सच्चा गवाह भी खुदावंद यीशु मसीह को एक लकब दिया गया है। सच्चा गवाह इस तरह से हम देखते हैं कि सच्चा गवाह पारी साहब वो होता है जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के सच्चाई के साथ गवाही देता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो किसकी गवाही देने के लिए आए, वो बाप की गवाही देने। और यूहन्ना की इंजील में भी हम इसको पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो गवाही मैं देता हूँ वो सच्ची है क्योंकि मैं अपनी नहीं बाप बल्कि बाप
की कहता हूँ, बाप की तरफ से कहता हूँ, और वो इसलिए भी सच्चा गवाया कि जो कुछ उसने कहा वो आज भी कायम है, और खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान के अल्फाज हैं कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। जो गवाही खुदा यीशु मसीह ने दी वो सच्ची थी, सच्ची है, और आइंदा आने वाले ज़मानों में जब तक कलाम को पढ़ा जाएगा, जब तक खुदा यीशु मसीह की लाइफ के बारे में बात की जाएगी, वो गवाही सच्ची थी, है और हमेशा रहेगी। और इसके लिए एक हवाला मैं नाज़रीन के सामने पढ़ना चाहूँगा, योना की इंजील उसका 7:7 में लिखा है, दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। बुरे हैं। तो यहाँ पर बड़े वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का इशारा दिया। अभी पादरी साहब, आप इस इबादत के आगाज में आप हवाला पढ़ रहे थे जबूर की किताब का 77 जबूर, वहां पर भी दाऊद ये फरमाता है कि तू हमें फिर से जिंदा करेगा। जी, तो तीसरा यहाँ पर जो टाइटल खुदावंद यीशु मसीह को लकब दिया गया कि दुनिया के बादशाहों पर हाकिम, जी सुपीरियर सबसे। हाँ जी, तो पर सब खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि बादशाहों, उसकी रान पर ये लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह, बादशाहों और खुदावंद के पाक कलाम में 12 मरतबा हमें ये आयात लिखी हुई मिलती हैं कि हाकम का दिल खुदा के हाथ में है। और जब फिराउन के लिए हम देखते हैं तो वहाँ पर भी खुदावंद जब अपने बंदा मूसा को ये कहता है कि तू जा और फिराउन के सामने इस बात को बयान करके मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन ये भी लिखा है कि मैं उसके दिल को सख्त कर दूंगा। और दानियल नबी के सीफा में भी नबूकदनज़र भी इस बात का इकरार करता है कि अब मैं जान गया हूँ कि खुदा ही इंसान में होकर ममलकत करता है और सल्तनत। और पर सब यही सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ की बात किसके लिए, ये इब्लीस के लिए है कि वो ये नहीं चाहता कि खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया पर उसकी हाकमियत हो या वो हाकम आला हो, उसका इख्तदार हो, और वो शुरू ही से इस बात की तगोदों में लगा रहा है कि वो खुद इस हाकमियत को हासिल करे और खुद वो हाकिम बने। और इसके मुतालिक जो शायर मिल्टन है वो एक बड़ा मिल्टन वो बयान शैतान की इस हवस को वो इस तरह से बयान करते हैं कि जन्नत में खिदमत करने की बजाय दोजख में हुकूमत करना बेहतर है। ये उसने अपने लिए पसंद, जन्नत में खिदमत करने की बजाय कि दोजख में मैं हाकिम होऊंगा, मैं वहाँ पे सरबरा होऊंगा और मैं वहाँ पर लीडर होऊंगा। तो या उसकी हवस यहाँ उसने इस तरह से बयान किया कि शुरू से उसकी कोशिश है, जब से आदम रवा ने गुनाह किया तब से लेकर आज तक वो यही चाहता है कि हाकिम वो हो, लीडर वो हो। तो उसकी हवस को उसने इस तरह अपनी पोइट्री में बयान किया कि वो चाहता है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं जन्नत में खिदमत करूँ बल्कि मैं दोजख में क्या हूँ, हाकिम बन जाऊँ। जॉन मिल्टन की वो जब हम उस पूरी कहानी को पढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट, तो वो उसमें भी उसने, जॉन मिल्टन ने इसी बात को बयान किया कि बहुत से फरिश्ते जो गिराए गए उसमें ये भी फरिश्ता था, तो इसने इसलिए इसको कबूल किया ताकि वो उस हाकमियत को कबूल करे। और अबलीस को भी खुदावंद के कलाम में एक हाकिम के तौर पर बयान किया गया, लेकिन वो तारीकी का हाकिम है। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के बादशाहों पर, जो खुदावंद के कलाम में जैसे लिखा है, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। वो बड़ी बात, अच्छी बात पादरी साहब कह रहे थे कि बादशाह का दिल जो है वो खुदावंद के हाथ में। तो जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो लिखा कि आला हुकूमतें उसकी तरफ से, इट्स मीन कि वो एक सुपीरियर अथॉरिटी है, जो भी कोई चुनकर सामने इंसान या दुनिया लाती है, वो लाती तो दुनिया लेकिन उसके पीछे खुदा की मर्जी है, क्योंकि चुनने वाला इंसान नहीं बल्कि खुदा खुद होता है। और इस हवस जो अभी हमने बात की कि इब्लीस में ये इसको पूरा करने के लिए दुनिया के बादशाहों और हुक्मरानों, आपको याद होगा कि जब खुदावंद का बंदा मूसा फिराउन बादशाह के पास गया तो फिराउन ने वहां पर कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी आवाज़ को सुनकर मानूं और बनी इसराइल को जाने दूं। लेकिन बादशाहों का बादशाह एक मुकर्रर वक्त पर तारीख में मुदाखलत करेगा और तमाम दुनिया पर हुक्मरान होगा। और जैसे पर सब आपने थोड़ी देर पहले मुकाशवा की किताब में से हवाला पढ़ा और आपने एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज इस पर शेयर किया था कि जब सातवें नरसिंह फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और इसके मसीह की होगी और वो अब्दुलाबाद बादशाही करेगा। तो ये इस बात को सपोर्ट करता है कि जो हमारा निजात दहिंदा यीशु है वो दुनिया के बादशाहों पर हाकिम होगा। जी, और देखें जब यीशु मसीह इस दुनिया पर था तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब 40 दिन और 40 रात का फाका किया तो लिखा है कि तब आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, और उन तीन आजमाइशों में से एक आजमाइश ये भी थी, दुनिया की सारी शान शौकत दिखाकर तो वो कहता है कि ये मेरे इख्तियार में और जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ। और वाकई किसी ना किसी तौर पर, बल्कि खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया का सरदार कौन है, वो मेरे बाद दुनिया का सरदार आता है। जी,
तो वो देखें, इसके मुतालिक बहुत सी ऐसी बातें हमें वहां पर नजर आती है। सातवीं आयत पर हम चलेंगे। जी, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। बहुत ही जबरदस्त आयत, और ये खुदा यूसुफ मसीह के उस आमद के मुतालिक जब वो कलीसिया को लेने के लिए इस दुनिया में आएंगे उससे मुतालिक ये बात है कि देखो बादलों के साथ आने वाला हर एक आंख। आप इस चीज पर रोशनी डालें कि कैसे आज हर एक आंख खुदा यूसुफ मसीह को देखे। यही पादरी साहब कलीसिया की जिंदा उम्मीद है, जिसके इंतजार में कलीसिया जो है वो इस बात की मुंतजर है, जैसा खुदावंद के पाक कलाम में से आपने मकाशवा की किताब पहला बाब सातवीं आयत पढ़ी है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जी, कैसे आज के इस दौर में अगर बिलफर्स अगर इज़राइल वहां पर गुलाम यूसुफ मसीह की आमद होती है तो यहां पर हम कैसे देख सकेंगे, या अगर यहां पर होती है तो वहां पर कैसे, तो इसको थोड़ा समझाएं। पादरी साहब देखें, जो मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब है उसको नाजरीन आप जरूर पढ़िए, आजकल के अयाम में मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब जरूर पढ़िए। खुदावंत के कलाम में लिखा है कि जब तुम लड़ाइयां सुनो तो खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक्या होना जरूर है लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे, बंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। उस वक्त लोग तुमको एजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदियां में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपना असबाब लेने, घर का असबाब लेने नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटे, मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हूँ। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। अगर वो दिन घटाए ना जाते तो बशर ना बचता, मगर बर्गजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे उस वक्त। ये खास बात है जी जो आपने मकाशवा में से तलावत की है। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह, मसीह के बारे में भी ये कहा गया कि झूठे मसीह भी होंगे, सिर्फ नबी झूठे नहीं होंगे, झूठे मसीह भी, झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह से पहले ही कह दिया है। बस अगर कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना। अब वो तरीका कार बताया जा रहा है कि कैसे ये मुमकिन होगा कि हर एक आंख उसे देखेगी। देखो जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम की तरफ दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जी, बहुत सारे लोग पादरी साहब इसकी मुख्तलिफ तशरीहात करते हैं आज के दौर में कि शायद जब मसीह मुखालफ मसीह या मसीह यस्सु जब बादलों पर आएगा, तो चूंकि आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है तो बहुत सारे लोग मोबाइल पर देख लेंगे, हर एक न्यूज़ बन जाएगी, टीवी है तो वो टीवी पर देख लेंगे, वो ब्रेकिंग न्यूज़ में देख लेंगे। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद का पाक कलाम हमसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जैसे बिजली पूरब से पश्चिम की दिखाई देती है, जब वो चमकती है कूद कर जाती है जैसे दिखाई देती है, वैसे हर एक आंख उसे बादलों पर आता हुआ देखेगी, बादलों पर अपनी आंखों के साथ देखेगी, अपनी आंखों के साथ किसी किसी गैजेट से मकामी नहीं होगी, मीडियम यूज नहीं होगा उसके लिए, मकामी नहीं होगी, नादीदनी नहीं होगी। कलाम में लिखा कि हर आंख उसे देखेगी, आंख देखेगी मतलब है कि उसको सब कुछ नजर आ रहा होगा आसमान में, और शायद ऐसा वक्त भी होगा कि हर कोई जाग रहा हो और हर एक अपनी आंख से देख रहा होगा।
कलाम की बात तो यही है कि हर एक आंख उसे देखेगी, तो फिर जरूर है कि हर एक आंख। और पारसब पादी आर्थ सब थोड़ी सी रोशनी इस पर भी डालें कि जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे बेशक, आमीन। पारसब इसमें जमीन पर के सब कबीले जब हम खुदावंद के कलाम में इसको देखते हैं तो इसके लिए अभी पादी साहब ने बड़ा अच्छा हवाला जो मुकद्दस मत्ती की इंजील में से पढ़ा, और इसका जिक्र हमें मुकद्दस मत्ती की इंजील 24वीं बाब 30वीं आयत के अंदर मिलता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है मुकद्दस मत्ती की इंजील 24वीं बाब 30वीं आयत, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगी। ये सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो पादी साहब, मैं चाहूंगा कि आप पादी पीटर साहब आप एक हवाला जरूर पढ़ें इसी, ये एक पेशन गोई है जी जी, ज़करिया नबी की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत, जिस तरह से हम साथ साथ इन बातों को भी देख रहे हैं कि कलाम मुकद्दस में जो पेशन गोइयां खुदावंद यूसुफ मसीह से मुतालिक थी वो भी पूरी हुई। और शुरू में हमने एक यहाँ पर एक कोटेशन भी खुदावंद के खादिम की उसको कोट किया था, उन्होंने कहा था कि मुकाशवा की किताब जो है ये बाइबल मुकद्दस में इसको नाम दिया गया है कि एक अजीम स्टेशन का, हर एक सारी ट्रेनें यहाँ पर आकर रुकती हैं। तो पर सब जरूर इसको पढ़िएगा, ज़करिया नबी की किताब उसका 12वां बाब उसकी 10वीं आयत जी बाबा से बुलंद पढ़िएगा। ज़करिया नबी का सीफा उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजल करूँगा और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नज़र करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे जैसे कोई अपने इकलौते के लिए करता है और उसके लिए तलख काम होंगे। जी जिन आदमी देखा आपने यहाँ पर कि ज़करिया नबी की किताब में भी ये बात मौजूद है और इस तरह मत्ती की झील में भी और मुकाशवा में भी इस बात को वहाँ पर कोट किया गया है। सब इसमें बड़े अच्छे मुफस्सर हैं, इसकी तफसीर करते हैं विलियम मैकडोनल्ड, जब हम उनकी तफसीर को पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा कि उस वक्त में जो दुश्मन खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मन से मुराद वो जो आज खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला रहे और वो मसीह यीशु के हक में नाहक बुरी बातें कहते हैं, विलियम मैकडोनल्ड अपनी तफसीर में इस बात को बयान करते हैं कि उस वक्त उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, उनके मुंह जो हैं वो खुले के खुले रह जाएंगे और ज़मीन पर के सब कबीले जो हैं वो मातम करेंगे, छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? क्योंकि वो अपने दुश्मनों की अदालत, जिन्होंने परेशानी उठानी है उन्होंने तो छाती पीटना है, हाय हमने क्या किया, हाय हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि ईमानदार छाती नहीं पीटेंगे, वो मातम नहीं करेंगे क्योंकि उनके मातम के दिन गुजर चुके होंगे। और बड़ी अच्छी बात है पादरी साहब, इस वक्त में हम खुदा के खादम हैं, खुदा के लोग हैं, हमारे आंसू भी बहते हैं, हम कलाम सुनाने के लिए जाते हैं, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आओ, ये मातम के दिन, ये दिन जो गुजर रहे हैं ये ईमानदारों के मातम के दिन है, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने आना है तो फिर उसके दुश्मनों के जो उस पर ईमान नहीं लाए उनके मातम के दिन शुरू हो जाने हैं और हमारी खुशी जो है वो शुरू हो जानी, क्योंकि हमारी बरकत के और हमारी खुशी के दिन शुरू हो जाएंगे। कलाम में लिखा कि उसके जितनों जिन्होंने उसे छेदा वो सब छाती पीटेंगे, हमने उसे छेदा नहीं बल्कि हम उस छिदे जाने वाले मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं, हमारी खुशी के दिन और हमारी बरकत के दिन शुरू हो जाएंगे। पर सब यहाँ पर वाइस की किताब की आयत को भी कोट करूंगा, बहुत ही खूबसूरत आयत है, वहां पर लिखा है कि किसी भी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है। तो अब हम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं और कलाम में ये लिखा है कि किसी भी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है। आगाज भले अच्छा नहीं था, मुसाइब दुख तकलीफें परेशानियां हैं, लेकिन अब जब अंजाम की तरफ जा रहे हैं तो बतौर मसीही बतौर ईमानदार। पादरी साहब हमारे साथ ब्रदर लैरी चैम्बर्स मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश में बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, और वो हमें वॉच कर रहे हैं यूएसए से, वो पाकिस्तान विजिट भी कर लैरी चैम्बर्स वो हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ा सा इंग्लिश में बताएं कि हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है। ब्रदर लैरी चैम्बर्स वी वेलकम यू ऑन फेसबुक लाइव, वी आर लाइव हेयर फ्रॉम पाकिस्तान गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक ऑफ द रेवोल्यूशन। ओके जी भाई साहब, अब हम इससे अगली आयत जो है मैं चाहूँगा कि हम उस पर भी आएँ, और जब हम इस आयत को देखते हैं जो अभी हमने आयत देखी, इसमें हमने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखा कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो उनके आने से जो ज़मीन के सब कबीले हैं वो मातम करेंगे, लेकिन ईमानदार जो हैं वो इस बात के लिए खुश होंगे कि जो कुछ उन्होंने सुना, जिस पर उन्होंने अमल किया। जी पादरी साहब जरा बता दें। ब्रदर लैरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक ऑफ द रेवोल्यूशन एंड आल्सो टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लास्ट 7 or 8 days ऑन द टॉपिक ऑफ द कोरोना वायरस एंड द कंडीशन ऑफ द कोरोना वायरस एंड व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर एवर आवर होम्स और
इन लॉकडाउन पोजीशन जी। पादरी साहब, जैसा लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब यीशु मसीह का आना तो ऐसे जाहिर होगा कि जैसे बिजली पूरब से पश्चिम की तरफ कूद कर जाती है और हर एक आंख उसे देखेगी, लेकिन उसके साथ ही आयत का अगला हिस्सा पादरी साहब पढ़िए क्या लिखा है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उसे देखकर छाती पीटेंगे और जिन्होंने उसे छेदा था वो खुदावंद के कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील में स्पाई साहब कह रहे हैं, मुकाशवक्त किताब में से दोबारा पढ़ेंगे जी, लिखा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उससे देखेगी जी। और जिन्होंने उसे छेदा वो भी देखेंगे और जमीन के पर के सब कबीले उसके सवाब से छाती पीटेंगे। अब यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो जमीन के सब कबीले छाती क्यों पीटेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में तो लिखा है कि यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो हम जो हैं, जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह की दुल्हन है, यह हवा में उड़कर अपने दुल्हा का इस्तकबाल करेगी। अब बाकी लोग छाती क्यों पीटेंगे, क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद जब कलीसिया उठा ली जाएगी, यीशु मसीह जो दुल्हा के तौर पर दुल्हन को लेने आ रहा है, जब वो उठा लिए जाएंगे तो लिखा है उन दिनों की मुसीबत के बाद फौरन सूर्य तारीख हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुवतें हलाई जाएंगी और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक़्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बालों पर आते देखेंगी और नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। पादी साहब, ये बात जो ये और ये याद रखिएगा, ये जमीन के किनारे नहीं आसमान के सितारे किनारे बयान किया गया। Online. If you want to share something about coronavirus, you may comment us. Okay, भाई साहब, ये बात जो अभी पादी साहब ने भी आयत भी पढ़ी और अभी इस आयत को पढ़ते हुए जब पादी साहब इनको बता रहे थे तो मैंने एक बड़ी अहम बात यहाँ पर इस पर गौर किया और खुदावंद का रूह जो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है उसकी रहनुमाई में बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जमीन पर के सब कबीले, क्या ईमानदार ज़मीन पर मौजूद नहीं है? तो फिर क्यों कहा गया कि ज़मीन के कबीले? देखिए, खुदावन के कलाम हमें ये बयान करता है कि हमारी मिरास इस ज़मीन पर नहीं है। वो लोग जो इस ज़मीन पर रहते हैं वो इस ज़मीन के कबीले हैं, लेकिन हमारे जो मिरास है, हम जो ईमानदार हैं, हम जो मसीह हैं, हम इस ज़मीन के हैं ही नहीं, हम आसमान के वारिस हैं, आसमानी बादशाह के वारिस हैं। तो खुदावन के कलाम में लिखा कि ज़मीन के सब कबीले, हम ज़मीनी है ही नहीं। ईमानदार का जो उसका हिस्सा है वो आसमान पर है और खुदावन यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं जाता हूँ ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो हम चूँकि ज़मीन के नहीं, ईमानदार होते हुए हम ज़मीन के नहीं, तो हम छाती हरगिज़ नहीं पीटेंगे। हम ईमानदार होते हुए इस वक्त में खुश होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आ गया और उसने जो वादा किया था वो पूरा होगा। और यहाँ पर पादरी साहब, जो पहला बाप उसकी सातवीं आयत है, ये बहुत ही खूबसूरत, हम इस आयत को यूँ कंसिडर करें या माने या देखें कि किताब का मजमून ही ये उसका पहला को बादलों के साथ आने वाला है और बार बार बारह इस बात को यहाँ पर कोट किया गया है कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। और इस किताब का मजमून भी यही है कि यीशु बादलों पर आने वाला है। आठवीं आयत जब पादरी साहब हम इसको देखते हैं तो आठवीं आयत, अब पहले यूहन्ना आरिफ जो है वो बात कर रहा है, लेकिन जब हम आठवीं आयत खुदावंद के कलाम में देखते हैं तो कलाम में लिखा है खुदावंद जो है और जो था जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा ओमेगा हूँ। अब यूहन्ना आरिफ जो इस किताब को एक इंसान होते हुए तहरीर कर रहा है, अब वो अपनी नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की बात करता है कि अब वो क्या कह रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं जो है, जो था और जो आने वाला है, और वो अल्फा और ओमेगा है। इस बारे में पादरी साहब, अल्फा और ओमेगा की जरा तशरीह। और इससे पहले हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और पहली आयत हम जरूर नाज़रीन के सामने रखेंगे, जिसमें लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यहाँ पर लिखे खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, और खुदावंद अजल से बाप के साथ रफाकत में मौजूद है और उसी के मुतालिक यहाँ पर लिखा है कि जो था, जो है और जो आने वाला है। और यहाँ पर अल्फा ओमेगा की जब यहाँ पर बात की गई है तो यहाँ पर खुदावंद के जी पहली सात आयतों में जो सदाकतें बयान की गई हैं और आमदसानी का ऐलान किया गया है, आठवीं आयत इस बात पर मोहर कर देती है कि जो पहली सात आयात हैं
आठवीं आयत उन तमाम बातों पर यहाँ पर मोहर साबित कर देती है, उनकी तस्दीक की गई। यहाँ खुदा कादर मुतलिक बतौर खुदा बोलता है। मुकाशवा की किताब 22वां बाब और उसकी 13वीं आयत में मसीह खुदावंत के लिए इस्तेमाल हुए हैं, जो अलूयत का दूसरा अकनूम है। और यहाँ पर जो लिखा गया है अल्फा और ओमेगा, और पादी साहब हम जब सेमरीज में थे हम सब वहाँ पर पढ़ते रहे, और जब हम यूनानी हमें वहाँ पर पढ़ाई जाती थी सिखाई जाती थी, तो यूनानी जो हरूफ तहजी अल्फाबेट है उसका जो पहला वर्ड है वो अल्फा है और एंड वाला ओमेगा है, यानी शुरू भी खुदावंद है और आखिर भी खुदावंद है। जी पादी साहब, अव्वल और आखिर जी, इसका आसान लफ्ज जो उर्दू में अगर इसका तर्जमा करें, अव्वल और आखिर है। और पादी साहब ये बड़ा अच्छा है कि खुदावंद के लिए आला तरीन जो अल्फाज हैं उनका जखीरा भी काम है। अगर हम उसकी शख्सियत को बयान करना शुरू करें ना, तो वो बयान उसने ये कर दिया कि वही अल्फा है वही ओमेगा है, यानी मुकाशवा का अल्फा खुदावंद यसु है और उसका ओमेगा भी खुदावंद यसु मसीह है। और वो यूहन्ना और पहले, और यहाँ पर देखें कि परसब बड़ी खूबसूरत बात कि में वो खुदावंद यसु यूहन्ना रसूल पर जाहिर होते हैं और फिर उसके बाद आखिरी बाब में फिर यानी शुरू में भी वो उस पर जाहिर हुए और आखिर में भी उस पर वहाँ पर जाहिर हुए। इसी ने ज़मीनों आसमान बनाए और वो इन्हें बर्बाद करके नया आसमान और नई ज़मीन बनाएगा, वही इंसानी निजात का बानी और कामल करने वाला है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि वही अल्फा और वही ओमेगा है। जी उसके बाद हम नौवीं आयत की तरफ बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि हम जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे और आज शायद हम पहला चैप्टर ही मुश्किल से इसको कर पाएंगे। जी पादी साहब, इस आप नौवीं आयत को जरूर पढ़िएगा। जी खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। कि इसके बारे में हम पहले बयान कर चुके हैं कि ये यूहन्ना आरफ का जो मकाशवा है, यीशु मसीह का जो मकाशवा है, ये जो किताब है बाइबल मुकद्दस की 66वीं आखिरी किताब है, ये पतमस के जजीरा पर यूहन्ना रसूल जो है वो उस वक्त उसको कैद किया गया, दो मतियान बादशाह ने सजा के तौर पर कि ये मसीही है और यीशु मसीह की खुशखबरी की गवाही देता है, उसको सजा के तौर पर पतमस का जो जजीरा है वहां पर कैद कर दिया था। और पतमस का जजीरा समंदर के दरमियान में एक छोटा सा टापू है जिसको सांपों का घर, बिच्छुओं का घर, मौत का घर कहा जाता है। और यहाँ पर पास मैं दो मतियान के मुतालिक जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि ये मसीहियों के खून का प्यासा था। जी जी। और इसके मुतालिक तारीख ये कहती है कि वो पहला कैसर था जिसने अपनी राया से ये मुतालबा किया कि इसकी प्रस्तुश की जाए। उससे पहले किसी कैसर ने शायद ये मुतालबा नहीं किया था कि मुझे माना जाए, मेरी प्रस्तुश की जाए। वे ये पहला कैसर था जिसने कहा कि मुजस्मा बनाकर उसके आगे बकूर जलाया जाए और मेरी प्रस्तुश की जाए, और कहना क्या है कि दो मतियान मेरा खुदा है। और शायद मेरे ख्याल में कि यूहन्ना रसूल ने इसी बात से इनकार किया होगा और उसके जवाब में वो खुदावंद का बंदा था पर नाफरमानी करते हुए उसे ये सजा दी गई। और पादरी साहब ये नौवीं आयत में लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदावंद का ये बंदा उन मुसीबतों के बारे में भी जो है वो जिक्र करता है, उन मुसीबतों का भी जिक्र करता है जो ना सिर्फ यूहन्ना, देखिए हम जब इसकी ज़िंदगी को इस वक्त में देखते हैं तो ये तो एक टापू में कैद है, ये वहाँ पर बैठा है, लेकिन इस वक्त में वो ईमानदारों को भी याद कर, उस जमात को भी याद कर रहा है, उसे मालूम है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, भी जो उसके साथ लोग हैं वो मौजूद हैं और वो अपने सारे हम ईमान जो भाई हैं उनको मुसीबत और सब्र इस्तकलाल की बाबत बात करता है, और वो बादशाही के बारे में भी उन्हें बताता है और वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होने की बात करता है। मैं चाहूँगा कि इमाल की किताब और उसका 14वां बाब आदि से हम देखेंगे और उसकी 22वीं आयत, इमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत। जी 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत, 22वीं आयत में लिखा है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। ये बड़ा अहम है कि जब हम देखें खुदावन आज के दौर में भी जब हम देखते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं तो ईमानदार बड़ी मुसीबत में हैं और इस मुसीबत को जब वो सहते हैं तो इसमें पैसे मैं चाहूँगा कि इस वक्त में हम यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसकी मुसीबत का जिक्र भी करें। और जब इस दौर में ईमानदार मुसीबत उठा रहे हैं तो बहुत से लोग अबलीस उनके ईमान को कमज़ोर कर देते हैं और कहते हैं है भी हम खुदा में और हम मुसीबतें भी उठा रहे हैं, बगैर मुसीबतें सहे हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बादशाही जो है वहां पर मुसीबतें नहीं है, जिसने यहां पर मुसीबतें उठा ली वो खुदा की बादशाही में, और जिसने यहां पर आराम ले लिया, जैसे हम अमीर आदमी का जिक्र पढ़ते हैं कलाम में लिखा है, वो बाब अब्राहम की गोद से जब बात करता है
गरीब आदमी से, तो कहता है कि इसको भेजा जाए, तो बाप अब्राहम कहता है कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें ले चुका और अब तब यहाँ पर हमें अयूब जो है उसका भी बिल्कुल बहुत जबरदस्त मिसाल मुझे याद आती है, वो कहता है कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। बिल्कुल, अगर खुदा ने मेरे चीजों खुदा जो है वो बेइंसाफ खुदा नहीं है और खुदा हमारा खुदा सच्चा खुदा है। अगर हम बहुत सारे लोग जो हैं वो आराम से ही हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं, बहुत लोग हैं जो दुख उठाकर उस बादशाहत में दाखिल होंगे, दुख उठाकर वो लोग दाखिल होंगे जिन्होंने पहले उसे कबूल नहीं किया या सच्चे तौर से उसे कबूल नहीं किया, जो ना सर्द हैं ना गर्म हैं बल्कि नीम गर्म हैं, उनको मुश्किल और मुसीबत में से निकल कर अपने आप को पाक और साफ करके फिर हमेशा की ज़िंदगी में जाना पड़ता है। इस तौर पर भी इस आयत जैसे पादरी साहब ने जो ना इस तबागी का जिक्र किया कि उन्हें भी जब उस मुसीबत का सामना करना पड़ा तो फिर उन्होंने अपने शागिर्दों को यीशु के पास भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की। हालांकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जिंदगी को अगर हम देखें तो बड़ी, वो तो बड़ी साफ और नीट क्लीन जिंदगी थी खुदावंद के हजूर, लेकिन तो भी खुदा ने उसके लिए यही मुकर्रर किया हुआ था कि उसका सर जो है वो कलम कर दिया जाए और वो इसी तरह से। और देखें जो खुदा के लिए या खुदा की गवाही के लिए शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका रुतबा पादरी साहब मकाशवा की किताब में बड़ा ही खूबसूरत है। कलाम खुदा में लिखा गया है कि जितने भी औरतों से पैदा हुए हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सबसे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा, हाँ जी, जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जो खुदा की राह में शहीद हुए। आप ये ना सोचो खुदा ने छोड़ दिया कि उसका सरी कलम कर दिया गया, वो भी एक बादशाह की बेटी ने जब नाच कर उसकी खुश किया तो उसने कहा तो मां तो क्या आधी सप्ताह तक तुझे दी जाएगी, तो उसने यूहन्ना का अपनी मां के कहने पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में मंगवा लिया। अब देखें कि खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए ये क्यों मुकर्रर किया था। और बहुत सारे रसूल भी वो शहीद किए गए, हम देखते हैं इजार सानी, आप देखें कि जो लोग भी खुदावंद के पाक कलाम की यसु मसीह की नाम की गवाही देने के सबब से शहीद किए जाते हैं, वो उस मुकाशवा की किताब में लिखा है कि फिर मैंने उन रूहों को देखा मजबा के नीचे, जो आसमान पर मजबा है, आसमानी मजबा है, उसके नीचे उनकी रूहों को देखा जिनके सर यसु मसीह के नाम की गवाही देने के सबब से काटे गए थे। बिल्कुल, और जब खुदा किसी ईमानदार को वो मर्तबा बख्शना चाहता है कि उसकी रूह खुदा के उस पाक मजबा के नीचे चली जाए, उस पाक मजबा में चली जाए, तो तब मेरे जीजो वो हमें तो वहाँ पर जाने का रास्ता ही है जी। और आगे बढ़ेंगे और दसवीं आयत में लिखा है कि खुदावंत के दिन रूह में आ गए और अपने पीछे नरसिंगे किसी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी। खुदावंत का दिन, खुदावंत के दिन पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि खुदावंत का दिन और मौजूदा दौर में भी जो हम खुदावंत का दिन कौन सा दिन है वो जी। खुदावंद के दिन के लिए पादरी साहब यहाँ पर भी लोगों के जो नज़रियात हैं उसमें तजाद पाया जाता है। बाज़ का लोग ये समझते हैं कि खुदावंद के दिन से मुराद है ये सब्बत का दिन है जी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि नहीं, जिस दिन मसीह यसु जिंदा हुआ था इब्तदाई कलीसिया चूंकि इतवार के दिन इबादत करती थी तो ये इतवार का दिन है। कुछ लोग इसको जो बेहतरीन जो इसकी जो है तशरीह है वो ये हो सकती है कि खुदावंद का दिन ये उस दिन को ये मुबारक ठहरा रहा है जिस दिन ये सारा कुछ वाकया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये भी जिस दिन उसने खुदा को देखा उस दिन वो कह रहा है कि ये खुदा का दिन है जिस दिन मैंने उसे देख लिया। और पर साहब इसमें जैसे आपने बताया तीन ख्याल हैं जी, बिल्कुल, कि एक सब्बत का दिन और संडे, संडे जो है उसको इसलिए ये दिन कहा जाता है क्योंकि उस दिन हमारा निजात दिंदा यीशु, या वो ये कहते हैं कि माल की किताब जब शगिद रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुआ करते हैं और वही संडे का दिन बनता है और उस दिन वो हफ्ते के पहले रोज यानी इतवार का दिन वो बनता है। और कहते हैं कि एक बड़ी आवाज आई कि जो कुछ देखता है इसे लिख ले। जब यूहन्ना ने मुड़कर देखा तो एक अजीब जलाली नजारा था कि इसे 60 बरस के बाद ये मसीह का दीदार हुआ, मसीह का दीदार हुआ। मसीह को तो अपना रबी, अपना उस्ताद, अपना निजात दहिंदा मानते थे और यीशु मसीह के साथ तो उन्होंने जमीनी जिंदगी भी बसर की थी जी। और आगे अगर आगे बढ़ते चले जाए तो लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफ्सस, स्मरना, पिरगमन, थवातीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लदीकिया में। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के सात चिरागदान देखे। सात कलीसियाओं का जिक्र हम कर चुके हैं, सात चिरागदान ये किसकी तरफ इशारा है? पर साहब जब खुदावंद खुदा ने मूसा को हैकल का नक्शा दिखाया तो वो हैकल ईमानदार जानते हैं कि उसका नक्शा कहाँ पर मौजूद है। वो बाइबल मुकद्दस में तो गो लिखा हुआ है लेकिन असल हैकल की थी वो आसमानी
मुकाम पर देखी थी और उसी के मुताबिक फिर मूसा ने खुदा के कहने के मुताबिक उस हैकल को जो खैमा इज्तिमा था उसको भी बनाया। और खैमा इज्तिमा के जो सामान था, जो पाक तरीन मुकाम में रखी जाने वाली चीज़ें थीं, उसमें से एक था चिरागदान। और उसके लिए जो उसका अबरानी में जो लफ्ज़ है या कौम बनी इसराइल वो कहते हैं मनोरा, जिसमें सात चिरागदान बनाए गए थे और वो सात उसकी शाखें थीं। हाँ जी, और उसके एक दरमियान में थी और तीन साइड पे थी और सात चिरागदान उस पर बनाए गए। हमारे पास जो है वो पांच वाला सॉरी मैं पांच वगैरह दिखाया, लेकिन वो हमारे पास वो कैंडल स्टैंड बना हुआ मनोरा नहीं है, वो कैंडल स्टैंड है, आप पीछे देख सकते हैं वो बड़े टेबल पर मनोरा सीधा है बाइबल मुकद्दस में पड़ा हुआ है। और चिरागदान से मुराद कलीसियाएं हैं जी, चिरागदान जहां पर जो कहा गया बाइबल मुकद्दस में कलीसियाएं हैं, जिससे और इससे ये मुराद है कि यीशु मसीह की हर कलीसिया के साथ एक गहरी रफाकत और वो उनमें रहता है चलता फिरता है, क्योंकि वो कलीसिया का सर और मालिक है। ये यहाँ पर खास बात हमें याद रखने की, ये कलीसिया का सर और मालिक खुदावंद है और उसने कोहे कलवरी पर भारी कीमत अदा करके कलीसिया को खरीदा है। पादरी पीटर साहब दिखा रहे पर सब अगर आप सामने करके थोड़ा सा जी, आपके पास सबके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है और बाइबल मुकद्दस के आखिर में तीन चार जो पेजेस हैं वहाँ पर नक्शा जात बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर में चिरागदान बना हुआ है, ये है वो चिरागदान जिसको मनोरा कहा जाता है या जिसके ऊपर सात चिराग धरे हुए हैं या रखे हुए हैं या बनाए गए हैं। और पर सब अहद अतीक में सरदार काहन भी जैतून का जो तेल था उसे मसा करके सात चिरागों में डालता था और चिराग खैमा इज्तिमा में हमेशा चलते रहते थे, हमेशा उसके लिए हुक्म ही ये था कि चिराग जो है वो हमेशा। पादरी साहब, यूहन्ना की इंजील में जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, तो जब हम इसकी इस तशरीह के पीछे जाते हैं तो एक वक्त आता था कि उन चिरागदानों को बंद करके साफ किया जाता था। जाते थे और खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन ये काम हैकल में हो रहा था, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद थे और फिर वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, कि ये नूर तो बंद हो सकता है, ये आरजी है, लेकिन असल नूर जो है वो मैं हूँ। और वो बड़ी अच्छी आयत जो खुदावंद के कलाम में लिखी है कि वो चिरागदानों में फिरता है, उन चिरागदानों में जो रोशनी है, कलीसिया में जो रोशनी है वो खुदावंद यीशु मसीह के रूह के वसीला से है। वो कलाम जो कलीसियाओं में खुदा के खादम पहुंचाते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के रूह की मौजूदगी से होता है। और खुदावंद यीशु मसीह कलीसियाओं में यानी ईमानदारों की जमात में चलता और फिरता है। जी जी, आगे पर सब बढ़ेंगे। हाँ जी, आयत पढ़िएगा 13वीं आयत। जी जी, पढ़ते चले जाएं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात से एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था, उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की माने सफ़ेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की माने थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी। जी जी, और यहाँ पर देखें जो आयात पाली साहब ने हमारे सामने पढ़ी हैं, ये किस कदर खूबसूरत वहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने देखा, पहले उसके लिबास के बारे में बताया गया है, फिर उसकी जिस्मानी कैफियत के मुतालिक और फिर उसकी जो आवाज़ है जी उसके मुतालिक भी बताया गया, बालों और उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की माने सफ़ेद थे और उसकी आंखें आग के शोले की मानिंद थी। और आग के लिए हम देखते हैं कि आग जो है ये अदालत का निशान है। हाँ जी, पर सब पहले मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँ कि यहाँ पर जहाँ पर भी लफ्ज़ आदमजात लिखा हुआ आता है, आसमान की बादशाही में आप यकीन रखिए, खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, इस बात का पाक कलाम गवाही देता है, पाक कलाम इस चीज़ का गवाह है कि आसमान में हमेशा की बादशाहत में खुदा के तख्त के सामने कोई भी आदमजाद नहीं है, सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह, क्योंकि वो अपने जिस्म में आदम का मतलब कि आदमी जैसा, आदमजाद आदमी जैसी शख्सियत जो है वो सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। और क्योंकि फरिश्ता भी आदमजाद नहीं है, खुदा का पाक रूह भी आदमजाद नहीं है, तो कोई भी चीज वहां पर बेशुमार चीजें हैं जो आगे हम मुकाशफा की किताब में देखेंगे, वहां पे बर्रा भी है, किताब भी है, किताबें भी हैं, बेशुमार चीजें हैं, लेकिन आदमजाद सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। और उस आदमजाद के लिए वो कहता है कि मैंने आदमजाद सा शख्स देखा है और वो यीशु मसीह है जो पांव तक का जामा पहने हुए है और सोने का सीना, और सोने का सीना बंद, ये जामा और जो सोने का सीना बंद है ना, ये कहानत कहानत। उसके साथ बादी साहब एक और भी बड़ी अच्छी इसकी तफसीर या तशरीह की जाती है कि पांव तक का जो जामा है
ये जो काजी उस दौर में काजी हुआ करते थे वो इंसाफ करने वाले लोग, ये जो अब कंडीशन वो देख रहा है, जो कैफियत वो देख रहा है, और आगे उसने जिक्र भी किया है कि आंखें आग के शोला की माने, जब खुदावंद यूसुफ मसीह इस रोई जमीन पर थे तब उनकी आंखें आग के शोला की माने नहीं थी, लेकिन अब जब वो देख रहा है तो उनकी आंखें आग के शोला की माने। अगर अदालत अदालत और इंसाफ अदालत इंसाफ की बात करता है, और जो सीना ये जो लिबास है जामा जिसकी बात की गई है, ये उस दौर में काजी जो है वो इसको पहनते थे। और अगर अगर हम इसको इस लिहाज से भी देखें जो अभी पादी साहब ने बात की, का मतलब गौन कैसक, गौन ही है कैसक जो आजकल पादी साहब भी पहनते हैं, बहुत से डिनोमिनेशन में पहना जाता है, तो वो भी एक पाकीजगी की अलामत है। अगर हम उसको बतौर एक काजी देखें तो वो भी खुदा के कलाम में मसीह यीशु को कहा गया, हमेशा तक रहने वाला कायन वो भी खुदा के कलाम में बयान किया गया। और सोना, सोना जब हम खुदाबंद में इसकी अहमियत को देखते हैं तो ये दयानतदारी की और सदाकत की, सदाकत बादशाह की अलामत भी है। सोना जो एक ऐसी धातु है, पैदा हुए तो तब भी सोना लाया मेहमान। और इसमें पास आम बात यह है कि सोना जब भी अच्छा सोना, चोखा सोना, अच्छा सोना जो है उसमें मिलावट नहीं होती। ये मसीह यीशु के खाली सोने की, और सीना बंद ये कि जो कुछ सीने में हमारा दिल है, जो कुछ भी वो फैसला करेगा उसका फैसला सदाकत पर और दयानतदारी के ऊपर होगा। सीना बंद, सोने का सीना बंद जो है वो इस बात का इजहार भी करता है, मैं इस बारे में ये समझता हूँ जी। और आगे पर सब लिखा है कि उसके पांव खालस पीतल के से थे, और पीतल सर 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 थोड़ा सफेद सर और बाल सफेद ऊन बल्कि सफेद बर्फ थे, और उसकी आंखें आगे बाल सफेद और सर पर सब। थोड़ा सा मैं नाज़रीन को ये भी बता दूं, शायद आपने देखा भी होगा कि जो इंग्लैंड के और अमेरिका के या बड़े बड़े कंट्रीज के जो बहुत बड़ी बड़ी अदालतें होती हैं, शख्सियात होती हैं, जजेज़, वो जजेज वो अगर उनके बाल सफेद ना भी हों या मेरी तरह बाल ना भी हों तो वो विग रख लेते हैं सफेद बालों, बुजुर्गी और क्या क्या कहते हैं परसों, वो जो बहुत बड़े जजेज होते हैं। शायद अगर किसी भाई हमें सुन रहे हैं अगर उनको मालूम हो तो वो जरूर हमें कॉमेंट कीजिए ताकि हम सबको ये बता सकें। हाँ जी, अक्सर बहुत सारी चीजें याद नहीं आती, बहुत बड़ी बड़ी अदालतें हैं जो इंटरनेशनल अदालतें हैं, वहां पर जो जज बैठता है तो वो सफेद बालों वाली जो विग है वो पहनकर बैठता है। और ये पर सब जो इशारा या निशान है कुदूसियत, कुदूसियत और बुजुर्गी और पादी साहब इसके लिए नहीं होने का भी, इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक हवाला भी जो है वो हम देखें दानियल की किताब में भी। दानियल भी इसी तरह की एक शख्सियत को देख रहे हैं जी जी। दानियल नबी की किताब और उसके सातवें बाब की नौवीं आयत, पादी साहब आप जरूर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पढ़ें। दानियल नबी का सहीफा बाब और उसकी नौवीं आयत, सातवां बाब और उसकी नौवीं आयत, नौवीं आयत। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया, उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे, उसका तख्त आग के शोले की मानिंद था और उसके पहिए जलती आग की मानिंद थे। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए जब हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं तो वहाँ पर भी उसका जो सर है सफ़ेद सर बल्कि ऊन की मानिंद खुदावंद के खिलाफ ये बयान किया कि वो सफ़ेद है। और यहाँ पर सफ़ेद जैसे पादी साहब ने इसके बारे में बताया कि ये उसकी बुजुर्गी की अलामत भी है कि वो कदीमुल अय्याम से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू में जब हमने इससे पहले आयत पढ़ी कि वो अल्फा है वो ओमेगा है दुनिया के इब्तिदा से है। और योना की जिन में पादी साहब वो बड़ा अच्छा बयान है, खुदावंद यीशु मसीह के पास यहूदी आते हैं सरदार आते हैं तो यीशु मसीह कहता है मैं सबसे पहले हूँ मैं बड़ा हूँ, कहते हैं तू हमारे बाप अब्राहम से भी बड़ा है, तो मसीह यीशु ने कहा पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। इस बुजुर्गी के बारे में बयान करता है, और यूहन्ना आरव भी इस खूबसूरत बात को बयान करता है कि जब मैंने उससे देखा तो उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानी सफेद थे और उसकी आंखें, आगे हम आंखों की जानी भी जाएंगे कि आंखें आग के शोला की माने थी, ये क्या है? जो हम अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र कर चुके थे कि खुदावंद यीशु मसीह की आंखें जो आग के शोला की माने ये अदालत की तरफ इशारा करती हैं। और वैसे देखा जाए तो आज फजल के दौर में खुदावंद यीशु मसीह की आंखें लोगों को, ईमानदारों को ढूंढती हैं, तलाश करती हैं कि लोग उसके पास आएं, उस पर ईमान लाएं हमेशा की जिंदगी। और पर सब खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा की निगाह इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। और ये और आग, आप जानते हैं कि आग हर चीज को जला देती है। अगर हमारी बदी खुदावंद के हजूर जाती है तो वो खुदावंद को नजर जी, खुदा की निगाह उस पर नहीं आ सकती। और ये खुदा के इल्म कामिल लाजवाल बसीरत को भी ये चीज़ें बयान करती हैं कि खुदावन इंसान तो कलाम खुदावन यीशु मसीह के लिखा भी अभी हम मुकाश ये सायर नबी के सिवा में कि वो
ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा। ये उसकी जलती हुई आंखें हरगिज भी इस बात की तरफ इशारा नहीं कि उसने उन आंखों से लोगों को और ये भी परसब नादरीन को बताएं कि ये लिखा है कि शोला किसी मानद है, ये नहीं है कि कोई आंखों में आग लगी है, वो आग की तरह बिल्कुल की ये भी बड़ा ये मानद है, ये तशबीह दी गई है, ये उसकी तफ्तीश और जांच को जाहिर कर करती है कि वो उसकी पहचान इंसाफ को बयान करती। अगली जो हिस्सा है लिखा, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। तो यहां पर पीतल भी एक बार देखा जाए तो ये भी अदा का निशान है जी, और मजबूती का निशान है, कायम होने का निशान है। पैदाइश में शरीयत की किताब में आपने वहां पर देखा होगा कि बियाबान में मूसा ने बलि पर पीतल का सांप जो था उसे ऊंचे पर लटकाया ताकि सांप का डसा जब उसकी तरफ देखे तो वो देखकर उससे बच जाए। ये बियाबानी स्लीप है और कलवरी की स्लीप का ये यहाँ पर हमें अक्स नजर आता है। बिल्कुल, पीतल का सांप उन्होंने बियाबान में लटकाया था और उसको देखने वाला जो था बली पर जो लटकाया था और जो देखने वाले थे वो बच जाते थे। और जब हम पीतल के बारे में देखते तो ये इसकी लाजवाल मजबूती ताकत के बारे में जाहिर करता है कि खुदावंद ना सिर्फ अल्फा ओमेगा है बल्कि वो ताकतवर खुदा है। और जो बात कि आसमान और जमीन टल जाएंगी उसकी बातें ना टलेंगी, ये उसकी है कि जो कुछ उसने कह दिया है वो मजबूती के साथ पहले भी कायम था, आज भी कायम है, और उसकी कही हुई बात हमेशा तक कायम रहेगी। और आज जैसे वो चलते फिरते वहाँ पर खुदावंद के बंदा यूहन्ना ने देखा कि एक आदमजाद सा शख्स मैंने देखा और उसके पांव जब इस तरह से हैं, तो आज खुदावंद यूसुफ मसीह की भी ख्वाहिश है कि हमारे पांव खुशखबरी के लिए मुतहरक रहे और हम खुशखबरी के पैगाम को अपने आगे कलाम में लिखा है। बड़ी अच्छी आयत है मुकद्दस पालूस के खत में लिखा है कि पस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। तो ये प्रीचिंग के लिए भी हमें ऐसा ही कर रहे हैं कि अपनी टांगों को, अपने टखनों को, अपने पाओं को मजबूत करना है ताकि हम थके नहीं जी। और लिखा है कि सात चिरागदानों में फिरता है फिरने वाला शख्स उसकी मजबूती को भी बयान ये करता है, मजबूती को बयान करता है और उसकी जो खिदमत है उसको भी वो बयान करता है। और आगे और परसब खैमा इत्मा में पीतल का मजबा और हौस भी वहां पर मौजूद था। बिल्कुल, अगर लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी मजबूत तरीन धात के तौर पर भी पीतल ही को इस्तेमाल किया जाता था। और ये इसको चूंकि जंग भी नहीं लगता था, ये खराब भी नहीं होता, इसीलिए भी जी आगे लिखा है निशानी है। और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, चमकता हुआ उसकी आवाज जोर के से पानी की सी थी, ऐसा पानी जो गहरा हो और जिसे कोई रोक ना सकता हो। और खुदावंद यूसुफ मसीह ने कहा है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुझसे पिए, और जो उसमें से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। अभी सब जब हम खुदावंद यूसुफ मसीह की जिंदगी के उस वाक्य पर गौर करते हैं जब अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में जा रहे थे तो वहां पर बड़ा तूफान आया और शागिर्दों ने यीशु मसीह को जब जगाया तो कहा कि आए उस्ताद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उठकर हवा और पानी को डांटा। ये वो आवाज़ है जो हवा और पानी को भी डांट देती है, क्योंकि उसकी आवाज़ जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है जोर के से पानी की सी आवाज है, उसकी आवाज़ है पानी को है, उसकी आवाज पानी को बियाबान को हिला देती है। पर सब आप जबूर देखिए, जबूर 29 में जी जी बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है, खुदावंद की आवाज बियाबान को हिला देती है। और हम गाते भी आग के शोलों को चीरती है, खुदावंद तेरी आवाज बियाबान को हिला देती है। जी भाई साहब दोबारा जरा इसको रिपीट कर दें, इस ज़बूर 29 और उसकी चौथी आयत। और यहाँ इसके कलाम की कुदरत और जोर भी मुराद है, जो खुदावंद की आवाज पानी की सी, जो खुदावंद के जोर कुदरत की तरफ इशारा को जाहिर करती है। और आज खुदावंद की आवाज कौन है? आज खुदावंद की आवाज खुदा के खादिम है जो उसकी आवाज को आगे पहुंचाते हैं। जी परसा पढ़िएगा जी, आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है चौथी 16वीं आयत उसकी हम देखेंगे, मुकाशवा की ज़बूर 29 उसकी चौथी आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है, खुदावंद की आवाज़ में जलाल है, खुदावंद की आवाज़ देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको बछड़े की मानद लबनान और सरयून को जंगली बछड़े की मानद कूदता है। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है, खुदावंद की आवाज़ बियाबान को हला देती है, खुदावंद कादस के बियाबान को हला डालता है, खुदावंद की आवाज़ से हरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर्ग कर देती है। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल
पुकारता है। जी देखिए किस तरह से यहाँ पर खुदावंद की आवाज के मुतालिक बयान किया गया और वो कहता है उसकी आवाज जोर के पानियों की सी है। और दसवीं आयत में लिखा है खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा के लिए तख्त नशीन है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। जी मैं बताना चाहता हूँ इस वक्त हमारे साथ पादरी दाऊद सागर साहब काफ़ी देर से मौजूद हैं। सॉरी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं, आप जो हमारे साथ मौजूद हैं। हरकान जॉन, उन्होंने मैसेज किया है, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। और ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, फेसबुक का लिंक जो है वो बीच में इंटरनेशनली वो डाउन हो जाता है, लेकिन हमारी वीडियो जो है वो आप तक पहुँच रही है। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अपने टीवी पर इसे देख रहे हैं, आप एंड्रॉयड बॉक्स में से देख रहे हैं, या आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख रहे हैं, तो शायद इसका लिंक डाउन हो गया, लेकिन अगर आप इसे छोटी स्क्रीन में करके देखेंगे तो शायद आप हमारी गुफ्तगू को, इस बातचीत को सुन सकेंगे। जी पसंद। अगली आयत में लिखा है और उसके दाने हाथ में सात सितारे हैं, सात सितारे थे और उसके मुँह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। अब यहाँ पर दाने हाथ का जिक्र है और जब परसब दाने हाथ को हम कलामे मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं, दाना हाथ इज्जत और इम्तियाज को जाहिर करता है, रुतबे को भी, कुव्वत को, इख्तियार को वो जाहिर करता है और इज्जत को भी। जी और खुदावंद यूसुफ मसीह ने अपने खादमों बादशाहों और शहजादों को भी ज्यादा बुलंद मरतबा दिया है। और खादमों के लिए तो कलामे मुकद्दस में भी लिखा है कि खुदावंद के खादम हर दो चंद इज्जत के लिए, इज्जत के देखें यूसुफ मसीह के लिए क्या पढ़ते हैं कलामे मुकद्दस में कि वो खुद बाप की किस तरफ बैठा है, दानी तरफ, दानी तरफ, लेकिन बेटे की दानी तरफ कौन बैठे हैं, ईमानदार उसकी दुल्हन। जी और आगे सात सितारों का जिक्र है। जी सात सितारों से मुराद यहां पर खुदावंद के पाकला में सात सितारों से सात कलीसियाओं के फरिश्ते मुराद हैं जो खुशखबरी सुनाने वाले हैं, यानी पैगंबर, खादम या पासबान। अब देखें यहाँ पर सात चिरागदान हैं और सात सितारे हैं, सात चिरागदान, सात कलीसियाएं हैं और सात सितारे, सात सितारे हैं वो उनके पासबान हैं, उनके निगाहबान हैं। और भाई साहब ये बात मेरे ख्याल से खुदावंद के कलाम में खुदावंद कलीसियाओं में फिरता है और हाथ में सात सितारे, यानी उन सात कलीसियाओं के, बल्कि हर कलीसिया का जो पासबान है वो खुदावंद के हाथ में। पर सब खूबसूरत बात इसमें पता क्या है, खूबसूरत बात इसमें ये है कि हर एक खुदावंद के हाथ में और बिल्कुल महफूज है। जी और एक और आयत भी बड़ी अच्छी खुदावंद के कलाम में लिखी है, सितारे का मतलब ही चमकती हुई चीज है। कलाम में एक और बात भी पास साहब लिखी है कि जिंदा खुदा के हाथ में पढ़ना हौलनाक बात है। ये कब पढ़ते हैं, जब हम काम नहीं करते, उस सजा के तौर पर पढ़ते हैं। अक्सर आयात को बताने वाले, बयान करने वाले, जब वो हाथ में सितारा है तो वो ये भी बयान करते हैं, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि हौलनाक बात तब होती है जब हम गुनाह की हालत में खुदा के हाथ में आ जाते हैं वो भी, और इसी तरह जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तब भी खुदा के हाथ में ही हम। तो यहाँ पर जो सितारे हैं यानी खादम खुदा के हाथ में, वो इस बात का इजहार करें कि खुदावन ना सिर्फ उन चिरागदानों में खुद फिरता है, खुद मौजूद होता है, बल्कि जो सितारे हैं जिनकी रोशनी उन कलीसियाओं में जा रही है, जो चमकने वाले सितारे हैं वो भी खुदावन के हाथ में है और उनकी चमक भी खुदावन की वजह से ही है। जी और इसके दूसरे हिस्से में लिखा है और उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। ये जब दोधारी तलवार की बात करते हैं, यूरू की तलवार है, यानी ये खुदावंद का जिंदा और पाक कलाम, पाक कलाम। इब्रानियों का खत उसका चौथा बाब और उसकी बारहवीं आयत खुदावंद के कलाम में जब हम इसको देखते हैं तो लिखा है कि क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। जी और कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, और वो जो बात खुदा के मुंह से निकलती है वो दोधारी तेज तलवार की मानद है और पार्षद यही जो सुनाने वाले पर भी वार करती है और सामने सुनने वाले पर भी, और यही हथियार जो है रूह की तलवार, हम ये इबलीस के साथ लड़ाई के वक्त भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। और इफ्सियों के खत में बड़ी खूबसूरती के साथ वहां पर बयान भी किया गया, उन रूहानी हथियारों का जिक्र भी किया गया, हम उस तरफ नहीं जाएंगे जहां पर वो बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं। और लिखा है और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब, यानी सूरज, सूरज की माने इतना रोशन और इतना पुर जलाली, पुर नूर चेहरा कि जब सूरज तेजी के वक्त चमकता है तो कोई भी इंसान उसे देख, असल मकसद ये है बयान करने का
कि कोई भी उसे देख नहीं सकता, और यसु मसीह का चेहरा ये नहीं है कि वो आफ्ताब की मानत जैसे पाक कलाम में लिखा है, ये एक तशबीह दी गई है कि उसकी रोशनी इतनी थी कि कोई भी उसकी तरफ देख नहीं सकता, और ऐसा ऐसा चमक रहा था जैसे सूरज तेजी के वक्त होता है। और ऐसी मिसालें भी कलाम मुकद्दस में हमें अहद अतीक में हम देखते हैं, खुदावंद के बंदा मूसा के लिए, हारून के लिए, यशुआ के लिए, अय्यूब के लिए, यसाया के लिए, कि ये ताप नहीं ला सकते थे उस नूर की। और मूसा के लिए तो लिखा है कि इसे अपना चेहरा बाद में ढांपना पड़ता था। और नए अहदनामा में खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल के लिए देखते हैं कि जब दमिश्क की राह पर जा रहा था, खुद खुदा ने सूरज चांद सितारे बनाए, और दमिश्क की राह पर जाते उसके साथ क्या हुआ, नूर चमका और वो अंधा हो गया। और पसब ये खुदा, और जब मूसा ने भी जब मूसा ने भी खुदावंद के जलाल को देखा तो खुदावंद ने क्या कहा कि तू पत्थर के पीछे छुप जाना और मैं अपने जलाल में होकर, खुदा को नहीं देखा, खुदा ने कहा कि मैं अपने जलाल में छुप जाऊंगा और तू पीछे से देख लेना। और पीछे से ही देखने से जो मूसा था उसका चेहरा कई दिनों तक वो रोशन दमकता रहा और वो अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेता। जितनी भी चीजें हमने अभी देखी हैं खुदावंद यीशु मसीह की जात में, ये चीजें जब हम देखते हैं तो इन चीजों को देखकर वाकई ये लगता है कि वो इसी काबिल है कि वो कलीसियाओं में रहे, और खादिम होते हुए, इंसान होते हुए जितनी ये खसूसियात मसीह यीशु की बयान की गई हैं खुदावंद के कलाम में, ये सब चीज़ें अगर किसी में होंगी तो वो सब कुछ जान सकेगा, वो सब कुछ उन बातों पर। हम कलीसिया में खादम है, बहुत सी चीज़ें हमें पता होती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती। ये जो जलाल है, रोशनी गुजार करता है, जब सूरज निकलता है तो कोई भी दुनिया का कोना जहाँ पर उसकी रोशनी जा रही होती है वहाँ पर सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। और जो खुदावंद के कलाम में इसकी ये खूबसूरत मिसाल पेश की गई कि उसका चेहरा ऐसा जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब, जब चेहरे में से इतनी रोशनी निकल रही है, और जब अब हम जब देखते हैं ना भाई सब लोगों को जो गारों में जाते हैं चीज़ों को ढूंढने के लिए, तो टॉर्च अपनी हाथों में नहीं पकड़ते, उनके जो हेलमेट है उसके ऊपर लगी होती है ताकि जिधर नजर जाए उधर उनको नजर आए कि क्या है, और अगर उसके चेहरे में से इतनी रोशनी निकल रही है तो कोई चीज़ उसे छुप नहीं सकती है ना। तेरा ही चेहरा रोशन है, जानदार सब छुपेगा, बिल्कुल ऐसे ही। और आगे देखें, वो जब कहता है कि उसका चेहरा ऐसे था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब होता है, और उसकी आगे हालत क्या हुई, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ ना कर, मैं अव्वल और आखिर, जैसे वही अल्फा और मेगा, अल्फा और मेगा, जैसे दीगर हमारे खुदावंद के कलाम में जो अंबिया हैं, जब उन्होंने रूबरू देखा और उन पर खुदावंद आशकारा हुआ तो जो उनकी कैफियत हुई, बिल्कुल उसी तरह की कैफियत हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद के बंदा यूहन्ना रसूल जी भाई साहब। ये साया 44वां बाब उसकी 6 आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे, ये साया नबी का सहीफा उसका 44वां बाब और उसकी 6 आयत, एक ही आयत हम पढ़ेंगे लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने पास इसे नोट करें। 48वें बाब की 12वीं आयत जो है, ये साया 48वां बाब उसकी 12वीं आयत, वो भी आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त 44वां बाब ये साया उसमें पढ़ेंगे। पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफवाज यूँ फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और ये इससे पहले भी खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह के लिए, खुदा खुदाए सालूस के लिए ये आयात हमें खुदावंद के कलाम में मिलती हैं। जैसे पादरी साहब आप बता रहे थे, बिल्कुल खुदावंद के कलाम में ये बातें हमें जो है वो मिलती हैं। और क्यों खुदावंद के कलाम में लिखा कि वो मुर्दा सोकर क्यों गिर पड़ा, क्योंकि यूहन्ना इन बातों से पहले से वाकिफ है, वो शरीयत को पढ़ के आया हुआ है, वो एक अच्छा ईमानदार है। और अगर हम इसकी राइटिंग्स को पढ़ें जो यूहन्ना की इंजील है और इसके खतूत और ख़ास तौर पर जो मुकाशवा की किताबें में मिलती है, इसमें हमें ये जिक्र मिलता है और ये उसके राइटिंग स्टाइल से पता चलता है कि एक पढ़ा लिखा शख्स था। और वो क्यों मुर्दा सा गिर पड़ा, क्योंकि उसे पता चल गया ये तो वही है जिसका जिक्र पुराने अदम में था, और ये वही है जिसके साथ अपनी ज़िंदगी को बसर किया, और वो बातें देखकर वो मुर्दा सा होकर उसके जो है वो पांव में गिर पड़ा, और फिर उस पर दाना हाथ रख कर ये कहा गया कि खौफ ना कर, मैं अव्वल व आखिर हूं। और आगे 18वीं आयत में लिखा है, और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। जी अब इस आदमजात ने जो लिखने वाला है यूहन्ना आरफ, उस पर अपना आप जाहिर किया है कि मैं हूं कौन, जिसकी इसने शबी को देखा है कि वो आदमजात है, सफ़ेद जामा पाँव तक पहने हुए है, सोने का सीना बंद लगाए हुए है, उसके बाल बर्फ़ की मानद ऊन की मानद सफ़ेद हैं, और उसकी आंखें शोला की मानद हैं, और उसके पाँव खालस पीतल की मानद हैं,
और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी है। उसके हाथ में सात सितारे हैं, मुंह से दोधारी तेज तलवार निकलती है और उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है। अब उसने अपना आप यूहन्ना आरफ पर यहाँ जाहिर कर दिया, दाना हाथ खौफ ना कर, मैं वही हूँ। और दाना हाथ रख, अक्सर जब हम भी किसी को बरकत देते हैं या किसी को हौसला देते हैं तो उसके कंधे पर दाना हाथ रखते हैं, उसे हौसला देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बड़ी जब खुदाम के कलाम को हम पैसे पढ़ते हैं, 18वीं आयत में बड़ी ज़बरदस्त आयत है, और जब हम इस पर गौर करते हैं, मसीह यीशु ये कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था। इंसान जो मर जाता है वो मर ही जाता है, लेकिन वो एक ऐसी हसी जो मर गया और कहता है मैं जिंदा भी हूँ, और देख मैं अब्दुल बाद जिंदा रहूँगा। आज जितने भी मजहबी रहनुमा है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे मरे हुए हैं, वो उनके बारे में कोई ये नहीं कहता कि वो जिंदा, वो मरा भी है, वो जिंदा भी है। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह में ये खसूसियत मौजूद है कि वो मरा हुआ मर गया था और जिंदा भी है, और अब्दुल बाद जिंदा भी रहेगा, उससे मौत पर कुवत और इख्तियार हासिल है। और आगे वो बड़ी अच्छी आयत लिखी, आलम अरवाह पर जहाँ पर रूह है उसने मौत पर भी इख्तियार पा लिया, और आलमेर वहाँ जहाँ पर दूसरे ईमानदारों के रूह हैं उसे इख्तियार है। पहले भी आपने बड़ी अच्छी तशरीह इसकी की थी कि कोई भी शख्स जो है कौम बनी इसराइल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि किसी नबी का किसी मुर्दे को जिंदा कर देना, जी बिल्कुल, लेकिन ये नई बात थी कि कोई खुद से जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए। और यीशु मसीह ने कहा कि मौत को हरा ही सिर्फ यीशु मसीह सकता था, इंसान के बस की ये बात ही नहीं, बिल्कुल। और पार्षद एक और बात यहाँ पर कि अक्सर लोग इसके मुतल्लिक ये भी ख्याल करते हैं कि वो जो शख्सियत यूहन्ना ने देखी वो खुदावंद यीशु मसीह नहीं बल्कि उसका फरिश्ता था, लेकिन आगे जितनी बातें आपने बयान की हैं कि उसके हाथ में सात सितारे हैं, उसकी आँखें आग के शोला किसी माने, उसके मुँह से तेज़ तलवार निकलती, दोधारी तेज़ तलवार निकलती, और बहुत सारी बातें, तो ये खुद खुदावंद यीशु मसीह ही उसके सामने वहाँ पर मौजूद थे, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। जी फरिश्ता तो ये नहीं ना कह सकता कि मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था और रहूँगा, बिल्कुल। आगे पादरी साहब, मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। जब हम खुदावंद के कलाम में इन बातों को देखते हैं तो कलाम में ये लिखा है, बहुत से वैसे लोग इस बात पर इवन के वो जब अकीदा दोहराते हैं तो उसको भी इख्तियारी कहते हैं कि आलम अरवाह में उतर गया, तो वो आलम अरवाह में उतरने को भी नहीं मानते, हाँ बिल्कुल, वो उसको मानते नहीं हैं आलम अरवाह को, कि खुदावंद यीशु मसीह तीन दिन और तीन रात जब उसका जिस्म कब्र में था तो वो आलम अरवाह में उतरा, तो बहुत से लोग इसको नहीं मानते। लेकिन खुदावंद के कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को मौत पर, क्योंकि वो जिंदा हो गया, और आलम अरवाह पर उस जगह पर जहाँ पर ईमानदारों की रूहें जो मर चुके थे मसीह यीशु को, उन पर भी इख्तियार हासिल है। और कलाम में लिखा है मसीह यीशु ने कहा कि उनकी कुंजी या उनकी चाबी जो है वो मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल, हम अब आखिर की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है 19वीं आयत में कि पस बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले। तीन बातें यहाँ पर बताई कि जो हैं, जो तूने देखी और जो हैं और जो लिख ले, जो बातें तूने देखी यानी यूहन्ना ने दिखाया, जो कुछ उसे दिखाया गया, और जो हैं यानी जो आगे जो कलीसियाओं के मुतालिक जो बताया जाएगा, जो कलीसियाओं के मुतालिक बताया जाएगा, क्योंकि कलीसियाएं उस वक्त वहां पर मौजूद थी, जो बातें हैं वो कलीसियाओं से मुतालिक हैं, और तीसरी बात जो इनके बाद होने वाली है, जो आइंदा आने वाली बातें होंगी, लिखा है कि उन सारी बातों को क्या कर ले, लिख ले, यानी जो कुछ तूने देखा और जो हैं और जो आने वाली हैं। इसका मतलब ये भी है पादरी साहब के बाइबल मुकद्दस की सारी ही किताबें को हमारा इस बात पर ईमान है कि 66वीं किताब यूहन्ना आरफ ने लिखी नहीं बल्कि इसे कहकर लिखवाई गई है। और आगे फिर ये बयान किया गया कि यानी उन सात सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाने हाथ देखा था, उन सोने के सात चिरागदानों का, वो सात सितारों, तो सात सितारे तो सात कलीसियों के फरिश्ते हैं, और वो सात सितारे सात चिरागदान कलीसियाएं हैं, और एंड पर फिर सारी बातें खोल कर बयान भी करते हैं जो आपने पहले भी बयान किया है कि उस आदमजात के हाथ में जो सात सितारे हैं वो वही सात फरिश्ते हैं जो कलीसियाओं के पासबान हैं, जी, और उन सारी बातों के मुतालिक यहाँ पर बयान किया गया। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना, हमने कोशिश की है खुदावंद के फजल से इस पहले बाब को पढ़ा और इसको सीखा और जाना, बहुत सी सीर हासिल गुफ्तगू की, लाइव हमने कॉल्स भी लीं, और हमारे साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बेशुमार बहन भाई मौजूद थे, यकीनन उनने
और सीखने के वसीले से बरकत पाई होगी। और मेरा यहाँ पर ये तमाम अजीज़ों से गुजारिश है कि जितने इस वक्त लाइव हमें देख और सुन रहे हैं, कल भी हम इसी तरह जो मुकाशफा की किताब का दूसरा बाब है उसको जानेंगे, उसमें से पढ़ेंगे और उसमें से सीखेंगे। और उससे मतलब कोई भी सवाल, कोई भी बात हो तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट ऐड करना चाहते हैं ज़रूर उसके मतलब हमें आगाह करें, अपना फीडबैक दें और इसको लाइक करें, कमेंट करें। और जो ख़ास बात यहाँ पर आपके साथ फिर बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था, इसका मकसद ये था कि जब पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है, कोरोना वायरस ने हर तरफ तबाही मचा रखी है और लोगों को उसने अपने शिकंजे में ले रखा है, बहुत से लोग उसका शिकार हुए और मर गए और बहुत से इन्फेक्टेड अपने घरों पर मौजूद हैं, तो हमने इस पर बहुत सी बातों को सीखा कि कैसे एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं, कैसे हम घरों में रहकर अपने ख़ानदानों के साथ, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस वक्त में कलाम को शेयर करने का मतलब और मकसद भी ये है कि जब अपने घरों पर मौजूद हैं तो पहले ही टेंशन और परेशानी का माहौल बना हुआ है, तो हम अपना फोकस, अपना ध्यान इन सारी बातों से हटाकर खुदावंत के कलाम और उसकी बातों की तरफ लगाएं, क्योंकि खुदावंत के कलाम की बातों के वसीला से हम इत्मीनान और तसल्ली को हासिल करते हैं। तो उस वक्त में खुदावंत के कलाम को बांटने और शेयर करने का मतलब भी यही है कि हम खुदावंत के कलाम से तसल्ली पाएं और अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार करें। जी पादी साहब, हमारे साथ बहन एस्टर खलीक, हमारी प्यारी बहन मौजूद रही, उन्होंने कहा थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। खुदावंत बहन आपको भी और आपकी फैमिली को भी बरकत दे, आप जो हमारे साथ मौजूद हमें सुन रही थी। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी एक दफ़ा फिर, इससे पहले कि हम दुआ करें, पादी साहब दुआ में रहनमई करें और हम आज की इस लाइव ट्रांसमिशन को यहाँ पर एंड करें, मेरी दरख्वास्त होगी कि जितने भी आप आते हैं आप ज़रूर आएँ और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ आए, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि कितने लोग हमारे साथ आज मौजूद थे। जो लोग हैं उन्होंने कमेंट किए और इसमें से 940 लोग हमारे साथ मौजूद थे जो ऑन एंड ऑफ हमारे साथ मौजूद रहे। इसमें हमारे जो टॉप फैन हैं वो अरकान जॉन है और इन्होंने कमेंट किए। मैं इस मौके पर शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन मिसेज नायला पीटर का, मोहतरम पादरी पीटर साहब उनकी मिसेज का, जो हमारे लिए पानी और चाय जब हम एक लंबे अरसा के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं वो हमें यहाँ पर पहुँचाती रही। खुदा बहन आपको बरकत दे। और इसी तरह जो बहन भाई हमारे साथ लाइव कॉल पर आए, हमारे प्यारे भाई, आज हमने एक ही कॉल ली, भाई फरहान अनूस जो स्टुंजाबाद से हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत और सेर असल गुफ्तगू की और मुझे उम्मीद है कि आपने बरकत पाई होगी। और जो 940 लोग आज हमारे साथ जुड़े, हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं और जिनमें से 40 लोग उन्होंने कमेंट किए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 940 लोग आए हैं लेकिन कमेंट सिर्फ 40 लोगों के आए हैं, 900 लोग जो हैं, 900 पीपल जो हैं उन्होंने कमेंट करके बताया नहीं कि हम कौन थे, बाकी 9 का। तो इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, हमारी एक बहन है बहन शनाज, वो कराची से हमें सुन रही थी, यहाँ पर उनका कमेंट हमारे पेज पर नहीं आया लेकिन उन्होंने भाई शारून के वॉच पार्टी पर कमेंट किया, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि वॉच पार्टी अगर आप लगाते हैं या आप अगर उस वॉच पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपके कमेंट हम तक नहीं पहुंचते। आप गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च बिशप साइवल के पेज पर आएं, तो यहाँ पर हमारे साथ आप जी बिल्कुल, और लाइक भी करें पेज को और उसके साथ आप कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो बहन शनाज की भी रिक्वेस्ट थी कि उनके लिए दुआ की जाए, उनके खानदान के लिए, आखिर में पादी साहब सबके लिए दुआ भी करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 900 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया, आप ज़रूर कमेंट करें। हमने आज एक नए सिलसिला का आगाज़ किया है, मुकाशवा की किताब को खोलना और इसके बारे में बताना शुरू किया है, इसकी स्टडी का आगाज़ किया है, तो आप ज़रूर अगर कमेंट करेंगे तो हम इसको बेहतर कर सकेंगे। अगर किसी को भी कोई बात समझ नहीं आई और सवाल करना चाहता है तो आप व्हाट्सएप नंबर ऊपर कैप्शन में मौजूद होता है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर पर सवाल जो है वो कर सकते हैं। पादी पीटर साहब आखिर में दुआ करेंगे, उसके बाद हम कलमे बरकात के साथ इस ट्रांसमिशन को एंड करेंगे। इससे पहले कि हम दुआ करें, रोज़ की तरह फिर एहतियाती तदाबीर को आपने सामने रखेंगे कि जब आप अपने घर से बाहर आते जाते हैं तो घर वापस आएँ तो अपने हाथों को 20 सेकेंड तक आप धोएँ, मास्क लगाएँ और एक दूसरे के साथ कम से कम 4 या 5 फीट का आप फासला रखें। और अगर आपको खांसी आती है, आप छींकते हैं तो अपने मुंह पर हाथ रखें या टिश्यू रखें और उसको भी इस्तेमाल करने के बाद आप डस्टबिन में फेंक दें। और बाहर बिला वजह बिला जवाज आने जाने से आप परहेज़ करें और ना किसी के पास आएं और ना किसी के पास जाएं, आप महफूज रहेंगे। ठीक, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें।
जिंदा खुदूस आसमानी जलाली बाप बहरुबर के खालिक और मालिक तेरा शुक्र अदा करता हूँ अय खुदा बाप इस वक्त और मौका के लिए जो तूने अता फरमाया कि हम तेरे घर में बैठकर तेरे पाक कलाम की खूबसूरत बातों की तशरीह तेरे ईमानदारों तक पहुँचा सकें अय खुदा बाप मिन्नत करता हूँ कलाम का जो बीज इन जिंदगियों में बोया गया वो उगे और 100 गुना फल लाए अय खुदा बाप मैं इस कोरोना वायरस के लिए तेरे जरूर मिन्नत करता हूँ तो अपना रहमत वाला हाथ बढ़ाकर अय खुदा बाप अबलीस के सारे वार को यसू के नाम में दूर फरमा देना अय खुदा बाप इस कोरोना वायरस की सारी बीमारी तेरे बेटे यसू नाम के वसीला से जाती रहे तो अपने ईमानदारों की हिफाजत करना अपने ईमानदारों के घरानों की निगाहबानी करना अय खुदा बाप खाने पीने की चीज़ें आसमान पर से मुहैया करना हर एक ज़रूरत को पूरा तू कर सकता है अय खुदा बाप तेरे जरूर इल्तिजा करता हूँ अय खुदा बाप जहाँ कहीं पर भी तेरे ईमानदार बेटे और बेटियाँ हैं जो इस वक्त दुख तकलीफ और कर्ब की हालत में हैं जो ज़हनी तौर पर परेशानी की हालत में हैं अय खुदा बाप तो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है अय खुदा बाप तो अपने ईमानदारों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ता बल्कि उनकी हिफाजत के लिए उनकी निगहबानी के लिए उनकी रहनुमाई के लिए हमेशा उनके साथ होता है अय खुदा बाप बहन शनाज के लिए जो कराची में है उनके लिए उनके ख़ानदान के लिए तेरी तसल्ली तेरा इत्मीनान तुझसे मांगता हूँ अय खुदा बाप हर तरह की परेशानी तेरी बेटी उसके घराना से उसकी ज़िंदगी से जाती रहे अय खुदा बाप तेरे बंदा भाई शौकत के लिए मिन्नत करता हूँ उसके ख़ानदान के लिए मिन्नत करता हूँ उसकी ज़ात के लिए मिन्नत करता हूँ बख्श दे बाप जो शब रोज़ तेरे ईमानदारों की अय खुदा बाप रहनुमाई देखभाल करने में लगा है अय खुदा बाप जब वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अय खुदा बाप शब रोज सड़क पर रहता है अय खुदा बाप तो उसके साथ होना आने जाने में उसकी हिफाजत निगहबानी करना अय खुदा बाप कोरोना वायरस की मूजी मरज से इस बीमारी से बचाकर अपने बंदा को महफूज रखना तेरे खादम अली जनाब बिशप साहब के लिए बिशप अब्राहम डैनियल के लिए बहन सारा के लिए बिल के लिए बहन कमर उसके ख़ानदान के लिए बहन समर उसके ख़ानदान के लिए अय खुदा बाप बहन विक्टोरिया उसके ख़ानदान के लिए अय खुदा बाप बहन अमर के लिए भाई इनाम के लिए अय खुदा बाप तमाम अजीज़ो कारब रिश्तेदारों के लिए फौजी के लिए अय खुदा बाप सब के लिए तेरी मदद हिफाजत निगहबानी और रहनुमाई मांगता हूँ और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम ईमानदारों के लिए तमाम अजीज़ो कारब रिश्तेदारों के लिए तेरा फजल तेरी निगहबानी तेरी हिफाजत उससे मांगता हूँ तमाम जिंदगियाँ जो तेरे बेटे यसू नाम के वसीला से तेरी कहलाती हैं अय खुदा बाप वो हमेशा तेरे बेटे यसू के नाम के वसीला से इस बीमारी से बचे रहें महफूज रहें अय खुदा बाप तेरे इस घर के लिए मिन्नत करता हूँ जो अय खुदा बाप तमाम चर्चेज इस बीमारी की वजह से बंद हैं अय खुदा बाप तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं कि तेरे घर की रौनक फिर से तेरे हुक्म से अय खुदा बाप बहाल हो जाए अय खुदा बाप तू हमें फिर दोबारा तौफीक अता फरमा कि हम तेरे घर को आबाद और बहाल कर सकें अय खुदा बाप तू हमारे दिलों को शादमानी बख्शना अय खुदा बाप इस परेशानी की रूह को तेरे बेटे यसू नाम के वसीला से तमाम जिंदगियों से दूर मांग लेता हूँ दुआ मांगते हैं तेरे बेटे मसीह यसू के नाम का वास्ता देकर आमीन मसीह की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो मर रोज रोटी आज हम बख्श दे जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते तुम्हारे कर्ज माफ कर हमें आजमाइश से ना बल्कि भलाई से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाकरू की रफाकत और शराकत आलमगीर कलीसिया के साथ मुकद्दसीन के साथ हाजर जमायत के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे आमीन जलाल बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन आमीन खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे गॉड ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस यू जी नाजरीन आज आप हमारे साथ रहे और आज आपने मुकाशफा की किताब उसके पहले चैप्टर की तशरीह को देखा सुना सीखा और समझा कल फिर हम इसी तरह से कल फिर 12 बजे दोपहर के वक्त हाजिर होंगे और मुकाशफा की किताब उसका जो दूसरा भाव है उस पर हम सीखने की कोशिश करेंगे गॉड ब्लेस